लाइव कर दो इसका। लाइव है मेरी? हाँ लाइव है। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अच्छा वाला गुड मॉर्निंग, जोर से और भी। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स एंड द पीडीजीडी स्टूडेंट्स, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी अर्ली फॉर यू ऑल? 7:30 वेरी अर्ली? नो, मैनेजेबल है तो मैनेज कर लेंगे ना? यस, धीरे धीरे मैं भी ट्राई कर रही हूँ 7:30 आने की, आप भी ट्राई करना, तो हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे यहाँ पे, है ना? तो मेरे लिए भी उतना ही थोड़ा सा, 7:30 बोला तो इट्स अ लिटिल अर्ली, सो इट्स फॉर बोथ ऑफ अस, सो वील ट्राई आर बेस्ट टू बी हियर ऑन टाइम, ठीक है ना? यस, सो वेलकम टू सी ए इंटरमीडिएट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स हु आर थ्रू फाउंडेशन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट एंट्री थ्रू भी है, तो आप फाउंडेशन के थ्रू हो या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू हो, इट रियली डज नॉट मैटर। हमारा यहाँ पे जो जर्नी है, सबका भी एक साथ जर्नी स्टार्ट होने वाला है, राइट? यस, तो आपको ये जो सीए कोर्स है, यू ऑलरेडी नो फ्यू थिंग्स। क्विकली आई विल गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन। आज का लेक्चर जो होगा, पहले मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी, मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी कैसे वो बताऊंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट लर्निंग। चलेगा क्या? यस, तो एक बार ये लाइव स्ट्रीमिंग में देखते क्या क्या सीन है, इधर क्या हो रहा है। हाँ मैम, क्या आप 3.5 घंटे हमको पढ़ाओगे और बीच में हमको भूख लगने वाली है, ऐसा किसी को लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी को? यस ना, तो डोंट वरी, आई विल गिव यू अ 10 मिनट्स ब्रेक। कितना? 10, फिलहाल 10 या 12 हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो आपको पता नहीं है यहाँ कहाँ क्या मिलता है। एब्सोल्युटली इसी फ्लोर पे देयर इज अ, यू हैव लॉट ऑफ ईटरीज एंड स्नैक्स एंड चाय कॉफी सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो 10 मिनट का मैं टी ब्रेक, आपको टी ब्रेक बोलो या क्या बोलेंगे हम उसको, यस टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक 10-12 मिनट का होगा। फिर धीरे धीरे आपको यहाँ का सब पता चल गया तो मैं वो कभी नहीं, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक रख ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, घबराना मत, जाने दो। यस, सो यहाँ पे आ गए हर्ष, रोहित, अनन्या, एकता, गुड मॉर्निंग, तुषार, गुड मॉर्निंग, प्राप्ति, गुड मॉर्निंग, एंड आभास ऑल्सो, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, राइट? सो सबसे पहले क्लास में सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, एंड आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर। वेन एवर देर इज आई कॉन्टैक्ट, अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी, बिकॉज आई लाइक टू हैव अ लुक एट ईच स्टूडेंट, वेदर यूर सिटिंग इन दिस कॉर्नर और यूर सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द क्लास। आपका चेहरा देख के मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो या पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, या आप बैठे हुए हो लेकिन कुछ और चीजें चल रही है दिमाग में, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नो इनिशियली टू कॉन्सेंट्रेट। एकदम से 3-3.5 घंटा कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई विल ट्राई एंड मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू, आई विल गिव यू ट्रिक्स सो दैट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है? तो हमारे पास सारे चीजों का सोल्यूशन है, आई विल बी गिविंग यू, आई विल बी डिस्कसिंग दिस विथ यू इवेंचुअली, ठीक है ना? यस, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट जो है, इट इज, यू ऑल ऑफ यू आर नोइंग दिस, बट इट्स माय फर्स्ट, मेरा लेक्चर पहला है, तो फिर ये एक इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी। नाउ इट विल स्टार्ट विद ग्रुप वन एंड देन वील हैव ग्रुप टू क्लासेस। योर ग्रुप वन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड इट विल गो ऑन टिल 22nd of May, एंड तुरंत 23rd of May से आपकी ग्रुप टू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैम नो हॉलीडे इन बिटवीन? नो, फॉरगेट हॉलीडेज नाउ, राइट? फ्रॉम टूडे टिल द डे ऑफ एग्जाम्स वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फॉरगेट हॉलीडेज एंड फोकस ऑन स्टडीज। आज से अगर आप डिसाइड करोगे कि खूब मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली क्या ये सीए कोर्स आप क्रैक कर सकते हो? यस यू कैन स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, क्या जो भी होगा क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो व्हेन यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट, तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, क्या जो भी क्लास में होगा सब अच्छे से समझ में आएगा, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा।
थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि नया नई जगह है, नया शेड्यूल है, यू आर वरीड, यू आर स्केर्ड, डोंट गेट स्केर्ड, यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, किसी भी फैकल्टी से आप आके बात कर सकते हो, हम आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। इवन पढ़ाई को छोड़ के भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन फील फ्री, कम एंड डिस्कस, ठीक है? तो फील कंफर्टेबल, यहाँ पे डाउट्स पूछने, फील कंफर्टेबल, डोंट हेजिटेट, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप डाउट्स पूछोगे तो क्लास इंटरैक्टिव क्लास होगी, आपने आंसर्स देने चाहिए, डाउट्स है तो तुरंत आपने क्लियर करने चाहिए। तुरंत मतलब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी फिर आपको पूछूंगी, आर देयर एनी डाउट्स, आई गिव यू टाइम फॉर डाउट्स, चलेगा क्या? यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। यस, सो मैंने आपका फेस टू फेस लिया है, आना है तो हाँ, तो कुछ कुछ बच्चे अभी और ज्वाइन होने हैं, यू कैन ऑलवेज कम। अभी तो लेक्चर्स थोड़े दिन 5 to 6 days यूट्यूब पे चलेंगे, GDPD स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, सभी को लेक्चर अभी यूट्यूब पे ही देखना है, ठीक है? यस, चलो अब सुनो, ग्रुप वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपका? अकाउंट्स है, लॉ एंड टैक्स, एंड ग्रुप टू में आपका क्या क्या है? ऑडिट, कॉस्टिंग एंड FMSM. नाउ इसमें से अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, लॉ इज थ्योरी, व्हाट इज टैक्स? इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ओके, इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। नाउ ये जो टैक्स है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू इनकम टैक्स एंड GST. इनकम टैक्स 50 मार्क्स, GST 50 मार्क्स, बराबर है क्या? अच्छा, ओल्ड सिलेबस में इट वॉज 60-40, 60 मार्क्स फॉर इनकम टैक्स, 40 मार्क्स फॉर GST. अब उन्होंने क्या कर दिया बेटा? इक्वल कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? इक्वल कर दिया। सो 50 मार्क्स इनकम टैक्स, 50 मार्क्स GST. इज दैट ओके? यस, ओके। अब ये जो है आपका पासिंग क्राइटेरिया एंड ऑल इज द सेम, कोई भी चेंज नहीं है। व्हाट इज योर पासिंग क्राइटेरिया? इंडिविजुअली इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू स्कोर एंड योर एग्रीगेट हैज टू बी 50%. तो अगर ये 300 मार्क्स है टोटल, तो आपका एग्रीगेट क्या आना चाहिए? 150. तो हम एक काम करेंगे आज से, हमारा पासिंग 40 नहीं बोल के हम क्या मान के चलेंगे, पासिंग इज 50. तो आपको 50 एवरी पेपर में लेके ही आना है, ठीक है? सो हमारा टारगेट क्या है? मिनिमम 50. एग्जम्पशन की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि टैक्स में क्या एग्जम्पशन आ सकता है. यस, इट कैन कम, एग्जम्पशन भी हमें मिल सकता है. आई थिंक सारी फैकल्टीज आने वाली है, सो वील जस्ट सी, वंस एवरीबडी इज देयर देन देल कम, है ना? ओके, अच्छा शिवराज बघ सगळे आले असतील तर मला सांग. हाँ, तुम लोग पहले दिन से ऐसे हो गए क्या रे? मुझे लगा पहले और 3-4 दिन आप एकदम गरीब गाय के जैसे, मैं तुमको बोल रही घबराना मत, हम है, और इधर तुम अपने रंग आज से ही दिखाना चालू कर दिए क्या रे? ऑल राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. तो ये आपको समझ में आ गया क्या क्राइटेरिया? यस, तो 50%. अभी हमने टारगेट क्या रखना है? एग्जम्पशन इन टैक्स शुड बी आर टारगेट. इज इट पॉसिबल टू स्कोर? यस, द टैक्स हाइएस्ट हैज बीन 95. तो कितना हाइएस्ट है आज तक टैक्स में, क्या हाइएस्ट है मेरे स्टूडेंट का? 95. It's very very easy. It is very very manageable if you follow all our instructions. ठीक है? अब देखो, हमारा जो पेपर आता है इनकम टैक्स का, यहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे. क्या आएंगे आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे. जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आएंगे, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जनरली. सो यू विल जनरली हैव 2 to 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं आते. बाकी आपको केस बेस्ड, मतलब कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो आपको लॉ में या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, थ्योरी क्वेश्चंस काइंड ऑफ आएंगे. बट 50 में से ऑफकोर्स आपको पता है 30% क्या है? MCQ. तो 30% मतलब कितने मार्क्स बेटा? कितने मार्क्स? 15 मार्क्स का क्या आएगा? MCQ आएगा. 15 मार्क्स क्या होगा? MCQ आएगा. और यहां पर 35 मार्क्स क्या होगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे. बहुत रेयरली इनकम टैक्स में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही रेयरली इनकम टैक्स में क्या पूछा जाता है? थ्योरी क्वेश्चन. जीएसटी में भी वैसा ही होगा, आपको 15 मार्क्स के क्या आएंगे? MCQ एंड 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, जिसमें 1 से 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, कि लायबिलिटी निकालो, जीएसटी कितना पेएबल है वो बताओ, और उसके बाद आपको क्या आएगा? आपको केस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस या थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे.
व्हाटएवर बी द पेपर पैटर्न, अगर आप पढ़ाई करके जाते हो, कैन वी टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स? यस. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैन यू आंसर अ थियोरी क्वेश्चन? वाई नॉट. कैन यू आंसर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन? वाई नॉट. हाँ, सिर्फ थियोरी क्वेश्चन के लिए हमें क्या चीज की प्रैक्टिस लगेगी? राइटिंग प्रैक्टिस. विल वी बी डूइंग दैट? यस. हम लोग क्लास में जहां जीएसटी में राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होगी वहां पे हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. क्लियर हो गया? रफली पेपर कैसे आ रहा है आपको, क्लियर हो गया क्या? यस. अब ये न्यू सिलेबस है, पैटर्न अभी फर्स्ट टाइम जब May 24 का पेपर होगा तब और पैटर्न हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, पेपर के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई है क्या? तो कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको आइडिया आ गया अभी? यस. सो इट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज यू गोइंग टू गेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट वाई? बिकॉज यू गोइंग टू गेट बेटर वॉट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसीलिए ये सब्जेक्ट क्या होने वाला है? स्कोरिंग होने वाला है. क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आंसर सही आया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आंसर गलत आया फिर भी आपको स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलेंगे. ठीक है? यस. अब थोड़ा सा मैं आपको टैक्स इस विषय के बारे में बताती हूँ कि टैक्स जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उसकी गहराई कितनी है. यू शुड नो दैट, राइट? यस. सो आई नाउ यू गॉट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. पहले मैं डीटी पढ़ाऊंगी, उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगी आपको? जीएसटी. क्योंकि डीटी पढ़ने के बाद क्या आ जाता है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है एंड देन वी कैन स्टडी जीएसटी. ठीक है? ओके. तो अब देखो, टैक्स ये जो सब्जेक्ट है इसकी आपको गहराई समझनी है. व्हाट इज, व्हाई डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स? उनकी रेवेन्यू के लिए, उनकी कमाई के लिए, बराबर है? आपको पता है टैक्सेस का कलेक्शन कितना होता है? क्या आपको पता है इंडिया में कितने लोग टैक्स पेयर्स है? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग टैक्स पेयर्स हो? है हो? क्या टैक्स पे करते हो आप? जीएसटी पे करते हो. सो आपने कुछ चीजें खरीदी, खाना ऑर्डर किया, कोचिंग क्लास की फीस पे करी, व्हाट आर यू ऑल डूइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू पेइंग? यू आर पेइंग जीएसटी. सो आर यू ऑल पेइंग जीएसटी? यस. बट आर यू पेइंग इनकम टैक्स? नो, क्योंकि इनकम ही नहीं है. आर यू पेइंग इनकम टैक्स? नो. बट आर यू पेइंग जीएसटी? यस. यू आर पेइंग जीएसटी बट यू आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स. तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जीएसटी का टैक्स बेस देखो कितना बड़ा है. इनकम टैक्स में जो इनकम अर्न करेगा वही पे करेगा, लेकिन जीएसटी में क्या हो रहा है, टैक्स बेस बहुत ज्यादा है. आई एम गोइंग टू कम टू इट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तो मैं आने वाली हूं, अभी तो स्टार्ट नहीं कर रही हूं. अब देखते हैं, अच्छा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? कितना? 140 करोड़ बोलू मैं, चलेगा? यस, 140 करोड़. ओके. आपको क्या लगता है इस 140 करोड़ में से कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? 1 करोड़. क्या लगता है आपको कितने, 140 पॉपुलेशन जो है हमारा उसमें से कितने लोग हैं? अच्छा पहले इनकम टैक्स की जब बात करूंगी आपको एक और चीज बताती हूं. अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड व्हाट इज दैट, कि आप अभी जब आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करोगे, फाउंडेशन हो गया आप रजिस्ट्रेशन करोगे, डायरेक्ट एंट्री में आप रजिस्ट्रेशन करोगे. वैसे डायरेक्ट एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट क्या है? 1st मार्च. ओके, सो यू हैव टू रजिस्टर बिफोर 1st मार्च. नाउ यू गाइस आल्सो मस्ट बी हैविंग 1st मार्च ओनली, फाउंडेशन स्टूडेंट्स आल्सो 1st मार्च. यस. नाउ टेल मी वन थिंग, रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या आप कुछ पेमेंट देते हो, रजिस्ट्रेशन फी देते हो, प्लस एक फॉर्म भरते हो? अरे बोलो ना. हाँ एवरीबडी. अच्छा यहाँ पे बहुत सही आंसर्स आ रहे, प्रणव 8 CR, 7 CR, उन्नत. यस, तो रुक जाओ जरा, उन्नत कल ही तेरे से बात हुई थी ना शायद वेबिनार में. ओके. अब सुनना, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम टैक्सेस की बात करते हैं आपको दो चीजें करनी होती है. यू हैव टू फिल अ फॉर्म. क्या फिल करना है आपको? फॉर्म, प्लस यू हैव टू पे टैक्सेस. जैसे आपने आईसीआई को रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा और आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा. आईसीआई बोलती है यार सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तुम्हारा डिटेल्स चाहिए. व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, योर एड्रेस, वी वांट योर डिटेल्स आल्सो. वैसे ही इनकम टैक्स क्या बोलता है, कि हमें सिर्फ टैक्स नहीं चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए. क्या चाहिए? आपकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए. तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो
उस इंफॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म बनाया गया और उस फॉर्म को बोलते हैं रिटर्न्स। क्या बोलते हैं बेटा उस फॉर्म्स को? रिटर्न्स। सो यू हैव टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न्स प्लस यू हैव टू फिल जीएसटी रिटर्न्स। तो आपको एक फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना है, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? रिटर्न्स। और रिटर्न्स के साथ हम क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। रिटर्न्स के साथ हम क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो मेरा अभी जो सवाल है, मैं आपको दिखाने वाली हूं कि इनकम टैक्स कितने लोग ये इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं और रिटर्न भरते हैं। तो एक काम करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही चलते हैं और मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से एक नंबर दिखाती हूँ। और बहुत ही एक बढ़िया एक सीबीडीटी ने एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टैक्स का कलेक्शन कितना हो रहा है, ये कितने लोग रिटर्न भरते हैं। अभी तक टैक्स पढ़ाना चालू नहीं कर रही हूँ, बट ये आपको आइडिया दे रही हूँ। सी यू शुड हैव अ पिक्चर। लाइक आई टेल यू, टैक्स इज नॉट जस्ट पेपर थ्री बेटा, इट इज अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। So you guys have to make your career choices out of this subject because it is a core subject. CS, CMA को tax के बारे में नहीं पूछा जाएगा। Tax के बारे में किसको पूछा जाएगा? CA को। Direct tax पहले आप समझ लो कि आपके intermediate में दोनों एक ही subjects क्यों है, क्योंकि आपका base ready हो रहा है। Final में DT 100 marks का अलग और IDT 100 marks का अलग। तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको DT और GST को रिलेट करके पढ़ाऊंगी, सो योर बेस गेट्स प्रिपेयर्ड। टैक्स में से हमें आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देना है, टैक्स में से ही हमें काम करना है, रिटर्न्स भरने हैं, टैक्स कैलकुलेट करना है, लोगों का एडवाइस देनी है। आप बिजनेस डिसीजन लोगे तो भी वो टैक्स के व्यू पॉइंट से लिया जाता है कि कंपनी फॉर्म किया तो क्या होता है, कितना टैक्स आता है। अगर मैंने कंपनी नहीं बनाया, फॉर्म बनाया तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये जो डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन भी क्या बेसिस पे लेने पड़ते हैं? टैक्स की बेसिस पे लेने पड़ते हैं। सो इट इज बेस्ट दैट यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, यू एंजॉय दिस सब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लास में बैठते हो तो टेंशन लेके नहीं बैठना है कि ये लर्न कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेट्स एंजॉय द प्रोसेस, रिलैक्स इन द क्लास, एंजॉय द प्रोसेस। मैम जो भी पढ़ा रही है समझ में आने वाला है, वी आर गोना अंडरस्टैंड स्लोली ग्रेजुअली, समझ में सब आ जाएगा। बराबर है क्या? यस अब देखते हैं, हम जस्ट विजिट करते हैं, साइट ओपन है क्या? एक सेकेंड। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैन यू सी हियर, दिस इज व्हाट ई फाइलिंग एनी वेयर एनी टाइम। कैन यू सी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इनकम टैक्स की साइट है जहां पे हम ये फॉर्म अपलोड करते हैं। आजकल सब डिजिटल हो गया है, आजकल सब क्या हो गया है? डिजिटल हो गया है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो ना? यस, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो है, ये इनकम टैक्स की वो साइट है जहां पे जाके आप रिटर्न भरने वाले हो। कब? जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दोगे। व्हेन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, दिस इज द साइट वेर यू आर गोना गो एंड डू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न क्या होता है? एक फॉर्म। फॉर्म पे क्या जाती है? इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखो, ये प्रोसेस है, आपको तुरंत नहीं समझेगा, कुछ चीजें आपको बाद में समझेंगी। बराबर है कि नहीं? अब देखो, इस साइट पे यहां पे नीचे है नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड, नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड फॉर एवाई। व्हाट इज दैट एवाई? आई विल कम टू दैट। 23-24 एक ईयर है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने फाइल हुए हैं? कितना ये? 82 लाख? 8 लाख? व्हाट इज इट? व्हाट इज द नंबर? कैन यू रीड इट? इज इट 8 crores 22,48,676? तो रफली ये तुरंत अपडेट होता है, कल या परसों। अभी तो रिटर्न फाइलिंग की डेट चली गई है, बट जब रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है, एवरी टाइम रियल टाइम ही अपडेट होते रहता है। सो द नंबर गेट्स अपडेटेड रियल टाइम। तो यहां रिटर्न भर दिया, यहां पे अपडेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। सो इट्स अ डिजिटल इंडिया नाउ। व्हाट इज इट? डिजिटल इंडिया, करेक्ट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लुक एट इट। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो पॉपुलेशन कितना है? चलो चलो 140। और कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं? 8 crores। तो परसेंटेज कितना हो गया? चलो कैलसी निकालो। कैलसी लेके आए क्या? नहीं, तुम कैलकुलेटर लेके आए क्या? तुम देखो कितने परसेंटेज पीपल फाइल रिटर्न्स इन इंडिया। नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल कितना आ रहा है? 5.7। कैन वी से 6%? कैन आई जस्ट अप्रोक्सीमेशन से 6% पीपल फाइल रिटर्न्स?
Yes, so how many people are filing returns? Only 6% people. Many people are below the poverty line. They don't have income and therefore they are not filing the returns. Correct? Therefore, they are not filing the returns. अब ये जो है बहुत सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा. जैसे और एक इनकम टैक्स की साइट है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इस इनकम टैक्स की साइट को विजिट करते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें आपको पता चलती है. यहाँ पे लेटेस्ट यू शुड विजिट दिस गवर्नमेंट साइट. ये जो गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स की हमारी जो साइट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स. सीबीडीटी नोटिफाइज इनकम टैक्स रिटर्न्स आ गए, मतलब नए फॉर्म्स आ गए हैं, या रिलीज ऑफ डायरेक्ट टैक्स के स्टैटिस्टिक्स. अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे उन्होंने बताया, बीच बीच में दे कीप ऑन गिविंग यू दिस प्रेस रिलीज और बताते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ. तो ये जो प्रेस रिलीज है, इन्होंने बताया कि कितना डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ, कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल वेयर? ऑन द इनकम टैक्स वेबसाइट. कहां पे अवेलेबल है? इनकम टैक्स वेबसाइट. करेक्ट ना? और एक वहां पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है. एक मिनट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर थिंग टू कम. कंडक्ट सर्च ऑपरेशन इन मुंबई. तो सर्च मतलब क्या? आपने रेड मूवी देखी है? तो अगर आप अपना इनकम छुपाते हो और टैक्स की चोरी करते हो तो हम आ जाएंगे ढूंढने के लिए. क्या करेंगे हम? हम ढूंढने के लिए आ जाएंगे, इसलिए सर्च. क्या हम लोग रेड करेंगे, सर्च करेंगे, चेक करेंगे? तो क्या सर्च हुआ, सारे रिपोर्ट्स देते हैं, कितना कलेक्शन हुआ, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी कितना कलेक्ट हुआ. सो लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. बट टूडे इफ आई शो यू ऑल ऑफ इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. यू विल अंडरस्टैंड दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो जैसे जैसे मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, आई विल शो इट टू यू. कि देखो, अगर मैं सर्च या अनडिस्क्लोज इस चोरी वाले इनकम के बारे में कुछ बताऊंगी तो उस पर टैक्स कितना लगता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी. तब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि देखो, रिसेंटली मुंबई में हुआ, रिसेंटली इस सिटी में हुआ, इतना ब्लैक मनी मिला है. सो दिस इज हाउ आई विल बी टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. बट आई विल शो यू थिंग्स प्रैक्टिकली बट स्लोली एंड स्टेडिली. वेन आई विल स्टार्ट शोइंग यू, वेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट. ध्यान में आ रहा है क्या? अच्छा, लगभग इनकम टैक्स का जो कलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, इट वॉज 16 लाख करोड़ पूरे साल का. कितना कितना कितना? 16 लाख करोड़ पूरे साल का. कितना? 16 लाख करोड़. सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला स्टेट कौन सा? एनी गैसेज? महाराष्ट्र. लगभग 2 लाख करोड़. 2 लाख नहीं, 6 लाख करोड़. तो महाराष्ट्र का इसमें से कितना था? 6 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन कहां से हुआ? महाराष्ट्र से. फिर 2 लाख करोड़ का हुआ दिल्ली से. फिर आगे और 2 लाख करोड़ हुआ कर्नाटक से. सो दिस इज हाउ. हाउ डू आई नो? ये भी एक रिपोर्ट है बेटा, पूरा का पूरा एक रिपोर्ट है जो इनकम टैक्स ने ही इसको आउट किया है. और उन्होंने यहां पे दिया है हमें ये रिपोर्ट, इनकम टैक्स का एक रिपोर्ट है. आई विल शो यू, आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शो यू. नाउ स्टेट वाइज कलेक्शन है देखना, और ईयर वाइज भी है. स्टेट वाइज एंड यूनियन वाइज टेरिटरी वाइज ब्रेकअप ऑफ टैक्स कलेक्शन. देखो स्टेट वाइज है, आंध्र प्रदेश का कितना, आसाम का कितना, गोवा का कितना, कर्नाटक का कितना. सो कर्नाटक आई टोल्ड यू हाउ मच? 2 लाख करोड़. राइट? दिल्ली आई टोल्ड यू हाउ मच? रफली 2 लाख करोड़. एंड महाराष्ट्र आई टोल्ड यू हाउ मच? 6 लाख करोड़. टोटल कलेक्शन हुआ कितना था? 16 लाख करोड़. टोटल कलेक्शन कितना हुआ था? 16 लाख करोड़. तो कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट टैक्स में? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक एंड देन द अदर स्टेट्स फॉलो. ठीक है? तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी गहराई समझो. कितना टैक्स कलेक्शन होता है? 16 लाख करोड़ ऑफ इनकम टैक्स एंड लगभग उतना ही जीएसटी का कलेक्शन होता है, और लगभग उतना ही जीएसटी का कलेक्शन होता है. सब यहां पे परसेंटेजेस है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट का कंपैरिजन सब. और ये सब गवर्नमेंट का सोर्स है. कहां से लिया ये सब? इनकम टैक्स की साइट पे आपको दिखाऊंगी ये रिपोर्ट ढूंढ के. इनकम टैक्स की साइट का रिपोर्ट है ये. ठीक है? तो आपको गहराई समझी क्या जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं? ठीक है? ध्यान में आ रहा है क्या आपको? कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये अभी हमारे लिए. अब आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूं, फिर मैं आपको मेरा क्या बताऊंगी, टीचिंग मेथड बता दूंगी. आपने नोटबुक कैरी किया है क्या?
बुक्स तो आपको अभी कुछ दिनों में मिल ही जाएंगे, बुक्स ऑलरेडी रेडी इन दी ऑफिस, लाइव स्ट्रीमिंग और पीडीजीडी के बच्चों के बुक्स डिस्पैच होना भी स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। अब देखो आपको मैं बता देती हूँ मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो आई एम सीए पूजा दाते, आई क्वालिफाइड इन जैन 2002। क्या हो गया? सो आई क्वालिफाइड इन द ईयर जनवरी 2002, नवंबर 2001 वाज माय फाइनल का एग्जाम एंड इन जैन में उसका रिजल्ट आता है। सो जैन 2002 आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ट्वेल्थ में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, फिर बहुत रोना धोना हुआ, फिर 6 महीने तक मैं डिसाइड कर रही थी अब क्या करूं। फिर उसके बाद माय डैड इज इनटू दिस फील्ड, ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट, सो देन आई डिसाइडेड ओके आई विल शिफ्ट इनटू कॉमर्स फील्ड एंड लेट मी ट्राई सीए। सो पहले फाउंडेशन में मैंने बहुत मेहनत करी क्योंकि डर लगता था इनको सब आता है पहले से और मुझे कुछ भी नहीं आता है। सो आई स्टडीड वेरी, वर्कड वेरी हार्ड इन फाउंडेशन, देन इन सीए इंटर आई गॉट अ रैंक। सो आई एम AIR 25 इन सीए इंटर, AIR 33 इन फाइनल, ओके। सो दिस इज हाउ, एंड सिंस 2002 आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड आई एम इन टू द फील्ड ऑफ टीचिंग सिंस 2002, ओके। टैक्स हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो वेन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई एंजॉयड दिस सब्जेक्ट द मोस्ट ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप ऑल्सो। लकीली मुझे टैक्स से रिलेटेड ही बहुत काम करने को मिला, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस सब्जेक्ट में। सो दैट इज हाउ टैक्स हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। यस, सो लाइक दिस नाउ आई, बिकॉज आई एम बीन टीचिंग फॉर 22 years, व्हाट्स योर एज बाय द वे? 19, 18, सो 20, सो प्लस सम नंबर्स एंड दैट्स माई टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके। यस, सो आई हैव सीन 22 years के टैक्स के पेपर्स, 22 years के RTPs, MTPs, 22 years के प्लस 3 बोल सकते हैं, एज अ स्टूडेंट भी मैंने पढ़ाई की है तो 22 + 3 बोल सकते हैं, तो 25 years से आई हैव बीन लर्निंग टैक्स, आई हैव बीन सीइंग बजट्स, आई हैव बीन सीइंग द एक्ट्स। सो मैं आपको बहुत डिटेल में हिस्ट्री, लॉजिक, क्यों ऐसा हुआ, इस साल में इलेक्शन वाला ईयर था इसलिए ये चेंज हुआ, ऐसे सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अच्छा, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, मुझे एक चीज बताओ, आप कितने साल के पेपर्स देख पाओगे? 4, 5, 6 साल के। मैं आपको हर एडजस्टमेंट के लिए बताऊंगी, ICAI एडजस्टमेंट को इस तरीके से पूछता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल RTPs, आई हैव गॉन थ्रू ऑल पेपर्स एंड इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन मोर और लेस द सेम विथ अ फ्यू सेक्शंस एडिंग एंड अ फ्यू सेक्शंस गेटिंग डिलीटेड। सो इस बार हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, आप बाद में कभी देख लेना ऑन इंस्टा, देयर इज अ रील वेयर अ स्टूडेंट ऋषभ, कुछ बच्चों को मैंने जब वो काउंसलिंग के लिए मुझसे मिले थे तब दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि आपको मोटिवेशन मिलता है। सो देयर वाज अ स्टूडेंट ऋषभ जैन, ये चेन्नई का स्टूडेंट था, आपके जैसे ही फेस टू फेस गुरुकुल का स्टूडेंट था वो, एंड ही हैड डिसाइडेड कि मैम जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ क्लास में आके रिजल्ट देखूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ हमारा ऐसे बॉन्ड बन जाता है, उनको मेंटरिंग करते हैं, उनके पेपर्स हम चेक करते हैं, हम उनको गाइड देख करते हैं, तो फिर ही वॉज लाइक मैम आई कम ह्योर। तो मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रही थी और वो इधर 8 बजे से आके बैठ गया था, तभी मेरा क्लास 8 to 11 होता था, 8 बजे से इधर बैठ गया था और मैं उस दिन पढ़ा ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसका रिजल्ट है और मुझे टेंशन आ रहा था। 9:30 को every 5 minutes आस्किंग रिजल्ट आ गया, फिर 9 o'clock फाइनली जब रिजल्ट आया, ही वी सॉ हिज रिजल्ट वी हियर ऑन द लैपटॉप एंड ही गॉट 585। दिस वॉज ओल्ड सिलेबस, सो ऑफकोर्स 585 ही गॉट एंड ही वॉज लाइक मैम शायद रैंक नहीं होगा, एज इन 585 इज अ गुड स्कोर, यू कुड गेट अ रैंक, एंड देन ही चेक द रैंक हियर इन द क्लास एंड इट वॉज 39th रैंक, एंड टैक्स में ही गॉट 74। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है टैक्स का, जो सबसे मुश्किल होता है, सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक सवाल पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में उसने ऑफकोर्स बाद में अपनी आंसर शीट ICAI से मंगाई और फिर मुझे शेयर करी, ही गॉट 14 on 14 ऑन दैट, ही इज गॉट फुल इन दैट। सो अगर वहां आपको फुल मिल गया तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही भारी है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको इस बार ऐसे 4 रैंकर्स है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स SPCC से किए,
इंडिविजुअल रैंकर्स तो अलग अलग है ही. सो वी हैव एआईआर 14 शिवम, ही इज अ मुंबई स्टूडेंट, उसको जो है टैक्स में 82 मार्क्स मिले हैं. एआईआर 20 इज माई स्टूडेंट 34 एंड 39. पास्ट में देर हैव बीन मेनी रैंकर्स, मेनी एआईआर वंस ऑल्सो हैव बीन देर. सो ऐसे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. आपको कुछ और या अलग नहीं करना है, जो इंस्ट्रक्शन हम आपको क्लास में दे रहे हैं वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है. सो यू हैव टू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव यू. कुछ अलग करना है क्या? नहीं. क्लास में जब आप बैठो, ट्रस्ट करके बैठो, आप एक फेथ से बैठो और पॉजिटिविटी से बैठो, टेंशन मत लो. लेट्स मेक लर्निंग एंजॉयबल. कहीं कहीं हम वो प्रेशर में ये प्रोसेस को पूरा एंजॉय करना ही भूल जाते. सो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. लेट अस हैव फन इन द क्लास, लेट अस हैव इंटरेक्शन इन द क्लास, एंड लेट अस मेक लर्निंग फन. मार्क्स तो मिलेंगे, टैक्स एक सिर्फ पेपर नहीं है, मस्त वाला एक सब्जेक्ट है. इसमें बहुत ज्यादा हमें आपको एडवाइस देनी है क्लाइंट्स को, आपको इंटरप्रिटेशन करना है. सो इस चीज को आप समझो कि वाओ मजा आएगा जब आप आपके रिलेटिव्स को टैक्स से रिलेटेड एडवाइस दोगे. अगर घर पे आपका बिजनेस है तो आप पेरेंट्स को बताओगे, कोई सैलरीड पर्सन है तो टैक्स कैसे सेव करना है आप उन्हें बताओगे, तो मजा आएगा. सो एंजॉय दिस लर्निंग प्रोसेस. सो आर यू ऑल रेडी टू एंजॉय दिस लर्निंग प्रोसेस? यस, कम ऑन, सो क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज. कम ऑन एवरीबॉडी. Yes, good morning Ajay. However batch. Yes, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं, अभी टैक्स के बारे में स्टार्ट करें क्या? आ जाओ. तो yes, all faculties are here and they have all come to welcome you to the CA journey. So we have Swapnil sir, Harshad sir, Ankita ma'am. So please go for Talia. So, देखो सुबह उठ के सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पे एनकरेज करने आए हैं, वेलकम करने आए हैं आपकी पूरी सीए जर्नी में. यस, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू. यस, ओके, माइक देना भाई और एक बार. सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? वैसे सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन. आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाए. ओके, आप लोगों ने इनको कहीं देखा है? हाँ, एक एक कवर आज कितने लोगों ने पहले यूट्यूब पर वीडियोस पर देखा है इनको, वहां से देखा है? ओ हो, सबने देखा है. कितने लोग पहली बार लाइव देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं सब चेहरों को? नहीं, कुछ लोग आपने देखा है पर कुछ लोग, बहुत लोगों ने पहली बार. क्या हम वैसे दिख रहे जैसा दिखते हैं? जी की बताओ, इस इंसान का नाम क्या है? वेरी गुड, ये तो माँ है तो ठीक है. जानते हैं ये कौन है? हाँ, और ये कौन है? और मैं तो क्या, आप मुझे देखे कहीं? थैंक यू सो मच. ये हमारे बाहुबली है. सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीम एसपीसी में, एसपीसी में, एसपीसी गुरुकुल में. और मित्रों, आज एक नई जर्नी की शुरुआत, थोड़ा आवाज कम कर देना, आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है. आर यू एक्साइटेड और नर्वस? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है या टेंशन में हो? अरे कितना अच्छा फीलिंग आना चाहिए, आज तो सीए इंटर में आ गए हैं. ये दिन का तो हमें बहुत दिनों से इंतजार था, राइट? क्या मैं जान सकता हूं इसमें डायरेक्ट एंट्री के कोई स्टूडेंट्स है? ओके, वेरी गुड, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है. पहले तो डायरेक्ट एंट्री के बारे में कुछ लाइन बताना चाहूंगा. हम लोग जब भी पढ़ाएंगे क्लास में, ऐसा पढ़ाते हैं कि वी विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, so everybody who is going to sit in the class will understand everything about it. Okay, so nothing to be worried about anything. Har koi cheez jo padhayenge, jaise Anand sir accounts aisa padhate hain ki mano ki aapne accounts kabhi padha hi na ho. Law aisa padhayenge, Ankita ma'am jaise CA foundation mein law nahi padha. So everything will be taught like that, kyunki direct tax to subject aisa tha foundation mein tha hi nahi, wo to sabke liye naya hi hai. Audit subject kabhi tha hi nahi, wo to naya hi hai. FMSA mera subject to तो कॉस्टिंग भी नए हैं, तो सारे सब्जेक्ट तो ऐसे पढ़ाएंगे एज इफ यू नो यू डोंट हैव. तो जो लोग और जितने भी लोग सीए फाउंडेशन वाले हैं और डायरेक्ट एंट्री वाले, सब लोग साथ में मिलके इस मिशन को कामयाब करेंगे, राइट एवरीवन? और क्लास में आई वांट टू सी यू नो, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जीवन की आपकी ऐसी क्लास है जहां पे आप समझो इसके बाद में कोई क्लास ही नहीं, क्योंकि आप सीए इंटर में हो और फाइनल में कोई क्लास ही नहीं होती. फाइनल में एवरीथिंग इज लर्न थ्रू ऑनलाइन क्लासेस.
तो जीवन का आपके जो स्कूल से लेकर जो संघर्ष है ना, स्कूल में जाना है, क्लास में जाना है, वो ये यहाँ पे इस क्लास पे एंड होगा। पता नहीं आपने शुरू कहा से किया पर एसपीसी पे एंड होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलो? इसके बाद में कोई क्लासेस ही नहीं है। यू ऑल हैव टू लर्न एवरीथिंग जो फेस टू फेस कर रहे हैं आप, वो सिर्फ अब इंटर में और फाइनल में ऐसी क्लासेस नहीं होती, लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं और खत्म कर लेते हैं बिकॉज तब आर्टिकलशिप भी चलती होती है, उसके साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे क्लास में मतलब पढ़ना तो है पर इस क्लास का आपको वो भी होना चाहिए कि यार मेरे लाइफ की ऐसी क्लास है, आई वॉन्ट टू मेक इट मेमोरेबल। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जुनून से पढ़ना है, निर्धार से पढ़ना है, इसी सोच के कि इस बारे में हम लोगों को कुछ खास करके दिखाना है, राइट? तो बताइए कितने महीने हैं आपके पास? अरे हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 6 मंथ्स किसके लिए? नहीं नहीं मैं पूरा बोल रहा हूं, 9 मंथ्स है क्या उससे भी कम है? 8.5, 8.5 या 9? 8.5। क्लासेस कब तक चलेगी? 5.5 से 6.5 महीने, मान लो 5.5 मान लेते, कितने महीने बचेंगे बाद में? यू विल बी हैविंग 3 मंथ्स इनफ टाइम। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि 5.5 महीने में हम लोग जब क्लासेस में पढ़ाएंगे, ना किसी पढ़ाएंगे, पढ़ा के बहुत सारा रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बच्चे आके हमें पूछते हैं सर 8.5 महीने में क्या दोनों ग्रुप पॉसिबल है? सर पॉसिबल हो सकता किसी और के लिए पॉसिबल ना हो, आपके लिए जरूर है। क्यों बताओ? क्योंकि यहां पे जब पढ़ाया जाता है, ना कि हम सब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ बहुत रिवाइज कराते हैं, इतना सारा रिवाइज कराते हैं, और रिवाइज कर करके आपको सारी चीजें क्लास में ही इतनी अच्छे से याद भी हो जाती है। और फिर याद होने का क्या करते बताए? आईसीआई के भाई आप सब लोग आईसीआई के पेपर लेते, एक बार बता दो, वो देख रहे मेरे पास, यस। तो पास्ट एग्जामिनेशन में जितने भी आईसीआई के पेपर्स है वो सब लोग हम लोग यहाँ पे क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं, आरटीपीसी भी क्लास में लेते हैं, और पता है उसके अंदर क्या करते हैं? आपके टेस्ट लेते हैं। तो ये एसपीसी का पढ़ाने का एक तरीका है, यानी कि सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे अब मैम जो चालू कर रहे हैं, फिर अंकिता मैम है, फिर अकाउंट्स के लेक्चर होंगे। यहाँ पे हम लोग सब क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस इज ऑन व्हाट? कंसेप्ट्स। बट यहाँ पे हम लोग जब कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, वी कनेक्ट विद नॉट रियल। आपने सबने कहीं ना कहीं तो संकल्प बैच में कोई थे, प्री रिजल्ट बैच में थे, आपने पढ़ने का तरीका देखा होगा, उसके पहले कोई लेक्चर देखा होगा, डेमो में कहीं ना कहीं तो कुछ देखा होगा आपने, राइट? यूट्यूब पे जो है, भाई तुम थोड़ा सा हंस दो, एक बार हंसो, मुझे टेंशन आ जाएगा वरना। ओके फाइन। अच्छा आपको बता दें, उससे भी पहले मैंने सीए किया है, सीएस किया है, एलएलबी किया है, सीसा किया, बीकॉम किया, कितने डिग्रीज है मेरे पास? 5। ओके सब सीए यहां पे, पर क्या आपको देख के ऐसा लग रहा कि हर्ष को देख के लग रहा बहुत सैड है? सैड लग रहा है क्या? अंकिता मैम को देख के लग रहा है कि सैड है? नहीं ना, यहां पे कोई भी सैड नहीं, ये तो माँ को तो रैंक भी मिला है, पढ़ते पढ़ते इतने इमोशनल हो गए, रैंक मिल गया उनको, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना आप खुश रहोगे क्लास में उतने ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि जब हम लोग खुश रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं ना, आपको समझ में होता है, टेंशन थोड़ी लेने रहे। यहां पे हमको किसी को भी कुछ नहीं आता था पहले, आपकी उम्र में कुछ भी नहीं आता था, बट एक जिज्ञासा थी कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। ओके अगर मैं देखता हूं 10-15 सालों पहले, हम भी आपके इसे क्लास में बैठते थे और सच में कुछ नहीं आता था किसी को, यू लाइक डम, मतलब कुछ थे बुद्धिजीवी लोग, 1, 2, 3 हम तीनों डम थे, ठीक है? हर्ष सर बराबर हो रहा हूं, हर्ष सर तो हम लोग बहुत डम थे, बट यू नो कल वैलेंटाइन डे हो गया तो तारीफें भी खत्म हो गई, आज अभी वापस चालू हो गया ऑन ट्रैक। और मतलब जो सर बोल रहे ना, मैं तो यहाँ बैठ सर की क्लास में बैठता था, मैं मतलब सर यहाँ पे लेक्चर ले रहे, मान लो आई वॉज ए स्टूडेंट, सोचो तो मैं तो यहाँ ऐसे बैठता था। कल से ऐसा बोले सर मैं तो हर्ष सर का स्टूडेंट था, बीएसपीसी का टीचर बन गया, आप भी बोलोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्या से क्या हो गया देखते देखते, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हम लोग को देख के ऐसा समझना हमने कुछ अनजन के से तारी जमीन पर आ गए, कुछ नहीं है, हम लोग आप जैसे लोग थे, आराम से पढ़ते थे, पर थोड़ी सी एक ही चीज थी, हमारे से भी हौसले बढ़े थे, हमें सब में एक सिमिलरिटी है, हौसले और सपने बढ़े थे, बाकी कुछ बहुत भारी बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत स्कूलिंग अच्छी थी या पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, हमको तीनों को भी रैंक नहीं आया, नहीं मेरे को भी रैंक नहीं आया। हम तीनों को फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे, अब बोल। हाँ ठीक है, तो ऐसा है, तो इनको तो, पर एक बात रह गया,
उसमें आपको बता दें ये जो रैंक नहीं आया उसका एक फायदा हुआ कि वी अंडरस्टैंड नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है ना जब आपको समझता है कि अपने जैसे भी लोग होते हैं क्लास में. पूजा मैम दिस इज फॉर यू. नहीं नहीं मतलब इन जनरल बता रहा हूं. तो हमने फिर जब भी हम लोग साथ में जब बैठते हैं तो हम लोग को समझता है कि हर कोई विद्यार्थी वो उतना टैलेंटेड नहीं होता. क्लास में केवल 5 या 10% लोग जो बोलते हैं एक्सट्रीमली. तो हमको समझा कि नहीं 90% लोग हमारे जैसे भी हो सकते कि जो नहीं क्या एवरेज है करने की जिज्ञासा है हार्डवर्क कर सकते हैं पर बहुत ही बचपन से टैलेंटेड पैदा नहीं होते. तो ऐसा पढ़ाएंगे ना कि हर किसी के रू रू में जाके बसेगा. मतलब टैलेंटेड को तो समझेगा पर जो आम आदमी हमारे जो मेहनत करने की ताकत रखते हैं घर वालों को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं मम्मी पापा का सपना पूरा करते हैं घर में आज तक कोई सीए नहीं है. कितने लोगों के घर में सीए नहीं है. अरे वाह वेलकम टू सीए. हमारे घर पे भी किसके सीए नहीं था. कोई बैकग्राउंड नहीं कोई खानदान में कोई सीए बना है नहीं और हम ही खानदान में दिया जला नहीं और पूरी खानदान को हम लोग एक उन्हीं आप समझ रहे एक प्राउड फीलिंग कराने के लिए यहां पे आए थे और जो सोचा था वैसे हो गया. तो आप लोग को बता रहे हैं आप सिर्फ सपना बड़ा रखिए बाकी हम लोग रास्ता दिखाएंगे. हम ये कह देंगे कि एसपीसी सब कुछ करे तो गलत होगा. हम एसपीसी आपको सही पढ़ाएंगे सही डायरेक्शन देंगे सब कुछ करेंगे पर आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं वहां से यहां पे आने के लिए क्या एग्जैक्टली करना पड़ता है. बिकॉज वी हैव डन इट वी हैव गॉन थ्रू इट. हमको एग्जैक्टली पता है बच्चे को कैसे कहां से कहां पे पहुंचाना है. भाई अब से थोड़ी ना पढ़ा रहे. इट्स बीन 15 ईयर्स वी हैव बीन टीचिंग. लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं हजारों के तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना चुके हैं. तो एग्जैक्टली ये भी पता है कि बच्चा फेल क्यों होता है ये भी पता है कि बच्चा पास कौन होता है. हम एक दो महीने बाद तो बोल सकते हैं आराम से कि कौन पास हो सकता है कौन फेल हो सकता है. ये मैं आपको बता रहा हूं. तो ये मैं आपकी खुद के वो नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारे जो लोग हैं बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़ाने में क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक्सपर्टीज है. हर एक बंदा अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे से पढ़ाता है सबको समझता है एग्जैक्टली क्या हर सब्जेक्ट में करना चाहिए. मैम को एग्जैक्टली पता है कि डीटीआईडीटी में ये करने से एग्जम्पशन आएगा. अंकिता मैम को और मुझे पता है कि लॉ में क्या करने से एग्जम्पशन आएगा. फॉलो करिए टीचर पर ट्रस्ट करना जरूरी है और बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए एकदम अच्छे से. जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो रही है वो आपका बाईपास कर रहा है और आपको डाउट है वो बाईपास ठीक से करेगा नहीं करेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिसके हाथों ट्रीटमेंट चल रही है उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये बंदा सही मेरा ट्रीटमेंट करने वाला वरना ट्रीटमेंट का इलाज ठीक से नहीं होगा. इसीलिए आप जहां पे हो आप वहीं के बारे में सोचे कि ये जो है इन्हीं के हाथों मेरे सक्सेस की डोर है और पूरा विश्वास करना. और मैं आपको बता रहा हूं यहां पे सबका अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है. हर्षद सर 12 साल से पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं 12 साल से 14 साल से मैम 20 साल से ज्यादा 16 साल 12 साल आप ये समझेगा. और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे वही सब्जेक्ट लगातार पढ़ा रहे और बच्चों के कनेक्शन में है. तो आप इतनी बात तो आप मानते हो कि आपसे ज्यादा ही जानते होंगे. अरे हाँ है ना मतलब जानते ना थोड़ा मुस्कुरा क्या बोला. आपसे बहुत ज्यादा जानते बेटा. अब तक 500 से ज्यादा ऑलरेडी रैंक्स हो चुके हैं. तो ये भी पता है रैंक का पता है और ये भी पता है बच्चा फेल करता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे फैकल्टी के ऊपर पूरा विश्वास करना आप यकीनन बहुत आगे जाएंगे. और कोई भी कुछ भी कहें आपके आसपास में कभी आप कभी इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कभी आप कभी रिव्यू सुनेंगे एसपीसी के बारे में ये सुना है वो सुना है वी ऑल्सो सी दैट. तो हर्षद ने मुझे कल कहावत की. हर्षद तो क्या कहावत थी जरा बताओ कि बोले कि राजा रहता है वो चलता है ऐसा कुछ आपने कुछ बोला था राइट. मैं बोलता हर्षद ने क्या बोला था. तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पे क्लासेस लगाए ना यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर इस क्लासेस के टीचिंग में या क्लासेस के बुक्स में या किसी में कभी कुछ प्रॉब्लम होता तो क्लासेस यहां तक नहीं पहुंचती. और मैं आपको ये भी बता रहा हूं इस बार के जो हमारे सीए फाउंडेशन के जो बच्चों ने जो स्कोर प्राप्त किया है आप जानते हो. आपने इंस्टाग्राम तो फॉलो करते हो. आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो कि नहीं हमको. पहले फॉलो करो ठीक है. तो वहां पे 300 से ज्यादा अधिक मार्क्स मिलने वाले बच्चों की संख्या 100 से अधिक है. और मैं आपको बता रहा हूं कि पुणे के अंदर ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं है जहां पे जिनको फाउंडेशन में इतना स्कोर आया. वी जस्ट डोंट टॉक वी डिलीवर टू. मुझे बता दो आप अगर आज की बात में अगर आपको किसी ने एसपीसी गर्म कुछ छेड़ा और आपके इसमें कुछ पॉइंट चाहिए ना बात करें डिबेट के लिए तो आपको डिबेट के लिए कुछ पॉइंट देता हूं. क्योंकि आपके दिमाग में क्योंकि कुछ और क्लास वाले बोलेंगे नहीं नहीं हमारी अच्छी तो आपको बताना हमारी क्यों अच्छी है. बिकॉज यू शुड नो एक्जैक्टली वाई यू ज्वाइंट हियर राइट. तो आप बताना भाई तेरा बात सब सही बहुत अच्छा पढ़ाते नहीं इतना बता कि 100 से ज्यादा बच्चे कहां पे है सीए फाउंडेशन में जिनको 300 से अधिक मार्क्स मिले.
और अपने साइज से नहीं कि किसी की फोटो चिपका है, वी हैव द रिजल्ट, वी हैव द फोटोज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, झूठे रिजल्ट नहीं है। पर अब क्या होता है, जिसको जिसको दर्द होता है कहीं और, है ना, वो क्या बोलेंगे, ये तो झूठे रैंक है, ये तो झूठा है, ये तो ऐसा है एसपीसी में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। पीपल टॉक शिट, और हम लोग समझते हैं जब हमारा, मैं आपको बताऊं क्या, मेरी माँ कहती है कि बेटा तू अच्छे कर्म पर विश्वास रख, तू अच्छा इंसान बन, ये मत सोच तेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। जिस दिन मुझे मेरे गिरेबान में झाके देखना है क्या मैं गलत इंसान हूं, नहीं मैं गलत इंसान नहीं हूं, तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूं। मुझे कोई अप्रूव नहीं करेगा, आप अच्छे हो के बुरे हो कोई और कैसे ऑथेंटिक कर सकता है। आपको खुद को अपने गिरेबान में जाके देखना है कि मैं अच्छा इंसान हूं, हमें अच्छा इंसान हूं, तो बस दैट्स इट। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपने सही जगह पे कोचिंग चुनी है, आपका विकास होगा, आपका बहुत हम लोग आगे ले जाएंगे। एसपीसी इज नॉट ओनली फॉर द टीचिंग, बल्कि यहां पे सब लोग आपको हर रोज अपने अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं, ताकि आपको जिंदगी में कुछ और बनने का यू नो मजा आ जाए। एवरीबॉडी, कितने लोग यहां पे, वो लोग जो पुणे से नहीं, हाथ ऊपर करें, पुणे से नहीं है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इतना ही बात बताने दो, और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग बोलो वेरी गुड मॉर्निंग, बस इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग में हो चाहे आप जैसे लोग हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब आप यहां पे आ रहे थे ना, बहुत लोगों ने अपोज किया था, आपके घर वालों को या आपके रिलेशन में बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपोज किया कि आप यहां पे नहीं आए करके, बावजूद उसके आपके पेरेंट्स ने विश्वास किया कि आपको यहां पे रखे, यस और नो गाइस, कम ऑन। तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स का विश्वास जो है आप पे बहुत ज्यादा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, जिंदगी में जब तक आप पूना में है, 5.5 महीने 6 महीने जब तक आप यहां पे, कोई काम हमको गलत नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कभी भी किसको, हमारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मस्ती से रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई गलत संगत में नहीं रहेंगे, और अच्छे से कॉम्पिटिटिव माहौल में एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट। कभी भी कभी ऐसा कभी लगे कि हम लोगों को क्या करना क्या नहीं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर योर पेरेंट्स कि हम लोग को किस चीज के लिए यहां पे भेजा गया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। बाकी सब लोग बोलेंगे। हर्षा सर, यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, थोड़ा एनर्जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो कैसा फील कर रहे हो आप आपका सीए फाउंडेशन से या डायरेक्ट एंट्री से? हम लोग आज सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? सुन के लग तो नहीं रहा है, आर यू एक्साइटेड? सुपर। सो दोस्तों देखो, जब आप सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे थे या जब डायरेक्ट एंट्री से आपने अभी सीए इंटर के लिए रजिस्टर किया है, जब आपने आपके रिलेटिव्स को या आपके फ्रेंड्स को आपने कहा कि यार मैं सीए करने जा रहा हूं, मैं पुणे जा रहा हूं, एसपीसी में जा रहा हूं, मैं सीए की क्लासेस करने जा रहा हूं, तो उनका आपके प्रति देखने का एक नजरिया बदल गया था। द रिस्पेक्ट वॉज लाइक एकदम ऊपर, सुपर से भी ऊपर। डू यू अग्री विद दिस? आप समझिए कि आपने अभी सिर्फ एक सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्वालिफाई करी है, तो आपके बर्थडे पे आपको जितने विशेष नहीं आए थे, जितने कॉल, उतने फोन, उतनी तारीफ, उतनी प्रशंसा आपकी हुई थी, कब? जब आपका रिजल्ट आया था। सही है कि नहीं? एकदम। आप समझिए कि ये तो बस एक शुरुआत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पिक्चर तो अभी बाकी है। सो दोस्तों आप समझिए कि आपका जो एक लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, राइट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक डिग्री आपके बहुत सारे सपनों को पूरा करेगी। आज जैसे स्वप्निल सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम कुछ नहीं थे, से आज हम लोग बहुत कुछ बने हैं। किस वजह से? इट्स वन डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है कि आप 10th के लिए पढ़ रहे थे, 12th के लिए पढ़ रहे थे, ये आप जो आप पढ़ाई कर रहे हो इससे आपका नाम बनेगा, बराबर, आपकी शान बढ़ेगी, आपको समाज में एक रिस्पेक्टफुली देखा जाएगा। सो इसको जब भी आप सुबह 7:30 को फर्स्ट लेक्चर के लिए जब आप आओगे, और आप जैसे आज तो फर्स्ट डे था, काफी एकदम एनर्जी थी, एकदम पंप्ड अप थे, हाँ ना भाई, आज फर्स्ट क्लास है भाई, टैक्स पढ़ना है, करेक्ट है ना सर? रात को तो नींद नहीं आई, 5:30 बजे उठ के रेडी हो गए थे, बट बताऊं आपको, धीरे 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 आपके साथ आज नहा के रेडी हो, आज नहा के आए हो, कल बस आओगे, उसके बाद
अरे भाई ना के आएंगे, हाँ बोलो यार, ये इनको भी पता है, अपने लिए नहीं बाजू वाले के लिए नाना जरूर। तो आप समझिए धीरे 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 क्या होगा, देर माइट बी डेज कि आप जो है ना आपका वो मोटिवेशन कम होते जाएगा, ठीक है ना, बट अगर आपको आपका जो वो ड्रीम है बराबर चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनना है, तो आज जो आप वो बड़ा पिक्चर देख रहे हो ना कि मुझे सीए बनना है और मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, तो आप समझने की कोशिश करना कि आपने ये मोटिवेशन को बरकरार रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की, बराबर। आप समझिए बात को, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता है। आप सोचोगे कि मैं एक दिन जम के बहुत सारी पढ़ाई कर लूंगा, आज डे वन है फुल रॉक, जय माता दी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस दिन कभी आपको लो फील होता है, जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं जाऊं या नहीं जाऊं क्लास को, उस दिन तो जाना ही जाना है, समझ रहे बात को। जब मोटिवेटेड हो तब तो आ ही रहे हो, जब मोटिवेटेड नहीं हो तब तो और आपको परफॉर्म करना है। और धीरे 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 करके आपका जो ये सफर है ये बहुत सुहाना बनेगा, ठीक है ना, और आप लोग आपका जो ड्रीम है वो अचीव कर लोगे। करेक्ट है एकदम, बोलो हाँ या ना। यस सर। सो हमेशा मोटिवेटेड रहना, राइट। ये जो पूरा का पूरा जो आपका 9 months का जो जर्नी है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। हमेशा अपने आप से पूछना कि मैं यहां पे क्यों आया हूं। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे लिए बर्डन हो रहा है, मेरे को बहुत बोर हो रहा है, मेरी जिंदगी ही नहीं है, तो मैं आप सबको बस आज डे वन पे बता दूं एकदम क्लियरली, आपकी जिंदगी नहीं है, आप यहां पे आए हो आपकी जिंदगी बनाने के लिए। आप समझ रहे बात को, बहुत बढ़िया। सो यू आर हियर टू मेक योर लाइफ, यस, एंड इससे आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, सिंपल है, राइट। सो रोज सुबह 7:30 बजे रोज पढ़ाई करेंगे November 24 तक, और उसके बाद जम के मजे करेंगे, और मुझे भी बुला लेना, हम सबको बुला लेना, राइट। यस अंकिता मैम, कुछ बताएंगे कैसा स्किड होगा आज? यस, क्या होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस, ओके, क्या बात है। ये दोनों इसलिए बोला क्योंकि दोनों लॉ के टीचर है ना, तो इसलिए दोनों ने आवाज निकाली एक साथ। यस, चलो, तो रूटीन की अगर बात निकली है तो हम बता देते हैं आगे आने वाले कुछ महीने आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो आज ही अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, आई थिंक हाफ बैटल विल बी वन टुडे इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो आपका 7:30 बजे आपका रहेगा टैक्स का लेक्चर, है ना। ये शेड्यूल आपका रहेगा आने वाले 3 महीनों के लिए। टैक्स के बाद आपका एक शॉर्ट ब्रेक होगा, जिसके बाद आपका 11:15 बजे रहेगा लॉ का लेक्चर, जहां पे स्वप्निल सर और मैं आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। आफ्टर दैट देर विल बी अ लंच ब्रेक, और 2:30 से लेकर 5:30 तक हमारे आनंद बाबा जो है ना, अकाउंट्स की ब्यूटी जो है डेबिट एंड क्रेडिट, उसकी दुनिया में आपको लेके जाएंगे। सो आई थिंक दिन भर आपका रॉकिंग दिन रहेगा, अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिलेंगे टैक्स का, लॉ का, अकाउंट्स का, एंड यू ऑल विल रियली एंजॉय दिस पर्टिकुलर जर्नी। इनफैक्ट पूजा मैम जो लेवल पर टैक्स लेके जाती है, दैट्स लाइक क्रेजी। इनफैक्ट अभी जब आप प्रोग्राम्स फंक्शंस में जाना चालू करोगे, यू विल स्टार्ट थिंकिंग, अरे आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपको ज्ञान पूछ रहे, स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट हो गया, इधर ये सेल किया था, प्रॉफिट हो गया, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर देम। और जब आपको जवाब देने आएगा और उनको जवाब देने नहीं आएगा, और जो रिस्पेक्ट से वो आपको देखेंगे, क्या भारी लगेगा आपको। बट दिस इज पॉसिबल, जैसे हर्षद सर ने बताया, कि ओनली इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस कंसिस्टेंटली। ये तो भाई सिर्फ 3 महीने की बात है, अगले 2-2.5 महीने आपके रहने वाली है Group 2 की क्लासेस, जहां पे आप लोगों को कॉस्टिंग रहेगा, ऑडिट रहेगा, एंड FMSM रहेगा बाय द 2 gems ऑफ आर अकेडमी, हर्षद सर एंड सर। मतलब ये बड़प्पन है इनका, ये अपने आप में एक लॉक इन है, इतना बड़ा नाम है, हमको दोनों को इज्जत दे क्या भाई। मतलब थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैडम, ये अपने आप में SPC की शान, आन बान सब कुछ है। आज तो हम दोनों का दिन बन गया भाई। मतलब तारीफ करे वो भी अंकिता मैम, जिनके साक्षात सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, इस बार सी इंटर लॉ में 7 ranks उन्होंने दी है, तो मैम आपकी जुबान से जब तारीफ आती है हमारी, वी रियली फील नाइस, थैंक यू सो मच। बट अभी जो भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ रूटीन फॉर 5.5 months।
बट यू नीड नॉट वरी, ये जो शेड्यूल बनाया है ये आपके लिए बहुत अच्छा शेड्यूल है। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम चालू हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग अर्ली एंड वी आर एंडिंग अर्ली, तो घर पे जाके भी आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे रहेंगे सेल्फ स्टडी और होमवर्क करने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा क्लास में जो चल रहा है और मेरे साथ जो हो रहा है वो अलग अलग है। घर पे जाके भी जब आप पढ़ सकते हो, यू गेट द कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द जर्नी। तो 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहती हूं आप याद रखिए, काम करो। आपकी टैक्स की नोटबुक है आपके पास, ठीक है? आपके 1-2 पेजेस फर्स्ट ब्लैंक रखो। आपने कुछ लिखा है क्या मैम? नहीं नहीं ना। तो 2-3 चीजें हैं जो आप याद रखना, जो आपको ये थ्रू आउट द जर्नी याद रखनी है। सिर्फ डे वन की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं टिल नवंबर अटेम्प्ट। सबसे पहली बात तो आप लिखो, ओके, मतलब ये अभी अपन जो बता रहे फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल अटेंडिंग क्लासेस, ये बता रहे हो? ओके, ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे मैम, इसको जरूर हमेशा याद रखें। लेट इट बी एनी लेक्चर्स, चाहे टैक्स हो, चाहे लॉ हो, अकाउंट्स हो, आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, इन बातों से मत भूलना कभी। यस प्लीज मैम। यस, सबसे पहली बात तो आप लिखे अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। क्या बात, हाईलाइट कर देना। इस बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये दिल पे पत्थर लग के लिख रहा कि रोजाना आना है और रोज अटेंड करना है, अटेंटिवली अटेंड करना है। यस, सो अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। कोई भी बैकलॉग बेटा नहीं होना है, बैकलॉग का अगर चालू हो गया ना सिलसिला, बस फिर आप समझ लो आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे एंड आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर। तो ये चीज याद रखना, कोई भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना है। नहीं, अगर स्पेशली मतलब जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आपको इतना ही कहना चाहेंगे, यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। क्लास ऐसा डिसिप्लिन बना दो कि क्लास के साथ ही खत्म हो रहा है रोज, और आप लोग भी। सी, बैकअप फैसिलिटी हम आपको देंगे, बट इट इज जस्ट अ फैसिलिटी, इट शुड नॉट बिकम यू नो द प्राइमरी थिंग, यू नो कि वो सिर्फ ऐसी चीज है कि जो आप कभी बीमार हो, आप कभी आ नहीं, तो दैट टाइम यू आर एबल टू यूज द बैकअप, राइट? जो लाइव स्ट्रीमिंग में लोग बैठे हैं, आपको भी वो लेक्चर बाद में वन बैकअप आपको मिलता है, बट इट इज जस्ट अ फैसिलिटी अवेलेबल, दैट शुड नॉट बिकम योर प्राइम यू नो फोकस कि मुझे बैकअप से ही करना। और भाई बैकअप से ही करना, तो फिर आप लोग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले लो, यहाँ पे बैठे क्यों? वी आर नॉट हियर, तो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल, राइट? तो फिर ये क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन लगती है कि रोज मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे करना है, वो करना है, वो डिसिप्लिन स्कूल जैसा हो गया है, और सर स्कूल के साथ साथ में खत्म करो। वो नहीं होना फिर कि मैं टैक्स में आज सर मैं आ नहीं पाया, फिर 4 दिन मेरे को एक अच्छा होता क्या ना, ये सारी क्लास लिंक में होती है, अब एक दिन नहीं आता तो बाद में 2-3 दिन आप डिस्टर्ब हो जाते हो क्लास में, देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स। तो वो ध्यान रखना, कुछ नहीं यार, बहुत बड़ी बात है जिंदगी, आपकी उम्र कम से कम 80 साल की तो होंगी, आपको सिर्फ 6 महीने पढ़ने के, 6 महीने अभी और 6 महीने फाइनल में, 1 साल पे आपको कितनी लाइफ फ्री मिल रही है? ये हर्षद सर ने तब पढ़ाई की, अभी तक मजे कर रहे, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको लाइफ में पूरे समय थोड़ी ना पढ़ना है, बाद में तो दौलत शौहरत मोहब्बत सब मिलेगी आपको, ये सिर्फ 1 साल की तो बात है यार, ऐसा कौन सा जिंदगी और पढ़ना है? 6 महीने पाउंड, 6 महीने इंटर में और 6 महीने फाइनल में, हो गई जिंदगी क्लियर? उसके बाद में करना ही क्या है? आप सोचो लाइफ के स्पैन कितना बड़ा है, उसमें पढ़ना ही कितना देर है, ऐसा तो नहीं क्या बर्बाद हो गया जस्ट द स्पैन ऑफ 1 ईयर? कम ऑन, अभी आपकी उम्र कम से 60 साल और बची है, एवरेज लाइफ जो इंडिया की 80 साल है, आप 20 साल के हो गए, 60 साल तो और बची है, 1 साल पढ़ने में 59 ईयर्स आपको फ्री मिलेंगे, थोड़ा हिसाब लगाओ, कैलकुलेशन करो, 1 साल की तो बात है, कम ऑन गाइस, लेट्स रॉक। यस मैम, फटाफट नेक्स्ट बताओ। सेकंड पॉइंट लिखिए, बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजंस, जो कि हर फैकल्टी बार बार चीजों को रिवाइज कराती है। तो आप लोग जानते हो क्लासेस के साथ भी रिविजन होने वाला है और क्लासेस के बाद भी बहुत सारे रिविजन होने वाले हैं, तो यू शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें याद रहेगी और सब्जेक्ट में भी आपको आएगा कॉन्फिडेंस, तो इसलिए रिविजन में इन्वॉल्व रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, गिव ऑल द टेस्ट, जो क्लास के साथ भी 3-4 होती है और क्लास के बाद में भी 3-4 होती है, आपको टेस्ट लिखना ही है। ये टेस्ट से ही आपको समझ में आएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। तो जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया, आप समझ लो यू आर जस्ट वॉकिंग एमलेसली। आपका एक एम होना जरूरी है। आज अगर आप क्लास से निकले हो एंड यू आर स्टार्टिंग टू वॉक, देयर शुड बी अ एम कि वेयर आई वॉन्ट टू गो। यही आपको नहीं पता है वेयर आई वॉन्ट टू गो, तो ऐसे चल के भी मेहनत करके भी देयर इज नो सेंस। तो इसीलिए जब आप टेस्ट देते हो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कौन से सब्जेक्ट में आपके कौन से टॉपिक से जो आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेसेस है, और उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो। इसलिए गिव योर टेस्ट रेगुलरली, और ये आप लिखो फॉलो ऑल अबव। हाँ,
डू योर होमवर्क रेगुलरली, पॉइंट फोर, डू योर होमवर्क रेगुलरली। पॉइंट्स में ऐड कर दो फटाफट, आपके पॉइंट्स हो गए। यस। अच्छा सुनो एक बार, आपको जो क्लास में जो चीजें लगती है वो चीजें लेके ना, स्टिकी नोट्स है आपके पास में, हाइलाइटर है, पूरी सामग्री साथ में रहना, जब कैलकुलेटर, जब फैकल्टीज बोलेंगे हाइलाइट करो, वो सब आपके साथ में आज ही खरीद लेना अगर नहीं है तो। ओके, हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बनना चाहिए, दिमाग में डालो, हर सब्जेक्ट की सेपरेट, इसमें लॉ का टैक्स में लिखे वैसा नहीं, देयर शुड बी सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, दिमाग में रखना, और जितना हमने क्लास में रोज पढ़ा है ना, घर पे जाके उतना पढ़ना ही है, मेक श्योर, क्योंकि क्लास में जो 9 घंटे में पढ़ाया जाएगा, इट विल जस्ट हार्डली टेक 1 आवर और मे बी मैक्सिमम 2 आवर्स, उतना ही तो पढ़ना है। दैट डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन, बिकॉज यू आर नॉट अ बीकॉम स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। 2 घंटे तो कम से कम घर जाके पहले पढ़ेंगे, और जब हम लोग बोलेंगे आप 2.5 घंटे पढ़ना तो 2.5 घंटे चालू करना, जब हम लोग कहेंगे 3 घंटे पढ़ना तो 3 घंटे चालू करना, बट अभी इनिशियल डेज पे 1.5 घंटा 2 घंटा इनफ होगा। आप घर पे जाएंगे, घर पे जाने में यू जस्ट यू नो हैव फूड और समथिंग, देन आफ्टर दैट आपको बिल्कुल 2 घंटे पढ़ना है, राइट एवरीवन। और जो लोग गुरुकुल से बिलोंग करते हैं वहां पे जाके भी आपको इनफ जगह है, आप जाके आराम से वहां पे क्लासरूम में जाके पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है, बिल्कुल आपको तो क्या क्लासरूम वहां पे जैसे बंद कर रहे हैं तो तुरंत ही यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यू नो डूइंग दैट। वो मत करना भाई, कल चल के कल आके क्लास में आपको पता होना चाहिए हाँ ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फैकल्टी रिवाइज करेगी, पर रिविजन में आपने यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इफ यू अच्छे से यू नो यू आर रिवाइजिंग एट होम, तो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि क्लास में जब सुनो जरा, क्लास में याद रखना, क्लास में हर कोई सब्जेक्ट के जो है ना समरी नोट्स आपको लिखाई जाती है, बनाई जाती है, तो जस्ट मेक श्योर आप उसको कोई भी किसी भी, मैं देखता हूं अक्सर लोग ये कि इधर कुछ लिखते हैं उधर कुछ, जब अगर आपको जो चीज बोले जा रही है वो उसी नोटबुक पे उसी जगह पे होना चाहिए, अगर लॉ की हर चीज तो लॉ की इस पे होना चाहिए, अगर समरी नोट्स भी तो वही होना चाहिए। ओके, आप कुछ इधर लिख रहे हो, कुछ पिछले पन्नों पे लिख रहे हो, कुछ लोग एक ही नोटबुक बनाते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। हर्ष सर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न डे ऑफ टेकिंग नोट्स मत यूज करना, फोटोज। हम कभी भी कोई भी कुछ दिखाते हैं स्क्रीन पे तो किड्स आर लाइक कि फोटो है, बट बाद में जब वो फोटोज है ना वो कभी मिलते हैं नहीं, और जब फोन में मेमोरी फुल होती है उसके साथ स्पेशल फोटो लेना होता है आपको, ठीक है ना, जब नोटिफिकेशन आता है तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके साथ वाली फोटो या क्लास वाली फोटो, उसके साथ वाली, तो आप ये सब डिलीट कर देते हो। तो रोजाना लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास के साथ ही, और जो भी नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं तो फोटोज मत लीजिए, प्लीज उसे लिखिए, खुद से नोट्स बनाने का मजा ही कुछ एक अलग है। और आपको भी पता है कि आप अगर ये क्या बोलते हैं उसको, मैं बाद में लिखूंगा, तो आपको बता दूं कि द नंबर वन रीजन फॉर फेलियर इज प्रोकेस्टिनेशन। सर पहले मतलब बताओ प्रोकेस्टिनेशन का मतलब आज का काम कल पे ढकेलना, बस बराबर की नहीं, तो ये मत करना, आपको पता है आज ये काम आपको करना है तो आपको करना है, राइट right. आप सभी को एक एप्लीकेशन भी मिलता है, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गेट वन एप्लीकेशन। आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है, पहले कुछ 7 to 8 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे चलेंगे, बाद में जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर है जो लोग देख रहे हैं, यू विल बी गेटिंग वन आईडी पासवर्ड, देन यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑन दैट एप्लीकेशन सेल। आप लोग को भी एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड मिलता है, ताकि अगर इनके साथ लेक्चर यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यू विल बी एबल टू वॉच दैट लेक्चर, राइट, ये बात याद रखें। आपकी वो जो एप्लीकेशन एसपीसी ने बनाया है, अगेन वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा बनाया है, इंडस्ट्री में और किसी हाउस में ऐसा इनहाउस एप्लीकेशन नहीं जो हमने बनाया हुआ, उस एप्लीकेशन की जितनी तारीफ करोगे, हमें पिछले 5 सालों से हम उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ में उसके अंदर टेस्ट का फीचर भी होता है, यानी कि टेस्ट क्लास में होती है, उसके मार्क्स आपके ही अपने लॉग इन पे दिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप डाउट भी उसी एप्लीकेशन के द्वारा पूछ सकते हो, क्लास के अंदर तो आप पूछ ही सकते हो, यहाँ पे जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग वाले वो आमने सामने डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पे टीवी हमारे सामने लगी होती है, जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हमें देख रहे हैं मेरे सामने टीवी है, वहां पे कमेंट्स आ रहे हैं, आप जो पूछेंगे हम सबको दिखता है, और आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे टीवी है उसके ऊपर कमेंट चल रहे हैं। तो जो लोग फेस टू फेस वाले हैं आप तो यहाँ पे डाउट पूछेंगे, और डाउट पूछने में शर्म किस बात की, और स्पेशली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत डाउट आ सकते हो, तो बिल्कुल बेझिझक होके, एसपीसी की फैकल्टी फ्रेंडली फैकल्टी है, अप्रोचेबल है, यहाँ पे किसको देख के ये मत समझना ये डांट देंगे बोल देंगे, कोई भी डांटता नहीं यहाँ पे। आप लोग को सभी को याद रखना, यहाँ पे सब लोग अपने बच्चों की तरह आपको ट्रीट करते हैं, राइट। तो जस्ट मेक श्योर, सर बोलना ये समझा नहीं, यू आर हैविंग ऑल द राइट्स टू स्टॉप फैकल्टी एंड आस्क यू डाउट्स। आज के बाद में डाउट सीने में नहीं, आपके जुबा पर होना चाहिए, आस्क यू डाउट, नो प्रॉब्लम। और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग डाउट पूछते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वालों को समझ जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग वाले डाउट पूछते हैं उनके से आपको, तो यहाँ पे इतनी सारी जनता जो है हर एक का माइंडसेट अलग है, तो डाउट पूछेंगे तो सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं, और ये सारे डाउट जो रिकॉर्डिंग में भी आ जाते हैं। ओके एवरीवन अंडरस्टूड दैट। आपको उसके साथ साथ में जो एप्लीकेशन दिया होता है उसी के अंदर बैकअप का ऑप्शन होता है, अगर आपको लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ
एक ही जगह पे होता है। जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में होते हैं, जब व्हेन यू गेट द एडमिशन यू आर गोइंग टू गेट द आईडी पासवर्ड। आपको अगर अपने बुक्स को ट्रैक करना है तो वो भी आप अपनी ऐप से ही करते हो। तो सारी चीजें जो है ना उसी समय पे एक ही जगह पे आपको मिलती है। ये हो गई इसकी बात। और आपने हमारा अनबॉक्सिंग का तो वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बट हर कोई सब्जेक्ट की जो किताबें है उसके अलावा आपको आईसीआई कोई भी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग अपनी जो किताबें बनाते हैं वो आईसीआई की किताबों के हिसाब से ही बनाते हैं। यू डोंट हैव टू रेफर द सेपरेट बुक्स ऑफ आईसीआई। आप सिर्फ अपने लिए वेरीफाई कर सकते हो घर जाके कि हाँ ये आईसीआई का कवर होता है कि नहीं। आप एक बार तसल्ली कर लेना, बट आई एम श्योर हम उन फैकल्टीज में से नहीं कि बच्चों को क्लास में खुश करें और बाद में उसको दर्द हो जाए। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं मैं एक बुक देता हूं, मैं दो बुक देता हूं। बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को ये करने लगे तो हम लोग की तो बुक इतनी छोटी सी है। वो क्या करते हैं, बच्चों गुमराह करने वाली साजिश है। बच्चों को क्लास में खुश करेंगे और बाद में बच्चा जब मॉड्यूल देखता है उसको लगता है ये इतना बड़ा मॉड्यूल है, 1000 पन्नों का मॉड्यूल है, मैं तो 100 पन्नों की किताब पढ़ रहा हूं। दैट इज द गेम। आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड करो, पहली बार जब आप पढ़ते हो तो इट हैज टू बी डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वो आपको मॉड्यूल से पूरा एंड टू एंड पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग समरी बनाएंगे। पर कई कई क्लासेस में समरी से ही पढ़ा देते हैं। और भी बच्चा जब अकेले में पढ़ता है तो उसको लगता है अरे यार ये तो गेम हो गया मेरे साथ में। बिकॉज वो क्या होता है, जब वो अकेले में पढ़ता है उसको मॉड्यूल दिखता है और मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो होते ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एसपीसी की खासियत है, वी हैव द मतलब हम लोग समझते हैं आईसीआई का आरटीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और मॉड्यूल शुड बी द प्राइम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके। मैम आपने जब बुक बनाई है क्या, जरा बताइए उसके बारे में, क्या डू यू रियली कंसिडर कि ये जो मैं मतलब किस तरह से किताबें बनाती है? हाँ, तो जो हमारी बुक्स होते हैं दे हैव 100% कवरेज ऑफ आईसीआई, प्लस वी सॉल्व देयर अ कंपाइलर आपको जो अलग मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगी जहाँ पे ऑल आरटीपीज एमटीपीज पास पेपर्स सब कंसिडर किए जाते हैं। बिकॉज दोज आर सी सिर्फ प्रैक्टिकल। हम लोग यहाँ पे एसपीसी में यू विल गेट अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्लस एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, दोनों बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, लेकिन आईसीआई का मॉड्यूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रादर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी को पूरा उसका 100% कवरेज हमारी सबकी बुक्स में होता ही है। सो यू डोंट हैव टू रेफर द आईसीआई मॉड्यूल अगेन सेपरेटली, ठीक है ना? राइट। आई होप ये सारी बातें आज हम लोग बता रहे हैं, ये कोई हम जो आए हैं ये आज फर्स्ट डे पे बताएंगे तो उसका फायदा है। अगर हम लोग यही सब ज्ञान आपको 3-4 महीने बाद देंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग सच ज्ञान, तब तक तो आधी बैटल तो खत्म हो चुके रहेगी। ये आज देना इसलिए जरूरी है, आज हमारा टाइम जा रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग फाउंडेशन की शुरुआत कर रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई भी घर में जाते ना पहले क्या करते, पूजा करते, घर में जाना रहने जाते हैं। अरे भाई जब भी आप किसी घर में रहने जाते हो पहले कुछ पूजा पाठ करते हो क्या, नहीं करते हो? तो ये वो पूजा पाठ चल रही है कि पहले कोई भी शुरुआत अच्छे काम के लिए उसके बेसिक्स तो पता होना चाहिए। मुझे क्लास में जब बैठा हूं तो मेरा माइंडसेट होना क्या चाहिए, वरना क्लासेस पे क्लासेस खत्म हो जाएगी, 2 महीने हो जाएंगे और बाद में यार गलती हो गई यार, काश मैं ये डे वन से फॉलो करता। डे वन से नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं आनंद सर, एक डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज होती है, कई बार मेरे साथ में हुआ करती थी। क्लास में बैठते थे, टीचर बोलते थे, मेरे दिमाग में अचानक से कुछ और चालू हो जाता था और टीचर कुछ अलग बोलते थे और मेरे दिमाग में कुछ अलग थॉट आते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ अलग से चालू हो जाता दिमाग में और बहुत देर बाद लगता है कि अरे मैं तो पढ़ रहा था पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे जैसे कितने लोग हाथ ऊपर करें, पढ़ते पढ़ते, अरे बेस्ट है, आप सब मेरे जैसे। आनंद सर आपको कुछ बोलना है ऐसे बच्चों के बारे में? यस यस सर, आप जो बता रहे हैं बताइए, मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, इसको कंप्लीट करता हूं। भाई साहब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लास में बैठता तो 9 घंटे, सिर्फ 9 घंटे मेरी फिजिकल बॉडी बैठती है, मेंटल में दिमाग में दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड करो, ये कोई वो मशीन जैसा नहीं आके बैठो हो गया, यहाँ पे 9 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा, 9 घंटे फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रेजेंट चाहिए भैया। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए जो लोग घर पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं अंडरस्टैंड करो एक बात। अगर आपको मेरे जैसे आप इंसान होंगे जिसको बार बार कुछ याद आता होगा तो याद एक काम कर लेना, आप मैम ने कुछ बोला कि आपने लिखा, मैम ने कुछ बोला आपने लिखा, क्योंकि जब आप लिखते हो ना आपके दिमाग के आपके हाथों के आंखों के सारे सेंसेस काम करते हैं और आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसका पढ़ते पढ़ते अचानक से कुछ डिस्ट्रैक्शन मन में आता है, आप क्लास में बैठे हो फैकल्टी के पास देख रहे हो, फैकल्टी लगा वाह क्या कॉन्सेंट्रेशन करता है बच्चा, और बाद में अचानक से उसको लगता है भाई साहब ये तो क्लास में सिर्फ देख रहा था, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं बोलती हूँ ना क्लास में बैठे बैठे इधर ये झूमने लगते हैं, हाँ, सोने या तो घूम के आते हैं कहीं और, कहीं और घूम तो, के आते हैं, हाँ, तो झूमना या घूमना वो नहीं करना है हमें। तो भाई साहब ये समझ लो आप, जस्ट मेक श्योर आपको ऐसा लगे इस क्लास में और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है अचानक, आपको कोई बंधक नहीं बनाया, आप जा सकते हो, बाहर चाय की दुकानें हैं, कॉफी की दुकान है, जाके आ सकते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। आप ऐसे लेक्चर के बीच में भी जा सकते हो, ये कोई स्कूल नहीं है और आप कोई बंदिश में नहीं हो। आपको 9 घंटे बैठना है, स्कूल होती कितने 4-5 घंटों की, 9 घंटे बैठ रहे तो हो सकता है आपको कुछ किसी वजह से बाहर जाना हो, इट्स ओके।
अगर आपको लग रहा मैं ब्रेक लेके दो मिनट का ब्रेक लेके मैं अपने आप को वापस रिफ्रेश करूं, इट्स ऑल ओके, दिस नो हार्म इन दैट, ओके। पूरा लेक्चर तीन घंटे सोने से अच्छा पांच मिनट का चाय पिए तो अच्छा है ना भाई। That is, आप ये समझो, कॉमन सेंस की बात है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा कोई डंडे से नहीं मारेगा। सारे फैकल्टी समझते हैं कि आप लोग के ऊपर क्या चलता है, बिकॉज एक जमाने में हम भी तो इसी प्रोसेस से गुजर रहे थे। तो इसको एक लाइफ है, रूटीन है, अंडरस्टैंड करो। और धीरे 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 चार पांच दिनों में आपको सब अकस्टम हो जाएगा। पहले पहले कुछ लगेगा यार ये कैसा शेड्यूल इतना, बट दो चार दिनों के बाद में मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे लास्ट बैच जब खत्म हुई थी उसका इमोशनल वीडियो जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, उस तरह का बॉन्डिंग आप सब में हो जाएगा भाई। ये जो चेहरे अनजान दिख रहे ना, ये अनजान नहीं रहेंगे आनंद सर, ये इतने दोस्त बनेंगे एक दूसरे के साथ में। और सबसे बड़ी बात है हर्षद, ना किसी फेस टू फेस के लोग एक दूसरे के साथ में दोस्त बनते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी रोए उस दिन, मैं आपको मेरा जो लेक्चर बताऊंगा, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे रो रहे कि अच्छा बताओ मुझे कोई दूर बैठ के कैसे इतना इमोशनली अटैच हो सकता है। वो बोलते सर हमको, हम मिस करेंगे आप लोगों को। बच्चे लिटरली यहां पे आके रो रहे हैं, पार्टी में रो रहे हैं, हर जगह पे रो रहे कि सर हमको ये क्लास बंद मत करो। ये अटैचमेंट हो गया। आपको लगेगा इनिशियल यार मम्मी नहीं पापा नहीं, ये सब आठ दिन के लिए लगेगा, मम्मी पापा सिर्फ आठ दिन के लिए लगेगा, आपको फील होगा। पुराने बैच के अभी लाइव भी है, पुराने बैच के बच्चे देखो अभी भी लाइव भी है और वो भी हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी राइट। तो ये सर ये सब होता है आपके साथ में, तो आप क्या करना, सबसे पहले आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप लिखेंगे, और आपको बहुत दर्द हो रहा है तो बाहर जाके आएंगे, पर आपको हमेशा अपने माइंड को बोलना है कि मैं क्लास में ध्यान देना है। वरना इतनी मेहनत करेंगे, यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर कमिंग हियर इन द क्लास, बट आपका कुछ ध्यान ही नहीं है, तो वो सिर्फ क्लास में सिर्फ क्या टिक मार्क थोड़ी नहीं करना है, आज मैंने झंडे गाड़ के, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्लास जब खत्म हो रही है मैं क्या लेके जा रहा हूं साथ में। और पता है एक एक आदत डालना, जैसे आप घर पर जाते हो आप अपने कोई तो अच्छा दोस्त पकड़िएगा या जो लाइव स्ट्रीमिंग में वो भी, आप एक काम करना उसको पूछना आज क्या हुआ क्लास, लेट्स रिवाइज टुगेदर। वो कुछ बोलेगा आप कुछ बोलेगा, आधे पौना घंटे में, अगर आपको दो घंटे पढ़ना नहीं, आपको आधे घंटे आधे टाइम में खत्म करना है, जस्ट आस्किंग कि तुझे क्या याद आ रहा है आज टैक्स में, मैम ने क्या पढ़ा है, लॉ में क्या पढ़ा है, जस्ट ट्राई टू रिवाइज लाइक दैट, फटाफट होगा। और आपको सबको बता दे हर चैप्टर का आपको सेपरेट वीडियो रिविजन आपको मिलने वाला है, ऑडियो रिविजन मिलेगा। जैसे आज हम लोग लॉ की शुरुआत करेंगे दोनों आनंद सर अकाउंट से, तो ये चैप्टर होने के बाद में उसकी सेपरेट वीडियो रिवीजन आपको मिलेगी, ताकि जो हो सकता है आनंद सर हम लोग जो 30 घंटे में पढ़ा रहे उसकी दो से तीन घंटे का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज। हमेशा 30 घंटे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो ये सब कुछ आपके साथ में होगा। आनंद सर प्लीज। हे बच्चों कैसे हो? आनंद सर वी आर सो सॉरी कि आपको बहुत देर तक कुछ भी क्या आई वाज लिसनिंग टू यू एंड आई विल टेल एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई वाज डूइंग राइट नाउ। सो रसगुल्लो पहले एक थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ। All right. और माइक का क्या आने वो कर रहे सब। और पहले एक बात बताओ, हाउ इज योर जोश? लगा नहीं, हाउ इज योर जोश? अच्छा मेरे रसगुल्ले बच्चों मेरी बात सुनो, स्माइल हम बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ। तुम्हें पता है कभी तुमने अपने बचपन की फोटो देखी, क्या लगता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्यों लगते हैं, right? राइट मैम, आप भी अरेंज की फोटो देखते होंगे, तुम गुड़िया की फोटो देखते होंगे, है ना? तो उसके अंदर हमको बच्चे है ना एकदम क्यूट लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बड़े हो गए। तुम्हें पता है जब तुम आज आए हो ना, जिस तरीके से तुम बैठे हो, मुझे पता है कि कुछ बच्चे तो अभी अभी फ्रेश उठकर आए हैं, कितने दिन बाद उठे होंगे फर्स्ट टाइम। आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि कुछ बच्चे तो आज ही उठ गए हैं, बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कसम से बहुत क्यूट लग रहे हो, क्योंकि कुछ दिन के बाद में भाई फोटो लेके रख दे इनकी, आवाज कम कर दे, कम कम कम, कुछ दिन के बाद में है ना आप पढ़ोगे करोगे, थोड़े से सीरियस हो जाओगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, थोड़ा टैक्स कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा अकाउंट्स, कभी ऑडिट, कभी लॉ, कोई ना कोई सब्जेक्ट आके नंबर लगाएगा। अभी जो खुशी है ना फाउंडेशन पास हो गया हूं भाई मैं, हली भली खली वाला जो फीलिंग है ना वो धीरे 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 जाने लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज फोटो लेके रख लेना सेल्फी अपनी, एकदम प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लग रहे हो, इज दैट ओके? तो बच्चों को कैसे रखते हैं हम, क्यूट बच्चों को कैसे रखते हैं? प्यार से और स्माइल से। तो पहले एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। और मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ सीरियस लोग कहाँ होते हैं, आईसीयू में। तुम सीरियस हो क्या? हाँ आई नो कुछ बच्चे बॉयज, वहां पर नर्स होती है, बट कोई फायदा नहीं है, यू आर सीरियस, सो रिमेन सिंसियर एंड कीप स्माइलिंग, मेंटेन योर स्माइल। आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दैट टुडे एट एसपीसी स्टार्ट योर इनवर्ड जर्नी, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज इनवर्ड जर्नी, एनी क्लू?
तुम तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा सीखे थे जब तुम पैदा होने के बाद में धीरे 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 तुम सीखना शुरू किए थे। बोलना आपने अपने आप से सीखा है कि नहीं है, चलना अपने आप से सीखा, बैठना अपने आप से सीखा, खेल आपने अपने आप सीखा। किसी ने सिखाया किसी को क्रिकेट? नहीं, आप अपने आप खेलते खेलते सीखे, राइट। कभी सीरियसली बैठ के सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी के घर में पैदा हुए थे, किसी के घर में अपने माता पिता के ही, तो अरे मतलब या यू डिडंट नो दैट, यू डिडंट नो द एड्रेस, यू आर जस्ट ड्रॉप, जाओ वहां पे। तुम्हारी परमिशन ली गई थी? नो, एब्सोल्युटली नो परमिशन वॉज टेकन, यस और नो? कुछ कुछ गलत हुआ आपके साथ? कुछ गलत हुआ? नहीं। बट ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज नो कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, इट वॉज ऑल फैंटास्टिक, है ना। तो अब वैसे ही समझो कि भगवान ने आपको SPC के यहाँ पर ड्रॉप किया है। मैं बाकी नहीं जानता, बट स्वप्निल सर की मम्मा को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और स्वप्निल सर जैसे और आज इतने जो कामयाब है, आई एम डैम श्योर कि कहीं ना कहीं उनकी मम्मा का रोल है बहुत बड़ा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको SPC में कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराई करते वक्त हमको नहीं देखेंगे आप, और ना ही हम आपको कभी प्रोत्साहित करेंगे कि आप किसी की भी बुराई करो, कभी नहीं करना। हम सीधा देखेंगे, सीधा काम करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ पर भरोसा है कि जहाँ पर भगवान ने आपको ड्रॉप किया वहाँ पर आपका कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इनवर्ड जर्नी थी, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आज से इनवर्ड जर्नी चालू करनी है। कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें सब भगवान पर छोड़ दो। अगर कहीं से आपको लाकर इधर बिठाया है, भेजा है, तो चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। इज दैट ओके? बट द जर्नी शुड बी हाउ? इनवर्ड। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे, कुछ बच्चे होते हैं मैम डरे हुए थे, 200 मार्क्स मिल गए सर, 212 मिल गए, 206 मिल गए, डरे हुए होते। ये डरने वाली बात नहीं है बेटा। तुम मुझे बताओ, पत्थर को तोड़ना है तो किसकी ज़रूरत होती है? तुम बोल रहे हो हथौड़ी। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, अगर कंसिस्टेंसी हो ना, तो घर में जाके देखना, जो पत्थर रहेगा और जहाँ पर बूंदे गिरती रहती है पानी की, वहाँ पर भी छेद हो जाता है, वहाँ पर भी होल होने लगता है। सो बात ये नहीं कि आपको स्कोर कितना है, बात ये भी नहीं है कि आप मराठी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से, कौन से बैकग्राउंड से हो, बात ये है कि क्या आप कंसिस्टेंटली करने के लिए तैयार हो क्या। तो क्या मैं मेरे रसगुल्लों से पूछ सकता हूँ, क्या कंसिस्टेंटली करोगे? और हमारी जर्नी कैसी रहेगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? अच्छा, आउटवर्ड में बहुत शोर रहेगा। आप जब यहाँ से जाओगे तो एक क्लास नहीं है ना सर, बहुत सारी क्लासेस है। मुझे एक बात बताओ, आप अगर इस क्लास में बैठे हो तो आप कितनी क्लासेस कर सकते हो अभी टैक्स की साइमल्टेनियसली? क्लास एक ही हो सकती है ना। एक बंदा जो 2-3 जगह क्लास करेगा, तो मुझे बताओ वो होशियार होगा कि बुद्धू होगा? अगर अगर आप कोई क्लास अटेंड करोगे, तो वो क्लास अटेंड करोगे फर्स्ट स्टैंडर्ड की, एक बार अटेंड किया तो अच्छा है कि 2-3 बार अटेंड किया तो अच्छा है? प्लीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जब आप रहते हो प्रेस्टीज पॉइंट में, जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो लोग अलग अलग बातें करेंगे, चिंता नहीं करना। इज दैट ओके? देयर विल बी पीपल बिकॉज दिस इज बीइंग प्रमोटेड देयर एंड वी हैव गॉट दोज प्रूफ्स, वी कैन शो यू इफ यू वॉन्ट। सो यू हैव गॉट दोज प्रूफ्स, बट हमें SPC में एक चीज ध्यान रखना, वी आर हियर टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड, एंड रिमेंबर दैट यू शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी। इज दैट ओके? अभी लास्ट की कुछ एक दो बातें मुझे जो बतानी थी, क्या ना यार डार्लिंग, थैंक यू। सो हमें भी अच्छा लग रहा है ये सुनने के लिए। नहीं मतलब नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ऑनेस्टली जैसे आप ये बच्चों को बोल रहे हो ना, सो इट इज ऑल्सो एनलाइटिंग अस ऑल्सो। और हमेशा ध्यान में रखना कि हम जरूरी नहीं कि अपने क्या बोलते हैं इसको कि टीचर से ही सुने, कलीग से भी हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सेम वे में आप भी जैसे आपके फ्रेंड्स हो आसपास, उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, और बहुत मजा आ रहा सुनने को ये। यस सर प्लीज। यो बड़ी, सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि स्टे हैप्पी एंड ऑल। अभी कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मम्मी पापा की आपकी जो कमी है, आप बाहर से आए हो, वो कमी हम नहीं पूरी कर सकते, आपके जो भगवान है वो उधर है, राइट। बट आप में उनका अंश है कि नहीं? ये छोड़ के आ गए अंश उधर। मैंने बोला ना, आपको पूछा ही नहीं था, आपको वहां पर डायरेक्टली प्लांट किया, और आपके अंदर वो अंश रहेगा, वो DNA रहेगा, हमेशा रहेगा आपके अंदर। किसी के इसमें मम्मी का नोज रहेगा, किसी में पापा का नोज रहेगा, आंखें मम्मी की पापा की, तो उनका अंश आपके साथ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, डर लगेगा बट डरना नहीं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए हम सब लोग हैं, कुछ भी रहेगा तो बिंदास बात करने का, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, मुझे पता है खून में रवानी, बट देन यू नीड नॉट
need not have you know tussles. उससे क्या है कि आप low feel करोगे. Always remember this one thing, spread happiness. Whatever you can do, spread happiness. And एक चीज बताता हूँ, मैम ने वो हालांकि बताई थी चीज, तो सर मेरे साथ एक वाकया हुआ सर, और मैं कसम खा के बता रहा हूँ ऐसा सही हुआ, ठीक है ना. क्या हुआ मैम कि कल ही मैं, संतोष कहाँ है, ए संतोष. तो मैम क्या हुआ कि कल मैं कार से जा रहा था और एक कार बाजू से बगल से गुजरी, तो उधर है ना एक कपल बैठा हुआ था सर, और वो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है. हाँ, सो शी वॉज माई क्लासमेट और उसका हबी था. मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, मुझे जबान पर नाम नहीं याद आ रहा था. मुझे ये समझ में आ गया, वीरेंद्र संतोष कल अपने गाड़ी में मिले थे, कोई तो मिले थे, अपन जा रहे थे, मैंने बोला मेरे दोस्त है, तो मुझे नाम याद आया था क्या? मुझे नाम नहीं याद आ रहा. पर ब्रेन इतना कमी ना है साला, ये बता रहा है कि ये छोरी आपने कहीं तो देखी है. मैं बोला तू येड़ा आदमी बैठा है क्या अंदर? अबे जब इतना मालूम है तो ये भी बता देना कौन है, मैं रुक के बात कर लूंगा यार. नहीं ये नहीं बताया. मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ सर, एग्जाम हॉल में लिखना चालू करता हूँ, तब ये याद आता है कि ये कहीं तो पढ़ा है. क्या पढ़ा है वो याद नहीं आता. कहाँ हाईलाइट किया था सर वो भी दिखता है. मतलब बाहर निकलते ही तो मैं पेज नंबर भी नहीं देखता, ऐसा डायरेक्टली ओपन करके देखता हूँ. तो मैम जो याद करने की कोशिश करते वो याद नहीं होता. बट और एक बहुत खतरनाक चीज है सर, क्या हुआ था, सातवीं में था मैं. मैम हमारे जमाने में ना ऐसे थप्पड़ मारना बहुत नॉर्मल था, और थप्पड़ है ना मॉनिटर भी मार देता था. और उस समय गलती से मॉनिटर थी एक लड़की, तो पता नहीं यार कुछ तो कांड हुआ था, मुझे पता है पूरा कांड क्या हुआ था. तो उसने मेरे को बजा दिया यार, मतलब उस लड़की ने थप्पड़ मारी. मैं आई स्वेयर बता रहा हूँ, मैं तुमको अभी आंखें बंद करूँ ना तो मुझे वो दिख रही है, मुझे उसका नाम पता है, वो मुझे कैसे थप्पड़ लगा रही पता है, मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है. और आई स्वेयर मैं एवरी डे उसको भूलने की कोशिश करता हूँ. बट सर डू यू रियलाइज दिस, वॉट वी वॉन्ट टू फॉरगेट वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट, एंड वॉट वी वॉन्ट टू रिमेंबर वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर. इज इट नॉट एन आयरनी ऑफ आर ब्रेन? मतलब साला कौन बैठा है अंदर यही नहीं समझ में आता है. तो येड़ा है क्या, जो याद करना है वो कर नहीं रहा है और जो भूलना है वो भूल नहीं रहा है. हाँ तो इसका आंसर बता देता हूं आपको, आंसर एकदम सिंपल है. माइक चेक. आपने विराट कोहली को शॉट मारते हुए देखा है? याद करके शॉट मारता है क्या? मूवी देखने के बाद में आकर मूवी की स्टोरी बता देते हो बराबर से? चेक. हीरो एक्टर अगर पसंद का रहेगा तो कि याद करते रहते हो, याद करो याद करो याद करो याद करो, याद हो जाती चीजें. कभी किसी समय पापा इमोशनल मम्मी इमोशनल हुई थी, कोई चीजें बताई थी, याद है? कभी किसी टीचर ने कोई चीज बताई थी जिसके संस्कार हुए थे आप पर, याद है? याद होती है चीजें. इसका प्रोसेस समझो, प्रोसेस एकदम सिंपल है, और वो है गेट इमोशनली अटैच्ड विथ योर स्टडीज. इफ यू अटैच योर इमोशंस विथ एनीथिंग यू विल रिमेंबर इट. जस्ट लाइक विराट कोहली. विराट कोहली व्हेन ही सिलेक्ट्स अ शॉट्स नाउ राइट, व्हेन ही गोज टू द क्रिकेट, डू यू सी व्हेन दे डू द कमेंट्री एंड ऑल, कि इनका पूरा परफॉर्मेंस ऐसा लग नहीं रहा अच्छा है, एंड दे आर बॉडी लैंग्वेज इज लो, एंड व्हेन देयर बॉडी लैंग्वेज इज हैप्पी दे आर एबल टू डू इट परफॉर्म वेल. तुम देखते हो जब उनको सक्सेस मिलती है कैसे एग्रेसिव होते हो. कभी भी क्लास में ऐसे मत बैठना कि साधारण कोई व्यक्ति बैठा है, जब देखूं ना मेरे को ऐसा लगना चाहिए योद्धा बैठा है, साले अब जाएंगे और बजा के आएंगे. क्या बात, ऐसी आएगी, समझे नहीं समझे. सो स्टे स्ट्रांग. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा टीम एसपीसी की तौर से, यहाँ के हर एक फैकल्टी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप के थ्रू ही हमारे सक्सेस के दरवाजे होकर जाते हैं. आप हमारे लिए सर्वप्रथम है, आप हमारे लिए बहुत प्रिय है, और आपके लिए जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे. और हर एक फैकल्टी अपनी जान लगा देगा आपको ये मुकाम तक ले जाने के लिए कि जहां पर हम भी आपको कभी मिले तो हमें आप पर नाज हो. तो आशा करता हूं कि आप चीजों को ध्यान में रख लेना, क्योंकि जब आते हो ना आप तो आप सोचते हो कि फैकल्टी अच्छे है कि नहीं है. अभी आपने देख लिया फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है, अब आपको ये प्रूव करना है कि आप अच्छे हो कि नहीं हो पढ़ाई में. मेक सेंस? दोनों की जिम्मेदारी है ना, तो आपकी जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना. इज दैट ओके? एक गाना गा दूं सर, इफ यू डोंट माइंड. ठीक, एक गाना बहुत दिल के करीब है वो गा देता हूँ मैम, फिर मैं जाऊँगा. सॉरी यार बहुत ज़्यादा बोल दिया. सो दिस सॉन्ग गोज लाइक दिस. आने वाला पल
जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। अब ध्यान से सुनना अगला कड़वा। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, डू यू अंडरस्टैंड, लम्हा टाइम गिरा गई। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। मतलब समझे, आज समय है आपके पास जो सबसे कीमती है, फ्यूचर में सिर्फ एक दास्तान होगी। तुम अगर बोलोगे जैसे हर्षद भाई ने बोला प्रोकास्टिनेशन, तुम बोलोगे आगे कर लूंगा बाद में कर लूंगा, आगे सिर्फ दास्तान रहेगी, आप सीए बने या नहीं बने, इंटर क्लियर हुए या नहीं हुए, और ये पूरे लम्हे को जीने का समय अभी है। आज ही डिसाइड कर लो कि कैसे लम्हे को जीने वाले हो। जब कभी ट्रिप में जाते हो तो एंजॉय करने के लिए जाते हो, बट कुछ लोग सड़े हुए भी जाते हैं। तो जब आप ये डिसाइड करके आए हो कि आप कैसे जीने वाले हो, बस उसके हिसाब से जीना, प्रॉब्लम्स आएगी, बट वी आर ऑल देयर। ओके, थैंक यू सो मच एंड अ ग्रैंड वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे आप लोग। अरे सुनाई नहीं आया मेरे को? यस सर। और इसी मोटिवेशन के साथ टीम एसपीसी भी फुल्ली मोटिवेटेड है, जैसे कि पूजा मैम, शील बी डेली ईयर 7:30 शार्प। हम सब में सबसे ज़्यादा जो पंक्चुअल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस पूजा मैम 7:30 शार्प शी विल बी ईयर, राइट। सो आपके 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का जो 11 बजे तक का जो सेशन रहेगा, वो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज पूजा मैम जो है पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है, और जो रोज़ाना वो जो काम कर रहे हैं, आप समझिए बात को, जो क्लाइंट्स के साथ जो डेली प्रॉब्लम्स वो डील करते हैं, वो आपको रोज़ाना मतलब प्रैक्टिकल इंसाइट आपको मिलेगा। एंड सीए जो एक कोर्स है, आप समझिए बात को, ये थ्योरी तो है बट इसका एप्लीकेशन ये क्या है, 100% प्रैक्टिकल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज़ करा, समझ रहे बात को, बचपन में यूज़ करते थे ना हम लोग, कहाँ यूज़ करते हैं अभी सर, पता नहीं कहाँ चला गया, बट ये ऐसा नहीं है, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। सो हम जब यहाँ पे मैम आपको पढ़ाएंगी, तो मैम विल मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझे, बराबर रियल लाइफ केस स्टडीज दिखे, तो इससे आपको जो चीज़ें जो है वो इजीली कनेक्ट होगी, राइट। सो लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि आप सुबह आए, अरे यार, आपको हर दिन कुछ नया सीखने मिलेगा, नई नई केस स्टडीज, ब्लैक मनी व्हाइट को कैसे करें जानना है तो आइए सुबह 7:30 बजे, बराबर के नहीं, किसने कितना टैक्स चोरी किया, किसके घर में पड़ी रेड जानना है, आइए, वो सेक्शंस है उसके लिए, सही बोल रहा हूँ ना मैम मैं? सो यू विल एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैम को जो डेली ऑफिस में जो काम कर रही है, मेरा आवाज सेट करना भाई, मैम जो ऑफिस कम अगर मैम जो ऑफिस भाई इसे इसे कम कर दे और कम कर देगा मास्टर कम कर दे। तो क्या है कि जो मैम अपने ऑफिस में जो काम कर रही है, देखो एक होता है कि जो एक्चुअल में वो जो काम कर रही है विच शी इज गोइंग टू डिलीवर, तो उसका जो वो जब कॉन्सेप्ट को जब पढ़ाती है और अपने क्लाइंट्स के एग्जांपल से जो कनेक्ट करती है ना, तो वहां पे आता है टैक्स का ब्यूटी। वरना टैक्स को तो आप जैसे इंसान भी जब सीए बन जाएगा, आप भी बोलेगा मुझे टीडी आता, मैं भी टीडी का टीचर बन जाऊंगा, तो टीचर तो बहुत बनेंगे, बट एक्चुअली एक्सपीरियंस मैटर्स। 22 ईयर्स sitting with the clients, understanding problems, solving their tax issues, और उसको बाद में आपके साथ, और आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे समझ में आएगा, कुछ दिनों में आपको लगेगा यार टैक्स में बहुत मजा आ रहा है, और टैक्स में आप अपनी जिंदगी बना सकते हो, बिकॉज टैक्स हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं आया तो किसको आएगा, टैक्स इज द प्राइम सब्जेक्ट बॉस, टैक्स के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, और आप सभी को टैक्स को उसी अंदाज से पढ़ना पड़ेगा जैसे लोग प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करते हैं, और मैम उसमें बखूबी निभाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। And imagine the number of finance acts she's been lived through. मतलब कानून हर साल चेंज होता है, तो क्या ओरिजिन था, क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, अब क्या है, वो पूरा ट्रांजिशन, वो पढ़ने की खूबसूरती और एक मजा अलग है। सीतारमन से भी
यस सो यू विल एंजॉय द लेक्चर्स एंड उसके बाद फिर वंस द टैक्स क्लास इज ओवर वी मूव फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स जीएसटी लॉ से लेके नाउ वी मूव टू व्हाट द कंपनी लॉज एंड अदर लॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. तो यहां पे आप समझिए जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा सब्जेक्ट को पहले समझो. मैम और सर तो आपको बताएंगे सब्जेक्ट क्या है बट एक लॉ जो है आप टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे हो बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बट उसके बाद हम लोग दूसरे जो कानून है और कंपनीज. अब इमेजिन कीजिए अब आप सीए बन गए हो क्लाइंट आता है आपके पास भाई मेरे को कंपनी बनानी है. सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई कंपनी क्या होता है कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ये कंपनीज एक्ट क्या है राइट. अलग अलग टाइप की कंपनीज अलग अलग बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कंपनीज लगती है लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज राइट. कितने सारे टाइप की कंपनीज होती है उनके अलग अलग कंप्लायंसेस भाई बहुत कुछ है. आपको पैसा चाहिए बराबर कि नहीं आज हम स्वप्निल सर से मांग लेते हैं बट आप कहां जाओगे. आपको अगर चाहिए पैसा तो अभी मेरे पास तो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी ना. आपने शार्क टैंक देखा होगा आपने बराबर तो उसके अंदर वो फंड रेस करते हैं बराबर है. प्रोस्पेक्टस नाम सुना होगा आपने आईपीओ एफपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर्स. तो ये सब जो है ना ये बिजनेस है आप समझ दिस इज बिजनेस. तो ये सब चीजें आपको ये बिजनेस लॉ आपने फाउंडेशन में पढ़ा था अब उसका एक नेक्स्ट वर्जन और एक बहुत ही बढ़िया वर्जन जो आपको फील कराएगा कि हाँ भाई सही में मैं कुछ कानून पढ़ रहा हूं. और जब आपको कोई भी घर का व्यक्ति टैक्स लॉ हो या कंपनी लॉ हो कंसल्टेशन के लिए आएगा पूछेगा तो आप कंसल्टेशन देना बट पहले बोलना 500 रुपए ठीक है ना बिकॉज इतना हम लोग पढ़ेंगे. और उसी के साथ साथ एक टॉपिक भी है जो सीए फाइनल से सीए इंटर में आया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ऐसे बहुत सारे आए हैं बट एक खास टॉपिक जो मुझे मेरे फाइनल के जमाने में मेरा फेवरेट हुआ करता था आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ. तो कानून को कैसे पढ़ना अभी जैसे उसके अंदर बहुत सी जगह लिखा होता है एटसेट्रा बराबर के नहीं तो उस एटसेट्रा का भी मतलब है. तो स्वप्निल सर जो है ये फाइनल में पहले पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट ने फाइनल में सब्जेक्ट बंद कर दिया और उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो किधर लेके आए वो इंटर में. तो सर को फाइनल का पढ़ाने का करीबन 10-12 साल का एक्सपीरियंस है. तो सर ने कहा कि अंकिता मैम आप जो इतने 12 साल से आप इंटर का जो लॉ पढ़ा रहे हो आप वो पढ़ाओ मैं जो इतने 10-12 साल से जो फाइनल लॉ पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा. इसीलिए दे हैव टेकन दिस शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टूडेंट्स. बस उसमें कैसा कि कुछ चैप्टर्स है लाइक डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट आईओएस फॉरेन कंपनी फेमा ये सारे के सारे चैप्टर सीए फाइनल में हुआ कर रहे. आप कहेंगे मैम लॉ पढ़ाती तो मैं कहां से पिक्चर में आ गया. सो आई एम हियर बिकॉज आईसीए ने अपने सिलेबस में फाइनल का लॉ बंद कर दिया और फाइनल के लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स इंटर में शिफ्ट करवा दिए और मैं वो टॉपिक्स को कई सालों से पढ़ा तो मेरी उसमें मास्टरी उन चैप्टर्स में फेमा में फॉरेन कंपनी में और इस सारी चीजों में. तो इसलिए उसमें आग लगाने के लिए मैं आपके सामने हमेशा मिलता रहूंगा. हम लोग दोनों का मतलब जो मेरा पढ़ाने का वेटेज जो है इट इज अराउंड 40-45 मार्क्स. मैम पढ़ाते 50-55 मार्क्स के लिए दोनों के दोनों शानदार तरीके से माहौल बनाएंगे रोज. मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाऊंगा कि जब हम लोग लॉ पढ़ाएंगे तो आप बहुत रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे और ना कि सिर्फ पढ़ाएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी उसके साथ साथ में बहुत रिविजन करेंगे आईसीए के पेपर सॉल्व करेंगे. और एक समय आप कहेंगे लॉ सब्जेक्ट क्लास में खत्म हुआ है वी डोंट हैव टू स्टडी लॉ मच एट होम. और अंकिता मैम के बारे में आप जानती है शी इज बीन टीचिंग सिंस वेरी लॉन्ग. आप लोगों में से फाउंडेशन लॉ कितने लोगों ने पढ़ा है भाई. फाउंडेशन लॉ के लेक्चर्स देखे अंकिता मैम के यूट्यूब पे भी देखे होंगे सभी लोगों ने देखे. ये मैम का जो है ना शी इज नॉट बीन टीचिंग सिंस अभी ये एक या दो साल की टीचर नहीं है शी इज बीन टीचिंग सिंस लास्ट 2012 12 साल से वो लॉ पढ़ा रही है. सो जस्ट रेस्ट अश्योर्ड सभी लोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं. उसके बाद में आनंद सर आएंगे आनंद सर अपने अलग तरीके से आपको अकाउंट का स्वाद दिलाएंगे. अकाउंट्स एक हमारे लिए बहुत प्राइमरी सब्जेक्ट है और उसको उस ढंग से कैसे पढ़ना चाहिए उसकी बारकाइयों को कैसे समझना चाहिए और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर सारी चीजें कैसी एग्जैक्टली होना चाहिए आईसीए की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना चाहिए वो आनंद सर आपको बखूबी निभाएंगे. वो तो अभी हम लोग जो कह रहे हैं वो सब थ्योरी है. आपको हो सकता है लगे कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं बट मैं चाहूंगा कि 2-3 दिन जब क्लास में बैठोगे तो ये सारी बातें जो हर्षद सर अभी कह रहे थे मैं कह रहा था सब तो आपको रिलेट करके हाँ ये सही कह रहे थे वो उसी ढंग से पढ़ाते. अब हमने कहा 22 साल का एक्सपीरियंस टैक्स में है तो आपको कैसे समझ में आएगा 22 साल का वो जब आपको एक एक एग्जाम्पल से मैम अपने क्लाइंट्स के एग्जाम्पल देगी यू विल अंडरस्टैंड यू विल रियलाइज. तो ये सब मैं इतना ही कहना चाहूंगा
अभी हम लोग आज का ये जो सेशन है हम लोग एक नोट पर खत्म करेंगे। एक सेकंड में बस आनंद सर के लिए हाँ, दिल में कुछ बोलना है तो सर बोलोगे? मतलब जैसे पहले स्वर सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, मतलब उन्होंने एक पार्टी भी रखी थी बुक लॉन्च करने के लिए, वो बुक का नाम था एएस का आनंद। एंड हम लोग उस टाइम पे देखते थे कि सर मतलब जी जान लगा के एकदम पूरा उसके अंदर पूरा जितना बेस्ट हो सके वो इतने एफर्ट डाल के उन्होंने वो बुक बनाई है कि मतलब सही में आपको आनंद सर से पढ़ के आनंद आना चाहिए। हाँ, तो इतना मतलब उन्होंने वो एएस के बुक्स के लिए जो काम किया है उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इलस्ट्रेशन के तौर पे, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सर मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो ये सब प्रैक्टिकली मतलब सिर्फ मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये सीए का जो कोर्स है ना बराबर, ये जो कोर्स है ये थ्योरी में ऐसा देखने को लगता है ऐसा, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 100% है। सो ही हैज इनकॉर्पोरेटेड ऑल दिस, और आप ये कहीं पे भी पूरे इंडिया में अगर आप कंपेयर करो ये नोट्स को, सर आज सॉफ्ट कॉपी देना बच्चों को, लाइव स्ट्रीम वालों को डिलीवर होने में टाइम लगेगा, तो आप अगर देखोगे ना तो वो देख के ही आपको समझेगा कि एवरी टीचर ऑल ऑफ अस हैज वर्क सो हार्ड इन मेकिंग दोज नोट्स, यू नो वो पढ़ने का मजा आना चाहिए। सो यू शुड एंड यू विल फील द ब्यूटी विथ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड ऑल्सो ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? और फिर मैं और स्वप्निल सर, तो सर हम कब मिलेंगे फिर? हम लोग मिलेंगे आपको 23 मई के दिन। सर एक सेकंड, मुझे भी एक यू वांटेड टू, आई एम सॉरी, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। थैंक यू सो मच अर्शद, फिर मुझे तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है दोस्त। गया रे 14th फेब। अच्छा मैं ये बता रहा था बच्चों, आप में एक गलती के बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, मुझे लगता है उसके बारे में आज ही बताना ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ भविष्य की है, फ्यूचर की है, बट कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर के बारे में आज ही बात करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल तुमको फसल चाहिए 7-8 महीने बाद, तो उसके बीज अभी लगाने पड़ते, काम अभी करने पड़ते हैं, हाँ या नहीं? और उसको कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो बीज गया, ज़्यादा धूप मिल गई, ज़्यादा पानी मिल गया, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, बस एक चीज कोशिश करना कि आप झूठ ना बोलो। इस क्लास में हमेशा ध्यान में रखना हम दोनों एक साइड में हैं। तो कितने बच्चे इस क्लास में ऐसा लगता है कि दे आर ओनली थिंकिंग ऑफ सिंगल ग्रुप और कंफ्यूज्ड अबाउट ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, सो यू पीपल आर थिंकिंग कंसिडरिंग दैट यू आर ओनली कंसिडरिंग ओनली ग्रुप 1। ओके, एंड ऑनलाइन लाइव में भी कोई रहेंगे तो मुझे बताना, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो फेस टू फेस है, आपके पास एक मौका है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप जरूर मुझसे आके मिलिएगा ऑफिस में, आई विल बी एबल टू गाइड यू वेदर यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। ओके, सो बहुत अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दो ग्रुप जिनको करने का है, तो जाहिर सी बात है आप ग्रुप 1 के बाद में थक जाओगे, बहुत थक जाओगे, पता है आपको ये बात? तो ग्रुप 1 की पढ़ाई अभी से करते रहना, और ग्रुप 1 में इतने थक जाओगे कि ग्रुप 2 कैसे करेंगे पता नहीं चलेगा। एट दैट पॉइंट इन टाइम ये दोनों महारथी तो है ही है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अपने अपने काम को इतने बखूबी निभाएंगे कि मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बट वो ग्रुप 2 में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई रिविजन के साथ अच्छी करते रहना। शेड्यूल इस समय इस तरीके से लगाया कि 5:30 बजे आप खत्म हो जाएगा, तो 5:30 बजे के बाद में हर रोज ग्रुप 1 का रिविजन करते रहना, सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू क्रैक बोथ द ग्रुप्स। और दोनों ग्रुप करोगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? यस। और अब आती है खास बात, क्योंकि हर्षद ने बुक्स के बारे में बताया तो मुझे एक बात इधर बताना बहुत जरूरी लगता है। इसके बाद में स्वप्निल सर, इस बार आपको बताई नहीं मैंने चीज, हर्षद इस बार और एक नई चीज है, मैंने कल ही बता रहा था कि मैं एक बहुत धमाकेदार चीज करने वाला हूं, तो मैंने और दो बुक्स बनाई सर, और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बोथ दिस बुक्स आर इंस्पायर्ड बाय बोथ ऑफ यू, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ द थ्योरी सर, एंड हर्षद इज ऑल्सो मास्टर ऑफ द थ्योरी। थ्योरी मतलब मेरा भरोसा मानो, साले यार मॉड्यूल की मॉड्यूल रटा देते। या नहीं नहीं हेलो, हाँ अर्शद अभी तो कॉस्टिंग का मास्टर बन गया, उसके इतने बढ़िया अभी रैंकर ना सर, और 98 मार्क्स कॉस्टिंग में मिले। 99 मैम, 99 उसके पिछले अटेम्प्ट में। ओहो 99। सो
हर्षद हैज बीन डूइंग ग्रेट, बट मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, कॉस्टिंग के तो एक अलग मसला है, बट ये बुक को मैं इन दोनों से इंस्पायर होकर मैंने बुक बनाई। और उस बुक की खास बात यह है कि सर जैसे आपने अभी बताया कि सर बताते बताते बोला, हालांकि मैं उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाया सर, आपने बोलते बोलते बोला कि 30 घंटे का कोई लेक्चर है तो उसको हम कितने घंटे में करवा देंगे, 3-1 घंटे में। और सर मेरा भरोसा मानो, मैंने उसके अंदर क्या किया और मैंने उसको डिलीवर भी कर दिया, मतलब मेरे पास अभी प्रोटोटाइप है। तो एक लेक्चर थे ब्रांच 20 घंटे का था और 20 घंटे को मैंने पढ़ा दिया 5 घंटे में उस बुक के थ्रू। और सर 5 घंटे में मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि सर मॉड्यूल की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम डिस्कस हुई है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, और तभी तो जाके हम सक्सेसफुल होते हैं। तो राजा बेटा जी, मैं आपको बताने की कोशिश सिर्फ ये कर रहा था कि ये सब चीज़ें मैंने इंस्पायर हुआ हूँ किससे, हर्षद बाबू और स्वप्निल बाबू से। और मैं आपको दावे के तौर पर कहता हूँ और बहुत गर्व है कि मैं इसी टीम का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, कि जहाँ पर ये दोनों योद्धा ने इंडिया भर में अपना ऐसा नाम लौकिक कमाया, इंक्लूडिंग अंकिता मैम ऑफकोर्स, वी बोथ आर नेम एज ऑफ येट, बट देन इन तीनों ने ऐसा नाम लौकिक कमाया पूरे भारतवर्ष में कि जिसके अंदर इनका डंका चलता है, मतलब यू नो हुकुम के सिक्के जैसे चलती है चीज़ें। तो बोलने का सिर्फ इतनी बात थी कि भाई साहब ग्रुप वन अच्छे से करो, ग्रुप टू तो अगर हम तीनों अगर आपको अच्छे लगेंगे तो समझ लेना कि इसके बाप है, अमृत आगे है। ठीक है, सही बोला सर आपने। हाँ, अमृत अभी आगे है, अमृत काल अभी आगे शुरू होने वाला है तुम्हारा, बहुत जोरदार तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे। और कॉस्टिंग में जो हर्षद सर ने मेहनत करी है ये मुझे लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि काबिले तारीफ तो है ही है, बट शायद कई बार ऐसी चीज़ होती कि घाघर में सागर नहीं भर सकते आप, समझते हो इसका मीनिंग? सागर मतलब क्या? पानी। घाघर मतलब क्या? घाघर मतलब क्या सालो? हाँ, मटके में सागर नहीं भरा जा सकता। तो वैसे इसका लॉकिक भी बहुत अच्छा है, वो कॉस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है कमाल तौर पर की। और वैसे बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल और थ्योरी समान तरीके से अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम हु इज गोना टीच यू कॉस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर। सो यू पीपल आर ऑल इन अ वेरी सेफ हैंड्स, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, बैठो गाड़ी में आराम से, मस्त पॉलिश, अच्छी गाड़ी है, जस्ट एंजॉय द राइड, इज दैट ओके? ऑल राइट, बट डोंट कीप लुकिंग हियर एंड देयर, ओके? बस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक वी आज बहुत इमोशनल हो गए, ये ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है कि हम लोग इतने भावुक हो गए, पता नहीं आपसे कुछ अटैचमेंट हो गई। आप इसके पहले के कोई भी लेक्चर देखना जो सारे यूट्यूब पे, वी नेवर स्पोक सो मच ऑन द फर्स्ट लेक्चर, आज सब लोग इमोशनल होके बहुत कुछ बोल रहे, पता नहीं आप लोगों में कुछ ऐसी बात थी कि वी जस्ट वेंट ऑन स्पीकिंग सो मच, बट जस्ट इतना ही समझेंगे, यू आर द पार्ट ऑफ आर फैमिली, वेन एवर यू हैव एनी इशूज यू जस्ट प्लीज कम टू अस, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू नो गिविंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी वन, ओके? एंड SPC इज नोन फॉर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं, जस्ट आराम से आप सही जगह पे हो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस बार धमाल मचाएंगे, सी एंटर क्रैक करेंगे इसी अटेम में, ओके? एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस के साथ, मैंने जितना टाइम दिया यहाँ पर, थैंक यू सो मच। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आज आपने इतना पेशेंटली हमें सुना है, बट आई थिंक इट वॉज रिक्वायर टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेक्चर एंड आई थिंक वी शुड हैव स्पोकन अबाउट इट एंड वी स्पोक अबाउट इट, ओके? बिकॉज पहले दिन ही सब चीज़ें पता, अभी इसके अंदर जब हम लोग लॉ में आएंगे तो लॉ में यही ज्ञान नहीं देंगे वापस, जब अकाउंट्स में आएंगे तो नहीं देंगे, बिकॉज वहाँ पे तो, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर होता है, अगर काश आनंद सर का फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर में भी हम लोग यही बात करते, बट आज कुछ हमने ज्यादा टाइम लिया है आपका, बट आई होप ये नहीं सर, बट इधर अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है ना, ये देखिए कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है सर, सम ऑफ देम आर आल्सो थिंकिंग अबाउट द ग्रुप कंफ्यूजन, नहीं आपको तो यू डोंट, आप जैसे जैसे ग्रुप वन की क्लासेस करोगे आपको समझ जाएगा कि बहुत आसान है, और जिस ढंग से मैं और हर्षद पढ़ाएंगे वो ग्रुप टू, आपको ग्रुप टू बहुत पढ़ने की जरूरत, वो सब कुछ एवरीथिंग विल बी ऑन द क्लास इटसेल्फ, आपको इतना ही कहना चाहेंगे हुएवर वी हैव लर्न फ्रॉम अस, ओके? आप किसी को भी जाकर फीडबैक ले सकते हो कि ग्रुप टू का प्रेशर आता है कि नहीं होता है, बिकॉज सारी चीज़ें क्लास में ही खत्म हो जाती, तो आपको तो दोनों ग्रुप देना ही, उसमें डाउट ही नहीं, बिकॉज वो सिर्फ क्लास नहीं होती, वहाँ पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तो अभी से टारगेट हमारा दोनों ग्रुप का ही, डोंट हैव टू वरी अबाउट, ओके? जिन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है आज शाम को 9 बजे मिलते हैं वेबिनार पर, लिंक आ जाएगी, और आपका सिंगल ग्रुप है, दोनों ग्रुप का जो भी क्वेरी हो वो मुझे पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। मैम आपके लेक्चर का बहुत वक्त लिया, बट नाउ यू रॉक, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गाइडिंग देम ऑल, एक बार जोरदार तालियां बजा दो मैम के लिए, थैंक यू सो मच मैम, यस थैंक यू, आपको बहुत मजा आने वाला, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Bye bye. Bye bye guys.
यस, सो ऑल चार्ज्ड अप एंड ऑल मोटिवेटेड नाउ? क्या थोड़ी भूख भी लगी अभी आपको? क्या ब्रेकफास्ट? तो 10:15 में सर स्टार्ट, इन 10:15 में सर गिव यू अ ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टिल 11, चलेगा क्या? चलेगा, यस, ओके, राइट. तो आप लेंगे नोटबुक और नोटबुक में हम कुछ चीजें समझ के लेंगे, चलेगा? सो लेट्स ओपन द नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ फ्यू थिंग्स अबाउट टैक्स. ओके, चलो. क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नॉट वेल. ओके ओके ओके, ठीक है, चलो. सो वी आर रेडी टू नोट डाउन. अच्छा, अगर नोटबुक जो है टैक्स की आपको कितने 200 पेजेस की विल बी गुड इनफ. इफ यू फील कि हमको पूरा इनकम टैक्स एक ही नोटबुक में चाहिए तो 400 पेजेस की नोटबुक बनाना, नहीं तो इफ यू वांट टू नोटबुक्स में अलग अलग चाहिए तो 200. समबडी लाइक्स एवरीथिंग इन वन, तो यू कैन मेक वन नोटबुक ऑफ 400 पेजेस. ठीक है क्या? नोटबुक पेजेस हैव टू बी नंबर्ड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. चलो इंटरएक्टिव सेशन करेंगे, आप अभी जवाब देंगे. मुझे बताओ टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? There are how many types of taxes? So we have two types of taxes. Yes, one is direct tax and the other is indirect tax. Very good. So we have two types of taxes. One is direct tax and the other is indirect tax. अब direct tax का example बोलो क्या है? Income tax is example of direct tax. और indirect tax का example बोलो GST. Now what is the full form of GST? Goods and services tax. Goods and services tax. So it is goods and services tax. So जो tax होंगे ना बेटा, ये दो प्रकार का होगा, एक होगा direct tax और दूसरा होगा indirect tax. Now what is the, now सबसे important, why does the government feel it necessary to collect tax? Tax collect करता कौन है? Government. ये government का income है. Why do they need to collect this? क्योंकि उनको देश चलाना है. There is defense का खर्चा, there is health, there is education, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं. सो ये सब खर्चा कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर इज गवर्नमेंट गोइंग टू स्पेंड ऑल ऑफ दिस? फ्रॉम द टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स. गवर्नमेंट के कुछ अदर इनकम भी होते हैं, जैसे रेंटल इनकम होते हैं, कुछ बिजनेस इनकम होता है. दे डू अर्न, दे गेट इनकम फ्रॉम LIC है, या दे डू गेट इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, रेंटल इनकम. उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रेंट पे देके भी उनको इनकम आता है. बट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम taxes. The major source of income comes from taxes. So tax we all have to pay. It's a cost of living in the society. Why are we paying tax? It is a cost of living in the society. So hame acha infrastructure hoga to hame hi uska fayda hoga. So good infrastructure, lot of defense is a must nowadays. You can see the way the things are happening aajkal international isme, to uske hisab se defense pe kharcha karna bahut hi zaruri hai. जैसे बीच में अभी मालदीव के साथ थोड़ी सी हमारी, और कहाँ हुआ था? मालदीव के साथ हुआ था, और कहाँ हुआ था? कनाडा के साथ. वी हैड सम डिप्लोमेटिक इश्यूज हैपनिंग विद देम. सो प्लीज अंडरस्टैंड, तुरंत मालदीव किससे जाके मिला? चाइना से. डू यू रियलाइज आर नेबर्स? आप अगर इंडिया का ज्योग्राफिक लोकेशन देखोगे तो हमारे जो नेबर्स है मोर और लेस चाइना के दोस्त है वो लोग. एंड चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट हैज टू प्लान एंड मेक अ बजट कि हम लोग क्या करेंगे, डिफेंस पे कितना खर्चा करेंगे. जैसे कोविड आ गया तो वैक्सीन पे खर्चा करना पड़ा, तो अनप्लान खर्चे होते, प्लान खर्चे होते, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है. और ये गवर्नमेंट कहाँ से कमाता है? टैक्सेस से. टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मुझे फटाफट से आप डिफरेंस बताओगे क्या क्या होता है? यहां मैं लिखती हूँ डायरेक्ट और यहां मैं लिखती हूँ इनडायरेक्ट. बिंदास हो के आपको जो पता है आप बताओ. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्टली कर नाम से ही पता चलता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इफ देयर इज चमेली, चमेली एक हमारी टैक्स की कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये. चमेली कहां काम कर रही है? इंफोसिस में. Where is Chameli working? Infosys. So Chameli is a salaried person और कहाँ काम कर रही है? Infosys. तो Chameli कमा रही है salary. Salary पे tax कौन देगा? Chameli. तो Chameli पैसे कमा रही है तो उसका tax भी कौन देगा? Chameli देने वाली. So Chameli is earning income and government उसी से tax लेगी.
डायरेक्टली चमेली को बोलेगी यार तू इनकम टैक्स का रिटर्न भर, फॉर्म भर और टैक्स भी पे कर. सो फिल अ फॉर्म ऑल्सो एंड पे द टैक्सेस ऑल्सो. सो यहाँ पे चमेली हैज टू डायरेक्टली पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो डायरेक्टली पे टैक्स टू गवर्नमेंट प्लस और क्या होता है? कैन एनीबडी एल्स, आपको जो पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, आपको जो भी पता है आप बता सकते हो. डायरेक्ट में बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों किसके ऊपर है? मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, देन आई गिव यू अ ब्रेकफास्ट ब्रेक, क्योंकि खाली पेट कुछ समझ में नहीं आएगा. भूख लगी है अभी? ब्रेकफास्ट करके आए हो क्या तुम लोग? नहीं, ठीक है. जस्ट दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस करके आई गिव यू अ 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट ब्रेक, ठीक है क्या? यस. तो देखो, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेम पर्सन. क्या होता है बताओ? बर्डन एंड हेमंत इधर है ज्यादा का नहीं ना? ओके. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेम पर्सन. ध्यान में आ रहा है क्या? मतलब क्या मैं बताती हूं. अब देखो, बर्डन मतलब पैसे किसको देना है, टैक्स के पैसे किसकी जेब से जाएंगे? चमेली के. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है कि वो जाके रिटर्न गवर्नमेंट के पास दे, रिटर्न भी सबमिट करना, फॉर्म भरना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चमेली की. टैक्स भी उसी को देना है, कंप्लायंसेस भी उसी को करना है, टैक्स भी उसकी जेब से जाएगा, प्लस जो फॉर्म भरना है वो कौन करेगा? चमेली. अब इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, आप कुछ खरीदने जाते हो शॉप से, आप पैसे दे के आ गए, आप जीएसटी पे करते हो. आपने कभी जीएसटी का रिटर्न भरा है? आपने सबने जीएसटी पे किया है, कोचिंग फीस पे है, स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो जीएसटी है, आप कपड़े खरीदने जाते हो तो जीएसटी होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू बाय देयर इज जीएसटी. यू हैव ऑल पेड द टैक्स, बट हैव यू फाइल्ड द जीएसटी फॉर्म, रिटर्न? आपने कंप्लायंस किया है क्या? कंप्लायंस कौन करता है? शॉपकीपर. पैसे किसकी जेब से जाते हैं? आपके. शॉपकीपर इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट ना आपसे ही जीएसटी का पैसा लेना चाहती है, बट वो इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है. गवर्नमेंट शॉपकीपर को बोलती है, यार तू ये तेरा चीज, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये 100 रुपए में बेच रहा है तू, प्लीज हमारा टैक्स भी कलेक्ट कर ले. तो सिर्फ 100 रुपए कलेक्ट मत करना, 100 के साथ प्लस 18 ले लेना. तो शॉपकीपर को क्या बोला जाता है? जब कस्टमर आएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो 100 रुपीज के लिए, करेक्ट है ना? ऑन दैट 100 एड टैक्सेस ऑल्सो, ऑन दैट 100 यू शुड एड टैक्सेस ऑल्सो. तो वी विल से एड 100 प्लस जीएसटी 18. तो गवर्नमेंट शॉपकीपर क्या करेगा? यू विल पे. सो देयर विल बी अ शॉपकीपर, देयर विल बी अ कस्टमर, एंड देन देयर इज गवर्नमेंट. अब ये शॉपकीपर विल गिव हाउ मच? 118. शॉपकीपर क्या करेगा? 100 रुपया अपनी जेब में रखेगा, 18 रुपीज ही विल गिव टू द गवर्नमेंट. तो ये 18 रुपए का बर्डन किसकी जेब से? ये 18 रुपए गया कस्टमर से. तो बर्डन वॉज ऑन द कस्टमर, लेकिन हिसाब किताब, ये पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचे, तो गवर्नमेंट किसको जाके पकड़ेगी? शॉपकीपर. ए शॉपकीपर, तूने ये प्रोडक्ट बेचा, तेरा सेल हुआ 100, चल हमारा टैक्स दे. तो वो टैक्स देना, शॉपकीपर को सब कुछ हिसाब किताब देना, ये किसका काम है? शॉपकीपर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शॉपकीपर. लेकिन बर्डन किसका है? बर्डन का मतलब है किसकी जेब से पैसा गया. अब चमेली जब सैलरी अर्न करती है, टैक्स भी वही पे करेगी, सीए के पास भी वही जाएगी, वही बोलेगी कि मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है. लेकिन आप जब कस्टमर हो, तो आपने कुछ जीएसटी का रिटर्न वगैरह भरा क्या? कुछ कंप्लेंस किया क्या? नहीं, आप सिर्फ पैसे दे के आ गए. मतलब बर्डन अलग व्यक्ति पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग व्यक्ति पे. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट ऑन द सेम पर्सन. बट चमेली का एग्जाम्पल लेंगे तो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेम पर्सन. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेम पर्सन, बट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन. गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंस के लिए ये कर रही है. गवर्नमेंट इज वेरी सेल्फिश. गवर्नमेंट सेज इतने सारे कस्टमर्स को कौन ट्रैक करेगा? उससे अच्छा है कैच होल्ड ऑफ द वन शॉपकीपर. इट्स इजियर टू कैच होल्ड ऑफ वन शॉपकीपर, एंड दैट वन शॉपकीपर विल कलेक्ट मनी फ्रॉम द
कस्टमर्स, वैसे भी वो पैसे कलेक्ट कर ही रहा है, अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो पैसे कलेक्ट करेगा ही, तो उस पैसे के साथ लेट हिम कलेक्ट टैक्स ऑल्सो, तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ये इजी बन गया, क्या हो गया, ये इजी हो गया, बराबर है कि नहीं? सो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बोलेंगे आर ऑन डिफरेंट पर्सन, बाद में लिखते हैं हम लोग, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन। और क्या पता है आपको इसके बारे में, और क्या पता है बताओ? डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है, और कुछ आपको? हाँ हाँ ठीक है, यस, एनी समबडी एल्स, व्हाट वर यू सेइंग? पिंच, यस, नाउ आई टेल यू वन थिंग, टैक्स के रेट्स बढ़ गए इनकम टैक्स का, तो चमेली को तुरंत पता चलेगा, शी विल फील द पिंच ऑफ इट, शी विल बी लाइक क्या यार, इस बजट में टैक्स का रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, मैं पहले 10,000 टैक्स दे रही थी, अब 20,000 टैक्स दे रही हूं, 10,000 दे रही थी, अब 15,000 दे रही हूं, विल शी फील द पिंच ऑफ इट? यस, शी विल फील द पिंच ऑफ इट। लेकिन कल तुम जाके कुछ खरीदने गए, शॉपिंग करने गए, आपने कुछ कुर्ता खरीदा, कपड़े खरीदे, आप उसको 2,000 में खरीद के आए, या अगले कुछ दिनों बाद उस पर प्राइस बढ़ गया, आप 2,200 दे के आए, यू फर्स्ट पेड 2,000, देन यू पेड आफ्टर फ्यू डेज द सेम इज अवेलेबल फॉर 2,200, यू डोंट इवन रियलाइज, आप जस्ट बोलते हो शायद महंगाई बढ़ गई, आपको पता भी नहीं उसमें से टैक्स कॉम्पोनेंट कितना है, और ये प्राइस टैक्स की वजह से बढ़ा या किसी और कारण से बढ़ा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप बॉदर भी नहीं करते हो, यू जस्ट पे द मनी एंड यू आर डन, बट डायरेक्ट टैक्स यू फील द पिंच ऑफ इट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, एज यू अर्न इनकम, एज योर इनकम इंक्रीजेस, टैक्स का रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, प्रोग्रेसिव, क्या वर्ड यूज करने का, प्रोग्रेसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, चलो बोलो मेरे साथ, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ध्यान में आ गया। इसका ऑपोजिट होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब कि आई कांट बी प्रोग्रेसिव, कैन अ शॉपकीपर आस्क, कुछ खरीदने आए, मुकेश अंबानी ने अपने ड्राइवर को भेजा, स्टाफ को भेजा, गो एंड बाय सम प्रोडक्ट्स फॉर मी, तो विल आई आस्क द शॉपकीपर, पूछेगा ये तुम किसके लिए गुड्स खरीद रहे हो, मुकेश अंबानी, हाँ उसका तो इतना इनकम है, तुम्हारे लिए टैक्स का रेट अलग है। या एक आम आदमी वहां जाता है और बोलता है मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, क्या हम उसके लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस अलग और मुकेश अंबानी के लिए वही प्रोडक्ट का प्राइस अलग ऐसा कर सकते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैन आई से मोर टैक्स ऑन दिस, 100 तो आपको देना ही है प्लस, नहीं नहीं तुम मुकेश अंबानी हो तो तुम 30 रुपए दे दो, तुम आम आदमी हो तो 100 के बदले तुम सिर्फ 10 रुपए दे दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीबडी, बट इनकम टैक्स में भी मुकेश अंबानी विल हैव सम एडिशनल टैक्स विच अदर्स डोंट हैव, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर, व्हेन आई से नॉट प्रोग्रेसिव इट मींस रिग्रेसिव इन नेचर, सो प्राइसेस आर सेम। हाँ क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैन वी डू समथिंग, कैन आई टैक्स नेसेसिटीज एट लेसर प्राइस एंड लग्जरीज एट हायर प्राइस, क्या दवाइयां और जो नेसेसिटीज है उस पर कम टैक्स लगाएंगे, और जो लग्जरीज है इंपोर्टेड गाड़ियां है बिग कार्स है एंड एनी लग्जरी थिंग्स, कैन आई हैव मोर टैक्स ऑन दोज? यस, सो कैन वी हैव मोर टैक्स ऑन लग्जरीज एंड लेस टैक्स ऑन नेसेसिटीज? यस वी कैन डू दैट, सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू गेट अ बैलेंस। सो आई एम वॉज जस्ट डिस्कसिंग विथ यू व्हाट बेटर राइट नाउ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड डायरेक्टली, मतलब किसका एग्जाम्पल है, चमेली, पैसे कौन कमा रहा है, चमेली, टैक्स कौन देगा, चमेली, उसका सारा कंप्लायंस फॉर्म भरना ये सब कौन करेगा, चमेली, दैट मींस बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेम पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन, बर्डन मतलब टैक्स के पैसे कौन जेब से निकाल के देगा, कस्टमर, लेकिन उसका कंप्लायंस फॉर्म भरना कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना ये सब काम कौन करेगा, शॉपकीपर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शॉपकीपर। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर,
किसी भी कंट्री में जब वो डेवलप हो जाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन लगभग सेम होता है। हमारे यहाँ भी वैसा ही है, वी हैव अराउंड 50, कभी कभी 53% डायरेक्ट टैक्स होता है, सो रिमेनिंग इज 50-50, मोर और लेस इक्वल कलेक्शन है। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, डायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा फोकस हुआ करता था, अब इक्वल इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। सो आवर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज मोर और लेस द सेम। इनफैक्ट समटाइम्स इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये रफली, ओ गॉड, आई से गोना आस्क यू, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, वी आर नॉट गोना स्पेंड टाइम ऑन दिस। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कुछ चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं आपको बोलूंगी क्या एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, बट शुड यू नो इट कॉन्सेप्चुअली, यस। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको मार्क करके दूंगी कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इस चैप्टर में से क्या लर्न करना है, ठीक है क्या। तो शुड वी टेक अ ब्रेकफास्ट ब्रेक, टाइमर लगा लो, मैं टाइमर ऑन करूंगी, सो वी विल टेक एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक। कितना ब्रेक लेंगे हम लोग, 10 मिनट्स का ब्रेक, ओके, यस। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे विथ टैक्स, ऑल राइट, यस। ब्रेक लावतो इसका, अरे यार मला काहीतरी खायला पण आण। एक किसी के पास आईफोन का चार्जर है क्या, है क्या, नाही तो ऑफिस मधून मला चार्जर घेऊन दे नंतर, होय आण, हो क्या हुआ बोलो क्या ब्रो, ब्रेकफास्ट खा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। क्या हो गया बोलो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, आई रिमेम्बर, मंथन आए कि नहीं, ही इज डूइंग ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। क्या हो गया, इधर ही है, देखो आपको कुछ चाय कॉफी या क्या करके आना है, क्या ब्रेकफास्ट खा के आओगे, जस्ट यू गो आउट फ्रॉम हियर एंड बैक साइड देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स यू कैन टेक, ठीक है ना।
ओके चलो नाउ कम ऑन एवरीबडी क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज फॉर दिस सेशन लेट्स स्टार्ट ऑल राइट सो नाउ लेट्स डू अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अभी एक एक करके हम नोट भी करेंगे ठीक है तो पहले बोलो एक चीज प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी क्या होगा बढ़ते जाएगा सो एज इनकम इंक्रीजेस द टैक्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज सो जैसे इनकम बढ़ते जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा ठीक है वी विल कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम पीपल हु आर अर्निंग मोर इनकम एंड गवर्नमेंट विल गिव सम डिस्काउंट्स टू पीपल हु आर नॉट अर्निंग टू मच इनकम सो पीपल हु अर्न अ लॉट ऑफ इनकम गवर्नमेंट क्या करेगी उनसे ज्यादा टैक्स लेगी और जो लोग कम पैसे कमाते हैं उनसे थोड़ा सा टैक्स कम लेंगे इसका क्या मतलब होता है प्रोग्रेसिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोग्रेसिव समझ में आ गया क्या सबको यस बेटा नेक्स्ट टाइम से ब्रेकफास्ट यू ऑल कैन गेट इट इनसाइड ऑल्सो एंड ईट व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन देयर इज नो प्रॉब्लम ठीक है यस तो अब हम लोग नोट करेंगे चलो नोटबुक में लिखेंगे गुड मॉर्निंग अनूप यस नोटबुक में लिखेंगे नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे रेडी आपने लिख के लिया ना टैक्सेस दो प्रकार के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो एक क्या है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स अब लेट्स राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन लिखो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लीज नंबर योर नोटबुक पेजेस नंबर योर नोटबुक पेजेस आई एम गोइंग टू नीड दैट Please number your notebook pages. Ready? Okay. So first क्या heading है Difference between direct and indirect tax. But again I'll tell you, you all can get your breakfast inside the class also. No problem. आप यहाँ पे भी बैठ के lecture के साथ you all can eat in case time is not sufficient. You can get it inside also. ठीक है सिर्फ गिराना नहीं इतना सिर्फ कोशिश करेंगे बाकी otherwise okay है ठीक है सो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स चलो तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन राइट डाउन बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन बर्डन का मतलब क्या पैसे कौन दे रहा है बर्डन का मतलब क्या है पैसे किसकी जेब से खर्च हो रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन बेटा पैसे किसकी जेब से खर्च हो रहे बराबर है पैसे किसकी जेब से खर्च हो रहे उसका क्या मतलब होता है बर्डन मतलब वो टैक्स पे करने का बोझा किसके ऊपर है बर्डन किसके ऊपर है ठीक है बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है लिखो क्या होगा वहां पे बोलो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन कौन डिफरेंट पर्सन पहले बोलो फिर लिखेंगे बोलो शॉपकीपर के ऊपर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन किसके ऊपर है कस्टमर के ऊपर बराबर है क्या यस तो यहां पर लिखेंगे बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन एंड burden and responsibility are on different persons किसके ऊपर है ये different persons so burden and responsibility किसके ऊपर है different persons के ऊपर correct है क्या yes direct tax is directly collected इसीलिए नाम है उसका direct tax सच्ची में direct tax is directly collected बेटा अगली बार से आप ब्रेकफास्ट अंदर भी लेके आ सकते हो टाइम सफिशिएंट नहीं होगा तो यू कैन गेट इट इनसाइड एंड ईट इट आल्सो नो प्रॉब्लम ठीक है डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड एंड सेकंड यहां पे क्या लिखोगे इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड मतलब शॉपकीपर के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा इनडायरेक्टली कलेक्टेड सही है क्या
तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा, बराबर है क्या? यस। अब और बोलो क्या लिखेंगे? प्रोग्रेसिव इन नेचर लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? एवरीबॉडी कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? गवर्नमेंट विल कलेक्ट मोर टैक्स फ्रॉम पीपल अर्निंग मोर इनकम। बट इनडायरेक्ट टैक्स में मुकेश अंबानी विल गो टू बाय क्लोथ्स, विल गो टू बाय मिल्क, विल गो टू बाय बिस्किट्स, विल गो टू बाय एनी प्रोडक्ट, उसका प्राइस सबके लिए सेम होगा। आम आदमी के लिए भी वही प्राइस और मुकेश अंबानी के लिए भी वही प्राइस। बट इनकम टैक्स में मैं आपको सिखाऊंगी, मुकेश अंबानी जैसे लोग एक एडिशनल टैक्स देते हैं विच इज कॉल्ड एज सरचार्ज। क्या देते हैं वो? एडिशनल टैक्स। वो हर कोई नहीं देता है। जो व्यक्ति 50 लाख के ऊपर कमाएगा ही विल गिव अ एडिशनल टैक्स कॉल्ड एज सरचार्ज। सिखाने वाली हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल में लर्न करेंगे हम। तो हम एडिशनल टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? मुकेश अंबानी, बिकॉज ही इज अर्निंग मोर देन 50 लाख। पर्सन अर्निंग लेस देन 50 लाख हैज नॉट टू पे दिस सरचार्ज। उसको ये सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? यस। तो यहां पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? मोर इनकम मोर टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? मोर इनकम मोर टैक्स। क्लियर है सबको? सो मोर इनकम मोर टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट रिग्रेसिव है, तो यही वर्ड यूज करना है, रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब प्राइजेस आर सेम फॉर एवरीबडी, रिग्रेसिव इन नेचर। सेम प्राइजेस, चाहे मुकेश अंबानी खरीदने जाए वही प्रोडक्ट, या आप खरीदने जाओ एसी का प्राइस सेम होगा, सबके लिए सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस सेम होंगे। वेदर यू अर्न मोर और यू अर्न लेस, द प्राइजेस आर गोइंग टू बी द सेम। ध्यान में आ रहा है सबको? यस। अब एग्जाम्पल बोलो। हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हो वो पिंच। अच्छा मैम, वो पिंच के बारे में आपने लिखा नहीं लिखा। आर यू गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन राइट अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? नो, प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। फाउंडेशन वाज लाइक अ एंट्रेंस एग्जाम एंड डायरेक्ट एंट्री, बीकॉम वाज लाइक अ एंट्रेंस डिग्री। हो गया अभी वो, अब यहाँ पे इट्स अ नेक्स्ट लेवल। सो प्लीज हमारा थिंकिंग अप्रोच, प्रोफेशनल अपने अप्रोच रखना बहुत ही जरूरी है। तो कोई आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डेफिनेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिफरेंस पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किस चीज पे कितना टाइम देना चाहिए। देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच आई विल बी टीचिंग यू। कितना टाइम स्पेंड करोगे उसमें से कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पढ़ाई हर कोई करता है लेकिन एग्जाम हर कोई क्रैक नहीं कर पाता। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कितना टाइम देकर उससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है, एग्जाम में पास भी होना है अपने को, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो अब यू कैन राइट दिस पिंच ऑफ टैक्स इज फेल्ट इन केस ऑफ इंक्रीज। तो इंक्रीज हुआ तो तुरंत उसका पिंच आपको फील होगा, बट यहां पे पिंच ऑफ टैक्स इज नॉट फेल्ट। इतना आप ध्यान नहीं देते हो जब आप कोई चीजें खरीदते हो। आप स्विगी जोमैटो का बिल आता है, आप बहुत रेयरली कोई देखता होगा यार उसमें कितना जीएसटी गया, टोटल आ गया, हाँ इतना टोटल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दिया, खत्म हो गई बात। आप नहीं देखते हो कि उसमें से टैक्स कॉम्पोनेंट कितना है, ठीक है? तो पिंच ऑफ द टैक्स इज नॉट फेल्ट। ऑलराइट, एनीथिंग इज नॉट क्लियर प्लीज आस्क। हाँ, एनीथिंग इज नॉट क्लियर डोंट हेजिटेट प्लीज आस्क, ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल्स बोलो। इनकम टैक्स और इसके एग्जाम्पल है जीएसटी। और जीएसटी कब से आया वैसे? 1 जुलाई 2017 से। आप बहुत लकी हो, आपने इतनी सारी चीजें देखी है कि यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। You have seen the biggest tax reform happening, that is GST from 1st July 2017. You have seen demonetization. You have seen lockdown and COVID. You have seen going away of Article 370.
the future generation may not know what is Article 370. We have seen going away of Article 370. What is that Article 370? Sometime correct time aega, to us time pe thoda sa uske bare mein ek story bata dungi. But ab ye kya hai? Income tax or GST? अच्छा क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की बात निकली है, कैन वी से डीमोनेटाइजेशन वाज अ सक्सेस? वाज डीमोनेटाइजेशन अ सक्सेस? क्या था गवर्नमेंट क्यों डीमोनेटाइजेशन करना चाह रही थी? ब्लैक मनी, व्हाट इज ब्लैक मनी? जिसपे हमने टैक्स पे नहीं किया, व्हाट इज ब्लैक मनी? समथिंग ऑन विच यू डिड नॉट पे टैक्स. अगर मैंने आपसे कोचिंग फी कैश में ले ली, कैसे ले ली? कैश में. सो आई टुक द कोचिंग फीस फ्रॉम यू इन कैश और मैं घर पे लेके गई उस कैश को और कबर्ड में रख दिया, वापस एक कबर्ड में रखा, वापस कबर्ड में रखा. आज फीस आई कैश, घर पे लेके गई, कल भी वापस कैश में फीस आई, मैं घर पे लेके गई और ऐसा एक मेरा बॉक्स रेडी हो गया जहां पे ये कैश पड़ी और ये मैंने अकाउंटेंट को बताया नहीं, बुक्स में एंट्री की नहीं, इसको इनकम करके दिखाया ही नहीं. और फिर ऐसे लोगों के पास जब रेट पड़ती है तो ये कैश मिलती है. This is cash, मतलब any amount on which you've not paid taxes is called as black money. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार cash is black money. आज अगर मैंने आपसे cash में fees ली और मैं नीचे office में जाके accountant को दे देती हूँ कि ये लो ये cash जाके bank में भर देना, क्या करना है? ये cash जाके bank में भर देना. So take this cash and go and deposit it. So take this cash and go and deposit it. करेक्ट है कि नहीं? देन दिस इज माय इनकम ऑन विच आई एम पेइंग टैक्स. अच्छा कैश अगर आ गई और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करोगे? कैश, कैश मैं ऑफिस में दूंगी तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे? कॉन्ट्रा एंट्री पहले करोगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बस एक ही एंट्री पास करोगे और कोई? तो मुझे अगर 50,000 की मेरे को कैश, मैंने फीस ले ली 20,000 फीस ले ली और मैंने बोला कैश 20,000 मैंने फीस कैश में ली, एक ही अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे? पहले कैश आने की एंट्री पास करनी पड़ेगी. सो दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कोचिंग फीस विच इज योर इनकम. तो टू कोचिंग फीस, वैसे एसपीसी कुछ भी कोचिंग फीस कैश में नहीं लेता, वी बिलीव इन ओनली डिजिटल, नथिंग वी अवॉइड, वी डू नॉट, यू गो एंड टेक कैश, वी डू नॉट टेक एनी फीस इन कैश. तेरा ले लिया, तुझे रिसीट नहीं मिली, फिर अभी प्रॉब्लम हो गया फिर तेरा. तो तू जब बोलेगा ना तेरा कैश ले लिया तो समझ ले बेटा तेरा ब्लैक मनी है, इसलिए तूने इंसिस्ट किया होगा कि मुझे कैश में ही फी देनी है, समझा? हाँ, तो मेरा दे दिया बोलने की मतलब ये नहीं है कि तेरी बहुत अच्छी बात है यहाँ पे. सो सम वी एज फार एज पॉसिबल वी आर अवॉइडिंग, वी डू नॉट टेक द फीस इन कैश, करेक्ट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हर बार लेकिन कैश में कमाया गया पैसा, कैश मतलब ब्लैक मनी ऐसा नहीं होता. समटाइम्स दैट कैश कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑल्सो. So what is accounting entry? If somebody comes to your office and gives you cash, मैं coaching fees दिया, तो आप क्या accounting entry pass करोगे? Cash account debit to coaching fees. ये coaching fees कहाँ जाएगा? ये coaching fees आपके PNL में जाएगा. This will be recorded in your PNL. It will be recorded in your PNL. So this is recorded as your income. And then cash आपको रखनी नहीं है, करके आपने ये contra entry pass कर दी और ये cash को क्या कर दिया? बैंक में भर दिया. मैकेनिकली नहीं सीखना है अकाउंटिंग एंट्री, हर एंट्री का मीनिंग समझना है. क्रेडिट जब हम करते हैं, क्रेडिट की दो मीनिंग होती है, आइदर इट्स योर इनकम और इट्स योर लायबिलिटी. डेबिट के दो मीनिंग होते हैं, आइदर इट्स योर एक्सपेंडिचर और इट्स योर असेट. आपके पैसे, अकाउंटेंट बोलता है कि सर दो लाख जमा हो गए, दो लाख जमा हो गए, अपना इनकम है क्या? नहीं रे, मैंने दोस्त से लोन लिया है. लायबिलिटी. ऑनलाइन फीस ट्रांसफर हो गई 50,000, इनकम. दोनों क्रेडिट ही है, एक इनकम है एक लायबिलिटी है. समझ में आता है? तो अकाउंटिंग एंट्री टेल्स अस अ लॉट.
जस्ट एट रीडिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, दो साल की बैलेंस शीट अगर मैं कंपनी की पढ़ू, आई कैन राइट अ कंप्लीट एसे अबाउट अ कंपनी. कंप्लीट एसे आई कैन राइट अबाउट अ कंपनी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग टू ईयर्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. अगर कंपनी की बैलेंस शीट में दिखता है कि फिक्स्ड असेट्स बढ़ गए, तो ऐसे अच्छा कंपनी ने शायद एक्सपांशन किया है, कहीं और ब्रांच ओपन की है. ओ फिक्स्ड असेट्स बढ़ गए और मैं लायबिलिटी में चेक करूं कि लोन भी बढ़ गया है, कंपनी ने ये फिक्स्ड असेट्स लोन लेके खरीदा है. लोन नहीं बढ़ा, कैपिटल बढ़ गया, तो कंपनी ने इन्वेस्टर को इक्विटी रेज करके पैसे लिए. तो दो साल की बैलेंस शीट की फिगर्स ऑब्जर्व करके आप बहुत सी चीजें समझ सकते हो कंपनी के बारे में. ठीक है, तो ये हो गया. मैं आपको क्या बता रही थी कि ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक मनी के लिए. डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ क्या? आंसर इज नो. गवर्नमेंट को जितना लगा था हमें ब्लैक मनी मिलेगा, उतना करेंसी का कलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन एक फायदा जरूर हुआ, उस डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 करोड़ से नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गए. तो लोग डर गए कि मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है. जो लोग इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर रहे थे, फॉर्म नहीं भर रहे थे, फॉर्म मतलब क्या है, इनकम टैक्स के रिटर्न को क्या बोलते हैं, एक फॉर्म है. तो जो लोग ये फॉर्म नहीं भर रहे थे, उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग चालू हो गया. कितने लोगों ने फाइल किया डीमोनेटाइजेशन के बाद, टैक्स पेयर्स का नंबर कितने से बढ़ गया, 1 करोड़. कब हुआ रे आपका डीमोनेटाइजेशन? देखो यहां पे ये जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दिया है, मेरे पास जो इनकम टैक्स का रिपोर्ट है मैं आपको दिखाऊंगी. डीमोनेटाइजेशन कौन से ईयर में हुआ रे? 16 7. ओ यू डोंट नो दैट ईयर वाला फंडा. ओके बट दैट्स ऑल राइट, बट आई विल जस्ट शो यू नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर्स थे. ये देखना, ये डेटा है नंबर ऑफ पर्सन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स. ये डेटा गवर्नमेंट ने दिया है. किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है. रफली हम यहां पे अगर देखेंगे ये साल और ये साल, 16 17, ये जो ईयर है यहां क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन. तो उसके टाइम कितने लोगों ने रिटर्न भरे थे? 4 करोड़ 47 लाख पीपल एट फाइल. एंड डीमोनिटाइजेशन होने के बाद नंबर देखो क्या हो गया, 5 करोड़ 45. तो लगभग कितना नंबर बढ़ गया, 1 करोड़ से टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ गया. पीपल सेड नहीं, जो भी कमाएंगे प्रॉपरली गवर्नमेंट को दिखाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है मोदी जी है तो. सो डिड इट बेनिफिट इनडिरेक्टली? यस. नंबर ऑफ टैक्स, यू शुड नो, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ सीए. अभी आपको कोई डीमोनेटाइजेशन पे डिस्कशन होता है तो आपको बोलते आना चाहिए, यू शुड नो. कोई बोलेगा हाँ डीमोनेटाइजेशन सक्सेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ब्लैक मनी के हिसाब से तो सक्सेस नहीं था, लेकिन लोगों को अभी ये पता चल गया कि नहीं, ईमानदारी से काम करना है. 1 करोड़ से एकदम से नंबर बढ़ गया. ध्यान में आ गया क्या? यस. तो ये किसकी बात हो गई? हमारी डीमोनेटाइजेशन. तो आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, यू हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर वेरी लकी फॉर दैट. ठीक है, अब देखो नोटबुक में हम कंटिन्यू करेंगे. पहले हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अच्छा, जीएसटी के आने से पहले कौन से टैक्सेस थे आपको कुछ पता है क्या? ओके, मुझे बताओ यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, ये अब तक जो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस बताया, किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? अच्छा, एक और पॉइंट मैं इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बताने वाली हूं बिफोर यू राइट समथिंग. सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन, मेरा सेंटेंस सुनना, कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैसे शिफ्ट हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. मतलब क्या मैं बताती हूं, शॉपकीपर दुकान पे है, कस्टमर आया, पीसेज ये कितने का, 100 रुपीज, पीसेज 18 रुपीज. आजकल जीएसटी का बेसिक रेट क्या है, 18%. जीएसटी का नॉर्मल रेट क्या है, 18%. इसलिए मैं बार बार 18 का एग्जाम्पल दे रही हूँ. जीएसटी में टैक्स का रेट क्या है, 18, मेन रेट इज 18, अलग अलग रेट्स भी है. तो बेटा ये प्रोडक्ट कितने का, 100, और 100 प्लस मैंने क्या बोला, क्या देना, 18 जीएसटी देना. तो 100 प्लस 18, ऐसे मैंने कितना कलेक्ट किया,
118 किससे कलेक्ट किया? कस्टमर, चमेली आई थी, कौन आया था शॉप में? चमेली, तो चमेली से मैंने कितना कलेक्ट किया? 118, 100 जाएगा मेरी जेब में, 18 जाएगा गवर्नमेंट को, बराबर है क्या? अब वो जो शॉपकीपर है वो मूवी देखने चला गया एक दिन, बोलता है मैंने आज शॉप पे बैठने वाला, मुझे मूवी देखने जाना है, अपने दोस्त को बिठा के गया शॉप में, दोस्त को पता ही नहीं है जीएसटी लेना है, दोस्त को मैंने बताया भूल गया, शॉपकीपर घूमने चला गया, मूवी देखने चला गया, तो शॉपकीपर क्या करेगा? अब उसका दोस्त बैठा है, कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है ये कितने का? आई से 100, आई फॉरगेट टू कलेक्ट द टैक्स, आई डोंट कलेक्ट द टैक्स, आई कलेक्ट ओनली चमेली, अभी चंपा आई, चंपा से मैंने कितना कितना कलेक्ट किया? 100। अब शॉपकीपर बोलेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, गवर्नमेंट आपको क्या लगता है क्या बोलेगी शॉपकीपर को, क्या करेगी? शॉपकीपर से लेगी क्या? नहीं लेगी, लेगी ना पक्का? गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी ना, चल चल तूने डिस्काउंट दे दिया तू भूल गया कोई बात नहीं हम भी नहीं लेंगे, नहीं होगा, गवर्नमेंट बोलेगा अब अपनी जेब से पैसे भरो, मतलब जो टैक्स का बर्डन है आई कैन शिफ्ट इट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब कस्टमर, और कस्टमर से तुम कलेक्ट करना भूल गए, देन बर्डन विल कम ऑन यू, द बर्डन विल कम ऑन यू मीन्स इट विल कम बैकवर्ड, तो चलो बर्डन कैसा हो सकता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और इट कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड, मेरे पास ऑप्शन है फॉरवर्ड शिफ्ट करने का, मतलब कस्टमर से कैन आई लीगली कलेक्ट टैक्सेस? यस, देन व्हाट डू यू थिंक, आई विल कलेक्ट या मैं अपनी जेब से ही देती रहूंगी? ऑब्वियसली आई विल कलेक्ट, कौन अपनी जेब से पैसा देगा? अगर लीगली मुझे अलाउड है मेरा प्रोडक्ट बेचते वक्त टैक्स लेने के लिए तो क्यों नहीं मैं लूंगी, आई विल टेक इट ना, ऑफकोर्स, तो आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम कस्टमर, मैं मेरी जेब से क्यों दू, मैं कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दूंगा। हाँ बाय चांस ऐसा हो गया आप कलेक्ट करना भूल गए, आपने डिस्काउंट दे दिया, चमेली आपकी स्कूल फ्रेंड थी आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, फिर गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट नहीं देगी, गवर्नमेंट बोलेगी नाउ पेड फ्रॉम योर पॉकेट, दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड का मतलब कस्टमर, एंड कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया तो बैकवर्ड, बोलो मेरे साथ चलो, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फिर से रिपीट करेंगे, चलो बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब और कस्टमर से कलेक्ट करना भूल गए तो किससे? शॉपकीपर को देना पड़ेगा, दैट मींस बर्डन वापस आपके ऊपर चला आया। तो एक सेंटेंस ऐड कर दो नीचे, इनडायरेक्ट टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन हाँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है, एमआरपी होता है, बट जस्ट एक बोल रही हूँ कहीं नहीं है, जैसे कोचिंग फीस में अगर आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया हमने बोला चलो ठीक है जीएसटी आप मत पे करो हम बेयर करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई नो सम प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट एमआरपी, उसमें जीएसटी टैक्सेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, बट जीएसटी सिर्फ प्रोडक्ट्स पे नहीं है, सर्विसेज पे भी है, कुछ गुड्स पे भी है, मैन्युफैक्चरर भी जो गुड्स बेचेगा उस पे भी है, तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो लिखा क्या, क्या लिखा? इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, किरण समझा क्या तुझे? ठीक है, अब थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में जानते हैं, बिफोर जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ, लेट्स राइट डाउन, जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड, लिखो GST was implemented from what date beta? From 1st July 2017. Likho. GST was implemented from 1st July 2017. Chameli ko seller drawings kehke bhi to de sakta hai. Haan de sakta hai na Vishal. But there are some things into that. We learn in GST. Okay? तो पहले लिखो जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st जुलाई 2017, तो यहां पे लिखेंगे टैक्सेस
बिफोर 1st July 2017. तो कौन से टैक्सेस थे बिफोर 1st July 2017? यस, क्या है? देयर वाज वैट, कस्टम्स ड्यूटी अभी भी है, वैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स टैक्स, यस, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी. ओके, राइट डाउन. वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST. लिखो. इनका नाम जानना और ये किस पे लेवी किया जाता था इतना जानना जरूरी है. अब ये कुछ टैक्सेस इसमें से है, कुछ टैक्सेस नहीं है, बट फिर भी इसका कुछ बेसिक जानना जरूरी है. आर यू राइटिंग इट डाउन विथ मी बेटा? एवरीबडी राइटिंग इट डाउन? ओके, चलो अब सुन के लेना. वैट और सेल्स टैक्स किस पे लगता था? ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. लिखो, ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. वैट एंड सेल्स टैक्स किस पे लगता है? ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, तो वैट और सेल्स टैक्स किस पे लगेगा? ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगता है? ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. सर्विस टैक्स इज टैक्स ऑन सर्विसेज एंड एक्साइज ड्यूटी वॉज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. कुछ भी मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी. ठीक है, टैक्स का नाम और वो किस पे लेवी किया जाता था, बस इतना हमें अभी जानना है, थोड़ा सा ही बेसिक जानना है. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जब मैं GST स्टार्ट करूंगी तो बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी. CST का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स. दिस इज ऑन सेल ऑफ गुड्स, बट डिफरेंस क्या है बताती हूँ, दो मिनट में बताती हूँ, आप सिर्फ लिख के लो बेटा पहले. और इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस है, देयर इज स्टैम्प ड्यूटी, बहुत बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत सारे. पहले कुछ ये मेन टैक्सेस बताती हूँ, मेन टैक्सेस पहले बताती हूँ. रेडी है? लिखा क्या? अब सुन के लेना, दो मिनट फोकस करो, ध्यान से लिखना मत. सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर. ध्यान से सुनना. देखो पहले क्या होता था, गुड्स सेल किए, पहले मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी. चलो एवरीबॉडी, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी. मैन्युफैक्चर करने के बाद आप सेल करोगे तो सेल्स टैक्स लगेगा. सर्विसेज बेचोगे तो सर्विस टैक्स, सर्विसेज बेचोगे तो सर्विस टैक्स, गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज, मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी. सर्विसेज सेल करने पे सर्विस टैक्स, गुड्स बेचने पे सेल्स टैक्स. अब जो गुड्स है, मेरा जो सेल है, दो मिनट लिखना मत, सेल मेरा कहाँ हो सकता है? विद इन द स्टेट. नाउ बिफोर आई गो टू दिस, बिफोर आई टीच यू दिस, आई नीड टू टेल यू समथिंग एल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैम ये इतने सारे टैक्सेज है, अलग अलग टैक्सेज है, और वॉट इज इनकम टैक्स? ने इनकम टैक्स भी तो है, इनकम टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स है. इनकम टैक्स क्या है फिर? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. इनकम टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये सब जो टैक्सेस है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दीज आर इनडायरेक्टली कलेक्टेड. एंड इनकम टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम. अब ये जो टैक्सेस है ये कौन लेवी करेगा? गवर्नमेंट. कौन लेवी करेगा? गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के क्या क्या प्रकार है? हमारे यहाँ इलेक्शन या गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होता है? हमारे यहाँ होता है 3-tier सिस्टम. कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास? 3-tier सिस्टम. सी वी फॉलो व्हाट सिस्टम बेटा? वी फॉलो 3-tier. टीयर का मतलब है लेयर. वी फॉलो, सी वी फॉलो 3-tier सिस्टम. राइट डाउन दिस. ऊपर वाला पार्ट मत लिखो पहले, पहले ये लिखो, वी फॉलो व्हाट? 3-tier सिस्टम. वी मतलब इंडिया, भारत. इंडिया क्या फॉलो करती है? 3-tier सिस्टम. व्हाट डज इंडिया फॉलो? टेल मी. इंडिया फॉलोज
3-tier system. So we are going to follow what system? 3-tier system. Now what happens in this 3-tier system? We have central government, we have state government, and we have local authority. देखो टैक्स जो है ये पूरा बेस से अपने को सीखना है, बिल्कुल बेसिक से हमें लर्न करना है. तो प्लीज अंडरस्टैंड हमारे पास कितने सिस्टम्स है गवर्नमेंट के, कितने लेयर्स है. टायर नहीं बोलने का, व्हाट इज दिस प्रोनाउंस एज? 3-tier सिस्टम. व्हाट इज इट प्रोनाउंस एज? 3-tier सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3-tier? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल अथॉरिटी. ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी. अब प्राइम मिनिस्टर कौन है अपने? मोदी जी. सो दैट्स द रूलिंग पार्टी, दैट्स सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? केजरीवाल. सो दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट. हर स्टेट, महाराष्ट्र का सीएम अलग, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अलग. स्टेट इलेक्शंस अलग होते हैं, सेंट्रल इलेक्शंस अलग होते हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है. सो देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट्स से मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? केजरीवाल. व्हाट इज द एग्जांपल? केजरीवाल. एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? जो सिटी और टाउन्स होते हैं, जो सिटी और टाउन्स होते हैं वहां पे कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे का बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. कंगना रनावत का जो बॉम्बे में घर था वो किसने तोड़ा था? बीएमसी ने. व्हाट इज बीएमसी? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. ये कॉरपोरेशन जो है प्रॉपर्टीज, टैक्सेस, पानी का सप्लाई, ड्रेनेज और गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ये सब काम किसका है? लोकल अथॉरिटी. आर्मी, मिलिट्री, ये किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट. तो कैसे होता है डायरेक्टली सारा काम? अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन है, यू जस्ट कांट हैव अ प्रिंसिपल एंड ही कांट डू ऑल द वर्क. यू हैव टू डिवाइड इट. प्रिंसिपल है, फिर हर क्लास के मॉनिटर, हर क्लास की क्लास टीचर होती है, और फिर क्लास टीचर हर क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट करती है. तो वैसा ही है सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्लास के लिए, या हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और हर सिटी के लिए एक मॉनिटर लोकल अथॉरिटी. समझ में आ गया? तो इंडिया में क्या सिस्टम है? 3-tier सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी. सबकी ड्यूटीज डिफाइंड है, सबको काम करना है. काम करने के लिए सबको पैसे चाहिए. तो पैसे कहां से आएंगे? टैक्स से. तो कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और कुछ टैक्सेस लोकल अथॉरिटी कलेक्ट करेंगे. सो सम टैक्सेस विल बी लेविड बाय सेंट्रल, सम टैक्सेस विल बी लेविड बाय स्टेट, एंड सम टैक्सेस विल बी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी. बराबर है क्या? ओके, अब सुनना ध्यान से. केजरीवाल बोलते हैं मैं कौन सा टैक्स लगाऊं मुझे बताओ. मोदी जी बोलते हैं मैं कौन सा टैक्स लगा सकता हूं मुझे बताओ. दोनों के बीच में अगर झगड़ा होने लगे कि मुझे ये टैक्स चाहिए, मुझे फलाना टैक्स चाहिए, तो नहीं चलेगा. ये जो डेफिनेशन है ये क्लियरली कहां पे दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगा. ये कहां दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इन दोनों के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट, मोदी जी, सबके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पावर देती है तो ही आप टैक्स लेवी कर सकते हो. आप आपके मन से कोई भी टैक्स आके लेवी नहीं कर सकते. जैसे मोदी जी ने बोला कि मित्रों 8 नवंबर को बोल दिया कि डीमोनिटाइजेशन, ये करेंसी इलीगल है. कैन ही कम एंड से आई एम गोइंग टू लेवी अ मोदी टैक्स? नो ही कांट. कैन केजरीवाल कम एंड से आई एम गोइंग टू लेवी सम दिल्ली वेलफेयर टैक्स? नो ही कांट. यू शुड नो दिस. कैन एनी सीएम, एनी पीएम जस्ट कम, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन अ बजट, शी कैन जस्ट रीड एंड से कल से एक नया टैक्स आने वाला है? पॉसिबल है क्या? नहीं. ये वही टैक्स लेवी कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है. तो इसीलिए जब हमको जीएसटी लाना था
सबसे पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड किया, बिकॉज जीएसटी जैसा टैक्स पहले कहीं पे भी मेंशन नहीं था। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया, इट वाज अ न्यू टैक्स, और ये न्यू टैक्स लेवी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। क्या करना पड़ा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। सो कंक्लूजन, गवर्नमेंट कैन लेवी ओनली दोज टैक्सेस व्हिच आर मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन आई हैव अ मोदी टैक्स, कैन आई हैव अ दिल्ली वेलफेयर टैक्स, इज इट पॉसिबल? दे कैन लेवी ओनली दोज टैक्सेस व्हिच आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर द टैक्सेस दैट आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुद्दा यह है, कौन सा टैक्स कौन लगाएगा? मोदी जी बोलते मैं इनकम टैक्स लूंगा, केजरीवाल बोलते नहीं मैं इनकम टैक्स लूंगा, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है, कितनी लिस्ट है? तीन, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। फिर से बोलो कितनी लिस्ट है? तीन। फिर से बोलो कितनी लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में? तीन, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर से बोलो, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट। What is the central list also called as? Union list. This side. This side. कितनी list है? तीन. चलो बोलो क्या नाम है? Central list, state list. मेरे class के instructions follow करने के. If I say repeat, means repeat. Do you understand that? Yes, I want to have active participation. बराबर है क्या? Yes. तो ये जो तीन list है, इसमें बताया गया कौन सा tax कहाँ आएगा. अब ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स आता है सेंट्रल की लिस्ट में। किसकी लिस्ट में आता है इनकम टैक्स? सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया इनकम टैक्स आप लगा सकते हो। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स आता है स्टेट की लिस्ट में। फिर से समझते हैं, इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में आता है? इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में? और स्टेट की लिस्ट में क्या आया? सेल्स टैक्स। बहुत से है, अभी हर टैक्स के बारे में बताऊंगी कौन सा टैक्स किसकी लिस्ट में, पहले इसका समझते हैं। इनकम टैक्स सेंट्रल की लिस्ट में माने पूरी इंडिया। अब सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स बनाएगी, जो एक्ट बनाएगा, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करेगा, इट विल अप्लाई ओनली इन दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। अगेन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो कहां अप्लाई करेगा? होल ऑफ इंडिया। और केजरीवाल जी तो टैक्स या कोई भी एक्ट बना सकते, वो कहां अप्लाई होगा? सिर्फ दिल्ली में। डिफरेंस समझा? अब अगर मोदी जी के लिस्ट में आ गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगाने का पावर किसको दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने? सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मींस दिस इनकम टैक्स एक्ट विल बी वन इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एक ही एक्ट है, तो भले ही आप गुजरात से पैसे कमाओ, दिल्ली में बिजनेस करो, अंडमान निकोबार में करो, जम्मू कश्मीर में करो, योर रूल्स एंड टैक्स रेट्स आर गोइंग टू बी वन एंड द सेम। सो वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स इन होल ऑफ इंडिया, विच इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेल्स टैक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैट, सेल्स टैक्स का एक निक नेम है, क्या नाम है उसका? वैट। वैट कौन लेवी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो दिल्ली का वैट एक्ट अलग, महाराष्ट्र का वैट एक्ट अलग। दिल्ली गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट लगाएगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट लगाएगा। क्या आपको आज मालूम है पेट्रोल के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? आज जीएसटी या इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि आप पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लेके नहीं आ रहे हो, पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा है आपने। बराबर है कि नहीं? तो सुन के लेना, आज पेट्रोल के प्राइसेस ऑल अक्रॉस इंडिया सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। पेट्रोल प्राइसेस वेरी। कैन यू जस्ट गूगल एंड टेल मी, गोवा में देखो प्राइस क्या है, सबसे सस्ता पेट्रोल कहां पे मिलता है इंडिया में? जस्ट गूगल एंड टेल मी, वेयर इज पेट्रोल प्राइसेस द चीपेस्ट इन इंडिया? विच स्टेट हैज कहां पे? गोवा। बट गोवा शुडंट बी चीपेस्ट। गोवा में क्या है पेट्रोल का प्राइस? 97 पॉइंट। अंडमान निकोबार में कितना है? 84। सो अंडमान निकोबार, एनीबडी फ्रॉम देयर?
देर इज सी तू अंदमान से राइट, तो पेट्रोल के प्राइसेस क्या बोला बेटा तूने वहां पे 84, तो 84 अप्रोक्सीमेटली 84, गोवा में अप्रोक्सीमेटली 97, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में 94 है। हर बच्चा अपना अपना स्टेट का प्राइस देख रहा है क्या? महाराष्ट्र में 105। क्यों पेट्रोल के प्राइसेस हर स्टेट में अलग है, क्या आपको कभी ये सवाल नहीं आया? तू छत्तीसगढ़ से ना बेटा, हाँ बता क्या है तेरे यहाँ पेट्रोल का प्राइस, बोल बोल। 102.45। इन शॉर्ट द कंक्लूजन इज, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज व्हाई द पेट्रोल प्राइस इज नॉट सेम एवरीवेयर एंड व्हाई डिडंट यू गेट दिस क्वेश्चन अर्लियर, व्हाई डिडंट यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई इज द पेट्रोल प्राइस इज नॉट सेम एवरीवेयर? बिकॉज द वैट इज लेविड ऑन दैट एंड वैट इज लेविड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो अब केजरीवाल मोदी जी को बोलेंगे मेरे मैटर में इंटरफियर नहीं करने का, वैट मेरा सब्जेक्ट मैटर है ना, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या रेट लगाने का है। महाराष्ट्र अपने हिसाब से रेट लगाएगा, दिल्ली अपने हिसाब से लगा सकता है, हर स्टेट अपने हिसाब से इसका एक्ट बनाएगा और इसके रूल्स बनाएंगे। दारू भारी, लिकर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, नो जीएसटी ऑन दैट। लिकर सुनना मज्जा, टैक्सीज मज्जा, क्या है टैक्सीज मज्जा, मज्जा मतलब फन, ओके? अब सुनना, दारू दो प्रकार की होती है, एक इंडस्ट्रियल, आई डिडंट मीन दैट, नो देसी, नो आई डिडंट मीन दैट, I meant you have industrial liquor and there is liquor for human consumption, okay? Now whenever liquor is for human consumption, अब सुनो ना, आपने shoes manufacture किए, क्या manufacture किया? Shoes. If you manufacture shoes, उस पर excise duty लगता था। You manufacture clothes, उसके ऊपर excise duty. You manufacture any product, उसके ऊपर क्या? Excise duty. ये एक्साइज ड्यूटी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज सी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे आपस में, ये टैक्स तू ले ले, ये टैक्स सेंट्रल लेगा, ये टैक्स स्टेट लेगा। तो जब बंटवारा हो रहा था, इनकम टैक्स किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इफ यू मैन्युफैक्चर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू, इफ यू मैन्युफैक्चर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर का एक्साइज वॉज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज वेट टूडे ओनली सम स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स, बिकॉज ये डिसीजन कौन ले सकता है? लिकर के ऊपर का डिसीजन कौन ले सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो दारू जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका एक्साइज ड्यूटी किसके किसके पास उसके पावर्स है? स्टेट के पास। दैट इज विच टू स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स? बट गुजरात में अब क्या आ गया? गिफ्ट, गुजरात को गिफ्ट मिला, क्या? गिफ्ट सिटी, जहां पे अभी लीकर अलाउड है, लीकर अलाउड है। पहले गुजरात में लीकर सेल करना अलाउड नहीं था, इट वॉज कॉल्ड एज अ ड्राई स्टेट। बिहार ड्राई स्टेट, क्यों? बिहार ने डिसाइड किया कि हमें नहीं चाहिए एक्साइज ड्यूटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीकर, हमें लीकर से टैक्स नहीं कमाना, ये ड्राई स्टेट होगा। जहां पे ड्राई स्टेट होता है, वहां पे इलीगली ब्लैक में बहुत लिकर अवेलेबल होता है। कौन है गुजरात से, कौन है बिहार से, क्या रे मिलता है क्या तुम्हारे यहाँ लिकर? हाँ दुगना दाम में मिलता है। तू कहां से? बिहार से। तेरे को एक्सपीरियंस है? यस मैम। ऑल राइट, बट नाउ वॉट डू वी हैव? वी हैव गिफ्ट सिटी इन गुजरात, ओके? यस, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे आपस में ड्यूटीज बांटने पड़ेंगे कि नहीं? सब टीचर्स आके इधर सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टाइम टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए?
कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये पता होना चाहिए कि नहीं, तो वैसे ही डे वन से पता होना चाहिए ये टैक्स स्टेट लगाएगा क्या और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। तो ये कौन डिवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लिस्ट है? तीन। चलो जल्दी बोलो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों मिलके टैक्स लगा सकते हैं, दोनों मिलके टैक्स लगा सकते हैं। अब जो सेंट्रल लिस्ट में कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स उधर जाता है, कस्टम्स ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट और सेल्स टैक्स किसका है? स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सीएसटी में बताती हूँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। स्टेट के पास क्या है? सिर्फ वैट और सेल्स टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी करके एक और टैक्स आता है, वो किसके पास जाता है? स्टेट के पास। अभी सुनना, रुको, पहले अभी ये चीज सुन के लो। तुमको लिखना है क्या इतना पहले? टैक्सेस के नाम और ये लिखोगे क्या? तुम लिख लिया है? लिख के लो। अभी कल से क्या होगा, लेक्चर में ज्यादा चीजें कवर होगी। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था एंड एवरीबडी हैड कम, तो कल से वी विल बी हैविंग मोर ऑफ टैक्सेशन कोर स्टडीज ओनली। यहां से कौन है? मैं बिहार से हूं। हाँ, अल्कोहल और पेट्रोल को जीएसटी के अंडर क्यों नहीं लाया? स्टेट गवर्नमेंट मानती नहीं थी। जीएसटी की जब मीटिंग हो रही थी ना, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला लिकर पहले से हमारा था, हमारा ही रहेगा, ये जीएसटी के अंडर नहीं आएगा। जीएसटी के अंडर आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग करना पड़ेगा। ये सेड नो, जीएसटी लिकर पहले से भी हमारा था और जीएसटी के बाद भी हमारा ही रहेगा। तो लिकर को जीएसटी के अंदर लेके आना अलाउड नहीं है, ऐसा प्रॉमिस किया ना स्टेट गवर्नमेंट को, तब जाके वो जीएसटी के लिए माने। अभी और डिटेल में तुमको समझेगा, अभी तुम बहुत छोटे, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन टैक्सेशन, देयर इज लॉट्स टू इट, सो जस्ट वेट, आई कांट टेल यू एवरीथिंग इन वन गो, स्लोली एंड स्टेडीली आई विल टेल यू। ये लिखा क्या आपने? चलो क्या क्या लिखा? ये लिखा वैट से स्टैम्प ड्यूटी तक आ गया क्या? आ गया क्या? अच्छा मैम, वो सेल्स टैक्स में दो दो टैक्सेस है, क्यों अभी बताती हूँ। यहां तक आ गया क्या तुम? ये थ्री टीयर सिस्टम लिख के हो गया क्या तुम्हारा? ओके, अब सुनना, सेल्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, लिखो मेरे साथ ही, सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स। अच्छा जो मैं लिख रही हूं इसमें से कुछ भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछने वाले हैं? नो नो, नथिंग ऑफ दिस इज कमिंग इन द एग्जाम, दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। बट कितना समझा देगा तुमको, पेट्रोल के प्राइसेस अलग है, लीकर पे क्या होता है, थोड़ा आइडिया आ रहा है कि नहीं अभी आपको? आपने बेटा ऐसा फील्ड चूज किया जहां पे आपका पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर, अपडेट, यू हैव दीज मोबाइल पे आजकल कितने ऐप्स आते हैं जहां पे आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हो। यू मस्ट सब्सक्राइब टू दोज एंड यू मस्ट हैव द डेटा, मतलब आपने आपका जनरल नॉलेज, गिफ्ट सिटी ये क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपने फील्ड ही ऐसा चूज किया, बराबर है क्या? यस। अब देखो सेलिंग ऑफ गुड्स लिखते क्या तुम? इसके तीन पार्ट से, इफ आई सेल गुड्स विद इन द स्टेट, कहां सेल किया? विद इन द स्टेट, तो क्या लगेगा? वैट, वैट ऑफ दैट स्टेट, वैट ऑफ दैट स्टेट। इफ आई एम सेलिंग विद इन द स्टेट, भावेश, लास्ट बैच स्टूडेंट्स ऑल्सो हियर, हिमांशु, भावेश, तुम पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई चल रही है क्या अच्छी तुम्हारी? ओके, अब सुनो, विद इन द स्टेट अगर कुछ मैंने बेचा, मैंने महाराष्ट्र के गुड्स कहां बेचे? महाराष्ट्र में, तो कौन सा टैक्स लगेगा? महाराष्ट्र का वैट लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। ऐसे सेल को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, लिखो क्या बोलते हैं उसको? इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है क्या? अच्छा, ऐसे कोई बच्चे जिन्होंने संकल्प में मेरे लेक्चर्स किए हैं, जो लिखा हुआ है वो ठीक है, नहीं तो फ्रेश मेरे साथ सब कुछ लिखना है,
आज का एक दिन ठीक है नहीं लिखा तो कल से क्या करना है, सब कुछ लिखना है, राइटिंग इज कंपल्सरी, बरोबर है क्या? हाँ। अब इफ आई सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सेल ऑफ गुड्स कहां से हो रहा है, वन स्टेट टू अनदर, अब दोनों स्टेट्स में झगड़े होने लगे, कौन टैक्स लगाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमने गुड्स बेचे तो हम टैक्स लगाएंगे, गुजरात बोलते गुड्स हमारे यहां आए इसलिए हम टैक्स लगाएंगे, दूसरा एक स्टेट आता है गुड्स हमारे स्टेट से होते हुए गए इसलिए हम भी टैक्स लगाएंगे, फिर एक गए बोलते कि नहीं नहीं इसका जो रॉ मटेरियल है हमारे स्टेट से आया तो हम भी टैक्स लगाएंगे, ऐसा करते 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 मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यू लेवी अनदर टैक्स कॉल्ड एज CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए तो टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट्स का क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, विद इन महाराष्ट्र सेल किया महाराष्ट्र का टैक्स लगेगा, विद इन गुजरात सेल किया गुजरात का वैट लगेगा, विद इन दिल्ली सेल किया दिल्ली का वैट लगेगा, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो कौन लगाएगा टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल्स टैक्स, नाम से ही पता चल रहा है, नाम देखो ना क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, नाम क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो वन स्टेट टू अनादर व्हाट विल बी लेविड इज CST, एंड दिस CST का फुल फॉर्म इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओ माय गॉड, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल, इस सेल को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, इट इज ओके, आई हर्ड इट आई इग्नोर्ड इट, इट मीन्स इट इज ओके, सप्लाई सेल, हाँ हाँ बताती, ओके आपने लिखा क्या, क्या लिखा आपने, वन स्टेट टू अनादर, नाउ कौन सा स्टेट, पहले CST में क्या होता था, पहले CST आने के बाद नहीं है वो नेक्सस थ्योरी, पहले था वो बता दिया मैंने इनडायरेक्टली, क्या जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल करता था तो गवर्नमेंट ने बोला था जिस स्टेट का उस सेल के साथ कनेक्शन होगा नेक्सस होगा वो स्टेट लगाएगा, तो सेलिंग स्टेट बोलते हमारा कनेक्शन है तो हम लगाएंगे, बाइंग स्टेट बोलता था हमारा कनेक्शन है हम लगाएंगे, एक स्टेट बोलता है हमारा रॉ मटेरियल है इसलिए हम लगाएंगे, एक स्टेट बोलता है गुड्स वो जो ट्रक गई थी ना महाराष्ट्र से गुजरात हमारे स्टेट से होते हुए गई इसलिए हम लगाएंगे, ये कुछ काम नहीं कर रहा था इसीलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, झगड़ा हुआ और फिर आया CST दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर आया सेंट्रल सेल्स टैक्स, समझा क्या, आर यू गोना गेट क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑन दिस, नो, वन मार्क ऑल्सो, नो, जीरो मार्क्स, वॉट एवर वी आर स्टडिंग जीरो मार्क्स टिल नाउ, बट अपन क्या कर रहे हैं फाउंडेशन बना के ले रहे हैं, बेस बना रहे हैं अपना, ठीक है, यस, नाउ सेल आउटसाइड इंडिया, लिखो सेल आउटसाइड इंडिया, सो व्हेन आई सेल समथिंग आउटसाइड इंडिया व्हाट इज इट कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है, कस्टम्स ड्यूटी, बरोबर है क्या, ए बरोबर है ना, रेडी, नेक्स्ट लिखेंगे, ए यहां तक किसी को डाउट है क्या, पूछो तो, ए तुम लोगों को डाउट है क्या, लाइव स्ट्रीमिंग, मैम इफ रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट से लिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कैन बाय फ्रॉम अदर स्टेट्स मैन्युफैक्चर योर गुड्स डू ट्रेडिंग एंड देन सेल, नो प्रॉब्लम, करेक्ट, नो डाउट हियर, ओके ठीक है, अब सुन के लो, यहां तक आ गए क्या तुम, यहां तक आ गए, ओके अब सुन के लेते हैं, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो थ्री लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट, फिर लिस्ट कौन सा है, स्टेट लिस्ट, और फिर कौन सा लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, बराबर है का, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू द गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स, या उसके नीचे ऊपर कहीं पे भी लिखेंगे, या हाँ स्पेस है क्या आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर
टू गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ टैक्स. फॉर व्हाट? लेवी ऑफ टैक्स. तो केजरीवाल को बोल दिया आप दिल्ली स्टेट में कुछ भी टैक्स लगा सकते हो. तो कैन ही लेवी दिल्ली वेलफेयर टैक्स, केजरीवाल टैक्स? नो, ही हैज टू लेवी ओनली दोज टैक्सेस विच आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मोदी जी ऑल्सो कैन लेवी ओनली दोज टैक्सेस विच आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप कोई नया खुद से एक्ट नहीं, टैक्स लेवी नहीं कर सकते. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट में कौन से, ये कौन लेवी करेगा दीज टैक्सेस? टैक्सेस लेविड बाय हूम? सीजी. सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट मतलब टैक्सेस लेविड बाय एसजी. एसजी म्हणजे, एंड दीज आर द टैक्सेस टू बी लेविड. कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉमन. सो बाय बोथ टैक्स टू बी लेविड बाय सीजी, टैक्स टू बी लेविड बाय एसजी, टैक्सेस टू बी लेविड बाय बोथ. लिखा? अरे लिख रहे ना. हाँ, अब देखो यूनियन की लिस्ट में कौन से टैक्सेस कवर्ड है. पहला इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन यहां एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट लिकर फॉर एक इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, हो गया ना इधर, डन है. स्टूडेंट्स का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना है, बना देंगे तो आप ऐड हो जाओगे, डोंट वरी. ऐड हो जाओगे आप. विल बी मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यू विल गेट एडेड. वील हैव अ फेस टू फेस का ग्रुप, लाइव स्ट्रीमिंग, जीडीपीडी, सबके ग्रुप बनेंगे. ठीक है, अब टैक्सेस. ऑफकोर्स राज पास स्टूडेंट्स आते, देखो यहाँ पे. सुनो, टैक्स लेविड बाय सीजी, कौन से टैक्सेस आते हैं सीजी के इसमें? वैट. वैट को और क्या नाम से बुलाया जाता है? सेल्स टैक्स. फिर आता है स्टैम्प ड्यूटी. फिर क्या आता है? स्टैम्प ड्यूटी. एंड थर्ड एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. बराबर है क्या? एंड यहाँ पे कुछ और भी टैक्सेस आएंगे, बट वो हम कहाँ सीखेंगे? जब मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? जीएसटी. जब जीएसटी पढ़ाऊंगी तब इनडायरेक्ट टैक्सेस का और फिर से अलग एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, तो वहां पे सीखेंगे. अभी जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही आपको सिखाऊंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर जस्ट न्यू टू टैक्सेशन. एक ही दिन में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो बात चलेगी क्या? नहीं. जैसे छोटा बच्चा कुछ खाने लगता है तो डू वी गिव हिम फीड हिम बिरयानी इमिडिएटली? नो. स्लोली एंड स्टेडिली इट हैज टू हैपन ना बेटा. तो स्लोली और स्टेडिली होगा. ठीक है, नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में नो टैक्सेस, नो टैक्स आइटम, मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है, कोई भी नहीं है. आपको लगेगा मैम जीएसटी तो है ना? नहीं, जीएसटी भी कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, अलग उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. सो नो टैक्स आइटम इज कवर्ड अंडर दिस लिस्ट. ठीक है, एक काम करेंगे इस लिस्ट को एक बार हम गूगल करते हैं. ये प्रेस रिलीज है हमारा, यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये देखेंगे क्या है, ये कहां है, ये सेवेंथ शेड्यूल. आर्टिकल कौन सा है? 246. व्हाट इज दिस आर्टिकल? जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं. जैसे एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? आर्टिकल होता है. सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 की पहली लिस्ट है, लिस्ट वन. क्या नाम है उस लिस्ट का? यूनियन लिस्ट. सबसे पहले क्या है? डिफेंस.
गवर्नमेंट के यहाँ सिर्फ टैक्स का आइटम नहीं होगा, इनकम टैक्स पता है कौन सी एंट्री पे आता है? 82, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कौन सी एंट्री पे आएगा? 82 पे इनकम टैक्स आता है। तो ये पहले क्या है, गवर्नमेंट के और बहुत सारे काम है, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना उनका काम नहीं है। डिफेंस, मिलिट्री, नेवी, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब उनका काम है। तो देखो पहले लिस्ट में क्या आया, डिफेंस ऑफ इंडिया, फिर नेवल, फिर नेवी, आर्म्स, फायरमैन, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे करते करते 10 पे देखो फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक, यूएनओ 13 नंबर पे कुछ, 14, 15 पे वॉर एंड पीस, ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है क्या? एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है क्या? नहीं। मिलिट्री से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती है क्या? नहीं। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। वॉर एंड पीस से रिलेटेड कौन डिसीजन लेगा? स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं। ये काम है उनके, देखो पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया वगैरह वगैरह। रेलवेज, रेलवेज का डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डज इट कम अंडर द स्टेट लिस्ट? नो। ऐसे करते करते एंट्री नंबर 82 देखो किधर है। ओ, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम, अदर देन एग्री इनकम, एग्री इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाता, एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, एग्जम्प्ट है। आज अगर टैक्स लगाना भी चाहे तो कौन करेगा? वोट बैंक चला जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट ऐसा डेयरिंग करेगी? मुश्किल है बहुत, है कि नहीं? फार्मर्स का, सम फार्मर्स आर वेरी रिच, वी शुड टैक्स देम। सम फार्मर्स जेन्युइनली सफर, बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, नेचर पे डिपेंडेंट है, रेन्स पे डिपेंडेंट है, अग्रीड, वी शुड सपोर्ट देम। बट सम फार्मर्स आर रिच, नो, वी शुड टैक्स देम, बट वी आर नॉट टैक्सिंग देम। नाउ लुक एट दिस, 82 पे क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम मींस इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 83 देखो, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो कस्टम्स ड्यूटी किसकी लिस्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में? यूनियन लिस्ट पढ़ रही है हम लोग, कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं? यूनियन लिस्ट। 84 देखो, एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर, एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैसे ही एक्सेप्शन है ओपीएम एंड इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स। ओपीएम, हेम्प एंड नार्कोटिक्स अगर सही तरीके से यूज किया तो दवाइयां बनती है, इसको मिस यूज किया तो ड्रग्स बनता है। स्टेट गवर्नमेंट इस पे अच्छे से मॉनिटर कर पाती है, इसलिए एक्साइज, लिकर, ओपीएम, हेम्प, ये किसको दे दिया जवाबदारी? स्टेट को। क्लास टीचर ध्यान से देगी, ध्यान, प्रिंसिपल सब जगह पहुंच सकता है क्या? नहीं। धीरे धीरे समझेगा, अभी इनडायरेक्ट टैक्स का मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा क्या है? इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में? सेंट्रल। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स? सेंट्रल। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर? स्टेट की लिस्ट में। ऐसे ही जो ये जो मैं लिस्ट पढ़ रही हूँ वैसे ही एक स्टेट की भी लिस्ट है। ध्यान में आ गया क्या सबको? तो कौन से टैक्सेस किसकी लिस्ट में आपको ध्यान में आया क्या? यस, जीएसटी दोनों लगाते हैं। जीएसटी कौन लगाता है? दोनों, सेंट्रल प्लस स्टेट। फिर भी वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, उसको अलग एंट्री नंबर दिया है। अब एक काम करेंगे, ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, दीस लिस्ट आर गिवन एज पर आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल। ये आपको लर्न करना है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है। क्या लर्न करना है आपको? कि ये लिस्ट कहाँ दी है, कहाँ दी है ये लिस्ट? आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल। और यहाँ पे लिखेंगे लर्न। ये लर्न क्यों करना है? लर्न मतलब किसके लिए लर्न करना है? एग्जाम के लिए। आपको आर्टिकल नंबर कौन से शेड्यूल में कवर्ड है ये पूछा जा सकता है, ये लर्न करना है। अब तक का फर्स्ट पॉइंट जो आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से लर्न करना है, बाकी सब सिर्फ समझना है। सही है क्या? है ना? उसके नीचे इनकम टैक्स इज कवर्ड इन विच लिस्ट? इन यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82। ये भी लर्न करना है, बाकी के एंट्री नंबर अभी नहीं लर्न करने क्योंकि हम पहले किस पे टैक्स फोकस करेंगे? इनकम टैक्स। तो ये भी लर्न, लिखो क्या करना है आपको? लर्न। सिर्फ पढ़ते गए और मैम इसमें से एग्जाम में क्या आने वाला है वो भी तो बताओ जरा, हाँ कि नहीं? तो एग्जाम में ये आने वाला है, इनकम टैक्स इज कवर्ड इन यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82। दिखाया ना मैंने तुमको, दिखाया ना अभी सबको,
एंड थ्री लिस्ट कहाँ पे गिवन है, आर्टिकल 246 सेवन शेड्यूल, डन है क्या ये? चलो तो अब बोलो, टैक्स में मेरे मन से मेरी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा सकती हूँ क्या? नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर्स टू गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस. सम टैक्सेस कैन बी लेविड बाय सेंट्रल, सम टैक्सेस बाय स्टेट एंड सम टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी. आई एम गोइंग टू कम टू द लोकल अथॉरिटी पार्ट. मुझे पता है मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट बताया, एक ही दिन में मैं सब बता सकती हूँ क्या? पिक्चर जब हम तीन घंटे की मूवी देखते हैं तो आपको वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तुरंत पता चला क्या? पार्ट टू का वेट करना पड़ा, इधर पार्ट टू का नहीं वेट करना पड़ेगा, तीन महीने में सब क्लियर हो जाएगा. लेकिन एक ही दिन में नहीं बता सकती हूँ. टर्न आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, मूवी आप ऐसे हाफ में छोड़ के चले जा सकते हो क्या? समझ में नहीं आ रही है, यू वेट ना कि क्या होने वाला है, क्या क्लाइमेक्स है. तो वैसे ही है, एंड में आपको पूरी मूवी अच्छे से समझ में आ जाएगी. बट वील हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी. बराबर है क्या? ये वेब सीरीज है तो एंड तक अपने को देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि अभी मूवी देखने आया, तीन घंटे की क्लास में मूवी खत्म हो गई. नहीं है, ये क्या है, एपिसोड वन. देन लाइक दिस वी हैव टू गो ऑन टिल वी हैव 91 लेक्चर्स काउंटिंग संडेज. सम संडेज आई विल गिव यू ऑफ, सम संडेज आई विल नॉट गिव यू एन ऑफ. संडे सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी संडे संडे ही है. मैं भी आऊंगी, तुम भी आना. बराबर है ना? इस संडे को छुट्टी दूंगी क्योंकि फर्स्ट संडे आपको सेटल होना है, हॉस्टल है वगैरह वगैरह है. तो ये संडे को कोई टॉर्चर नहीं करूंगी, ये संडे को आपको छुट्टी दूंगी. ठीक है? अब तक हमने क्या पढ़ा? आज बहुत कम पढ़ाई हुई क्योंकि हम जनरल इंट्रोडक्शन सेशन था. ठीक है? लेकिन एक सेकंड, डोंट पैक योर बैग, डोंट क्लोज, ओपन योर, ओपन. बैड मैनर्स, इफ आई एम टीचर एंड यू स्टार्ट पैकिंग इट इज नॉट गुड, यू हैव टू वेट. ठीक है? हाँ, अब तक बोलो क्या पढ़ा हमने. चलो, इनकम टैक्सेस, टैक्स ऑन इनकम. स्टार्टिंग से बोलती, पहले हमने देखा कि टैक्सेस दो प्रकार के, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. फिर हमने इसका डिफरेंस समझा, फिर हमने समझा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, जीएसटी. कस्टम्स ड्यूटी भी है क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, अभी भी वो क्या है, जिंदा है. मतलब जीएसटी के आने के बाद भी अभी भी कस्टम्स ड्यूटी है क्या? है. बराबर है? फिर दोनों का डिफरेंस बताया, विच इज मैनेजेबल. एक डायरेक्टली कलेक्ट होता है, एक इनडायरेक्टली. जैसे आप क्या पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी पे करते हो ना आप, वो इनडायरेक्ट टैक्स है. दोनों का कलेक्शन लगभग सेम है. इंडिया में लगभग कितने परसेंटेज लोग टैक्स पे करते हैं? 6%. कितने लोग पे करते हैं? 6%. इंडिया की गवर्नमेंट आपको फ्री में कोई सुविधा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अच्छी कंडीशन, कोविड से डर नहीं लगता था. डर क्या था, वो कौन से कैसे तो भी हॉस्पिटल में हमको लेके जाएंगे, क्या पता वो कैसा होगा, कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल या जो भी है. फैसिलिटीज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज इन इंडिया ओनली 6% पीपल पे टैक्सेस. इन अदर कंट्रीज अराउंड 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन पेस टैक्सेस. हाउ कैन गवर्नमेंट गिव यू फ्री फैसिलिटीज? हाउ कैन दे गिव यू फ्री मेडिकल? हाउ कैन दे गिव यू गुड मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ और एजुकेशन? आउटसाइड कंट्रीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपर्ब एंड वेरी वेल मेंटेन्ड, गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सीलेंट कंडीशंस. वी कांट डू दैट बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ 6% लोग टैक्स पे करते हैं. आउट ऑफ 140 crores ऑफ पॉपुलेशन वी हैव ओनली 6-7 crores के पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस. सम आर फाइलिंग रिटर्न्स, मे नॉट पे टैक्सेस ऑल्सो, यू विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. फिर हमने सीखा, कैन केजरीवाल कमेंट से मैं फलाना फलाना टैक्स लगाऊंगा? नहीं. कौन पावर देगा? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246. कितनी लिस्ट? 3, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन लिस्ट. फिर टैक्सेस के नाम पता चले. चलो, एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग. कस्टम्स किस पे लगता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विसेज पे. इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे. सेल्स टैक्स क्या है? वैट. सेलिंग ऑफ गुड्स पे क्या लगेगा? सेल्स टैक्स. इफ यू सेल गुड्स विद इन द स्टेट, वैट ऑफ दैट स्टेट. बट इफ यू सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, सीएसटी. यू सेल गुड्स आउटसाइड इंडिया, कस्टम्स. एटलीस्ट नाम तो पता चल गया कौन सा टैक्स क्या है. मैन्युफैक्चरिंग ऑन लिकर, हु पेज व्हाट टैक्स इज देयर? स्टेट. कौन लेवी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेवी करेगा. इसीलिए कौन से स्टेट्स ड्राई है या ड्राई नहीं है, ये डिसीजन कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. इनकम टैक्स इंडिया में सेम है कि स्टेट वाइज बदलते रहेगा? सेम है, क्योंकि वो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. वन टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट वैट प्राइसेस आर डिफरेंट. दैट इज व्हाई पेट्रोल प्राइसेस आर डिफरेंट.
बहुत मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या हमको इलीगल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स की आपने चोरी करी, किडनी बेच के आए, पैसे लिए, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? ये हाँ देना पड़ेगा, इलीगल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम कब सीखेंगे? कल सीखेंगे। कल कितने बजे आएंगे हम? बहुत ज्ञान मिला। और कल 7:30 को नहीं आए ना तो देखना, आज तो मतलब 1 घंटा ज्ञान दिया तुमको हमने, और तुम फिर भी नहीं आए तो देखना फिर क्या। सब 7:30 को पहुंचेंगे ना? मैं भी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी यहाँ पे 7:30 को रहने की, ठीक है। सो वॉज इट अ फन क्लास? डिड यू हैव सम पार्ट ऑफ इनकम टैक्स? आपको समझ में आया क्या सब? पक्का? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? मैम एक मिनट, उनका क्या डाउट है क्या देखते हैं। मैम जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है क्या? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, बिल्कुल। 6% ऑफ पीपल पे डीटी, डायरेक्ट टैक्सेस। सारी क्लासेस कितनी कितनी देर करेंगी क्या? हाँ नो डाउट, नो डाउट, दे डोंट हैव एनी डाउट। एनीबडी, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट बेटा? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम, नो मैम, नो डाउट। तो कल और भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर याद रखना है क्या? हाँ ये वाला याद रखना है नंदिनी। मैम मज्जा, ओके सो नो प्रॉब्लम, फाइन। समोसा, हो चला चला। तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि टैक्स इज स्कैम ऑल्सो, लाइफ इज स्कैम। आपको जैसे पेरेंट्स ने बोला ना 10th पास कर ले फिर कुछ नहीं है, फिर आपको बोला 12th का ईयर पास कर ले फिर आगे कुछ नहीं है, फिर तुमने भगवान को बोला मेरे को फाउंडेशन पास करा दे फिर कुछ नहीं मांगेंगे, फिर अब तुम बोलोगे भगवान ये इंटर की क्लासेस मेरी थ्रू हो जाए फिर कुछ नहीं मांगेंगे। तो आपकी जो लाइफ है वो क्या है? स्कैम है, ठीक है। तो कल मिलेंगे 7:30 को। बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई मीट यू टुमारो। एनीबडी हैज एनी क्वेरीज यू कैन कम एंड मैम व्हेन विल टैक्सेशन कोर्स बी कंप्लीटेड? इन 3 months। ऑलराइट प्रिंस, कल बताती हूँ तुम्हारा डाउट। आयुष मंडे से तुम आओगे तो बिल्कुल चलेगा, फेस टू फेस आ सकते हो। चलो सी एस स्टूडेंट, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कल चर्चा होने वाला है, कल चर्चा होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय। यू ऑल कैन ऑल्सो, इन केस एनीबडी हैज अ डाउट यू कैन कमेंट मी।